कोटले क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की मैराथन क्लास और ये मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको मेरी तरफ से ये वेंट है ट्रांसफॉर्मर को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे सवालों के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे ठीक है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी हैप्पी बर्थडेपी है बर्थडे जन्मदिन मुबारक हो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप यूं ही साथ बने रहें और हम जिस सफलता की ओर अग्रसर हैं चाहे यू पी पी सी एल वैकेंसी हो चाहे टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी हो चाहे डी एम आर सी वैकेंसी हो इन सभी में हम अपने झंडे गाड़ देंगे तो हम ये जो ट्रांसफॉर्मर टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे पहली पॉइंट्स है कि मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ूंगा मैं हंड्रेड क्वेश्चन ले रहा हूँ और हंड्रेड क्वेश्चन से पूरा टॉपिक करूँगा साथ में पूरा डिटेल बता बता के पहली बात ये ध्यान रखना ठीक है और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कॉपी पेन ले बैठना है जब आपको लिखने का समय कम मिले तो स्क्रीन शॉर्ट लेना नहीं तो आप साथ के साथ लिखते चलना है क्योंकि मैं पूर्णतीय थ्योरी भी बताऊंगा तो जितने भी विद्यार्थी इस बात का भी ध्यान रखना है तो सभी विद्यार्थी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए जल्दी से लाइव जुड़ जाइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना सारा प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल जी क्लास स्टार्ट करते हैं अब चरण हमारी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद चलो स्टार्ट करते हैं थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चलो भाई जितने भी विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ते हैं आज और पढ़ाई का पूरा आनंद उठाते हैं तो चलो शुरू करते हैं पहले इस सवाल से ये आपके पास पहला सवाल आ गया ट्रांसफार्मर का आराम से सवाल करना है, डिटेल में बताएंगे और कोई जल्दबाजी नहीं होगी क्लास चार घंटे से सात घंटे के बीच कितनी भी चल सकती है आपके ऊपर डिपेंड करेगी चार घंटे तो कम से कम चलेगी छः सात घंटे भी चलेगी ठीक है तो आप देख लेना कितने घंटे चलेगी आप जितना प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा मैं बताता जाऊँगा ट्रांसफार्मर तो बहुत लंबा सब्जेक्ट होता है तो ये देखता जाना ओके okay. सबसे पहला सवाल आ गया आपके सामने बहुत ही आसान सा सवाल है कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का डिवाइस है पहला सवाल है घुर्णी है दूसरा अचल है तीसरा विद्युत स्थिति है चौथा ऑप्शन चुंबकीय है और पाँच इनमें से कोई नहीं सबसे पहली बात आप देखो ध्यान से कि आपको पूछा हुआ क्या है आपको पूछा कौन सा डिवाइस है क्या पूछा है भाई डिवाइस है डिवाइस किसे कहते हैं देखिए ध्यान से पहली बात समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी परीक्षा में दिक्कत नहीं हो डिवाइस जिसको हिंदी में बोलते हैं युक्ति युक्ति किसे कहते हैं कि आप कहोगे यह क्या करती है कि ऊर्जा का स्थानांतरण करती है ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जो स्थानांतरण करती है एक परिपथ से मैं एक एक सवाल का डिटेल लिखूंगा ध्यान से देख लेना दूसरे परिपथ में स्थानांतरण करती है उसे हम क्या कहते हैं डिवाइस कहते हैं यानी कि युक्ति कहते हैं देखिए ये हमारे पास जो एक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में करती है लेकिन ध्यान रखना जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदले ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदले उसे मशीन कहते हैं देखो मशीन में और डिवाइस में फर्क है आपको सवाल में कभी भी पूछ ले मशीन मशीन है क्या बिल्कुल नहीं है क्योंकि में हमारे पास ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में नहीं हो रही है जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा आ रही है तो आगे विद्युत ऊर्जा ही जा रही है ऊर्जा का परिवर्तन नहीं हो रहा केवल एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है तो मशीन किसे कहते हैं ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना हमारे पास क्या हो गया है तो ये आप कहोगे हो गया ये हमारे पास मशीन हो गया है अब आता है कि ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या है तो ट्रांसफॉर्मर मशीन है युक्ति है तो ट्रांसफॉर्मर आपके पास जो है वो आपके पास होता है युक्ति इसी प्रकार और युक्ति कौन सी है तो आप क्योंकि कि ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी है वो भी युक्ति है डायोड जो पढ़ते हैं हम वो भी युक्ति है तो मैं पूछूंगा भाई मशीन कौन सी है आप क्योंगे जो जनरेटर है मशीन है मोटर पढ़ते हैं मशीन है अल्टरनेटर जो होता है वो भी मशीन है ये सब क्या होते हैं मशीन होता है जबकि जो केवल एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरण करता है उसे हम क्या कहते हैं युक्ति कहते हैं क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास किस प्रकार की है जो डिवाइस है कौन है, 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 सी है तो आप कहोगे इसका करेक्ट आंसर है मतलब है स्थिर यानी कि यहां पर कोई भी भाग घूमने वाला नहीं है तो स्थिर होता है उसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं होता ध्यान रखना जिसमें कोई भी भाग घूमने वाला नहीं है उसमें अचल स्थिर है और जो स्थिर होगी तो आप जानते एक हानि कम होगी कौन सी हानि कम होगी जो घर्षण हानि है वो नहीं होगी यानी कि घर्षण हानि कम होगी ये कंडीशन आएगी यहां तक तो आप आराम से देखते हो अब आप देखते हो कि जो आपने देखा है कि हमारे पास डिवाइस कितनी प्रकार की होती है यहां सवाल क्या दिया डिवाइस दिया है तो डिवाइस कितनी प्रकार की होती है तो ध्यान रखना कि डिवाइस हमारे पास होती है दो प्रकार की कौन सी कौन सी दो प्रकार की डिवाइस है तो आप क्यों एक तो होती है एक्टिव डिवाइस और दूसरी होती है पेसिव डिवाइस एक होती है एक्टिव डिवाइस दूसरी होती है passive device. Passive device कौन सी है तो आप क्या कि गया पेसिव डिवाइस जैसे आर एल सी पेसिव है और डायोड टी और ये जो ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये हमारे पास एक्टिव है ट्रांसफॉर्मर जो है वो पैसिव डिवाइस का है भाई कई बार पूछ लें किस प्रकार की डिवाइस है तो आपको यह कहना है कि पैसिव डिवाइस के अंतर्गत आएगी भाई ट्रांसफॉर्मर में आएगी ट्रांसफॉर्मर हमारे पास किस में आएगी भाई पैसिव डिवाइस के अंतर्गत आएगी तो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास पैसिव डिवाइस है इस बात का आपको ध्यान रखना है क्लियर है पूरी डिटेल में पढ़ते चलो बड़े शानदार तरीके से पढ़ो धन्यवाद आपको सभी ने जो बर्थडे की विशेष की है मुझे उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद अब आप चलिए जल्दी से स्क्रीन ले लीजिए मैं एक बार समझाने के बाद में केवल आपको 10-20 सेकेंड का टाइम दूंगा ताकि आप स्क्रीन ले लीजिए जल्दी से स्क्रीन ले लीजिएगा भाई क्लियर है अब करते हैं अगला सवाल सेकंड सवाल में एक एक सवाल को बड़ी डिटेल से बताऊंगा आप ध्यान से देखते चलो परिणाम मित्र यानी कि ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जो ट्रांसफॉर्मर है इसका मान किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है आवर्ती को शक्ति गुणा को शक्ति को या वोल्टेज को बड़ा आसान सा सवाल है कोई टिपिकल सवाल नहीं तुरंत आंसर दे देते हो सब लेकिन मैं आपको एक एक ऑप्शन आपको आराम से बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि सवाल को किस प्रकार सोल्व किया जाता है सब आंसर दे रहे हैं डी इतना कोई टिपिकल मामला नहीं टिपिकल मामला मैं इसको समझाऊ तब ध्यान रखना इसमें जो ये आवर्ती है आवर्ती आंसर कब होता है आवर्ती तब होता है जब कोई गुणनी भाग हो जब ए, ए, किसी में कोई गुण का भाग हो गुणी भाग, तो भाग, तो तो भाग हो तो आवर्ती में परिवर्तन होता है यदि कोई गुणी भाग नहीं है तो आवर्ती में परिवर्तन नहीं होता है तो आप कहोगे यदि कोई गुणी भाग हो तो आवर्ती में परिवर्तन होता है और आप परिवर्तन होता है ट्रांसफॉर्मर में घुड़नी भाग होता है क्या बिल्कुल नहीं होता है तो ट्रांसफॉर्मर में आवर्ती परिवर्तन होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा इसलिए ऑप्शन हमारे पास जाएगा जाएगा गलत हो जाएगा। एक एक चीज को समझते चलते हैं ठीक है ना तो यह क्या हो जाएगा गलत अब घुड़नी भाग होता है मोटर में होता है तो मोटर में समझो आप ध्यान से आप फ्रिक्वेंसी देते हो पचास हर्ज लेकिन रोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी आती है चार हर्ज दो हर्ज इतना आता ना आंसर आप जब पढ़ते इंडक्शन मोटर तो वहां रोटर की आवर्ती चेंज होती है क्यों होती है क्योंकि वहां गुर्णी भाग है और जहां घुर्णी भाग होगा वहां आवृत्ति में परिवर्तन होगा यह बात ध्यान रखना ऐसे साइक्लोट्रॉन होता है साइक्लोट्रॉन आवृत्ति को चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है वो भी ध्यान रखना अगला हमारे पास आ गया दूसरा ऑप्शन दिया है शक्ति गुणांक अब आपको चाहे भाई शक्ति गुणांक है क्या तो शक्ति गुणांक हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करने के लिए परिवर्तित करने के लिए काम में लिया जाता है क्या शक्ति गुणांक हमेशा किसके ऊपर निर्भर करता है लोड के ऊपर तो यह भी नहीं होगा ये हमेशा लिख लेना भाई लाइन लिखते लेना यह हमेशा लोड पर निर्भर करता है पावर फैक्टर है पावर फैक्टर किसके ऊपर निर्भर करता है लोड पर निर्भर करता है तीसरा यह शक्ति और वोल्टेज इसको आप ध्यान से देखना है कि ट्रांसफॉर्मर में आप क्या बदल सकते हो समझो मेरी बात को ध्यान से अब ट्रांसफॉर्मर में हम केवल क्या बदल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर में केवल टर्न की संख्या बदली जाती है प्राइमरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या तो केवल किसको बदला जाता है टर्न को टर्न को बदलने पर क्या होगा जब टर्न बदलोगे तो विद्युत वाहक बल तो टर्न के समानुपाती होगा यानी इसके साथ बढ़ेगा जबकि धारा जो होगी वो टर्न के वित होगी यानी कि वह घटेगी इसलिए ध्यान रखना कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में केवल टर्न की संख्या बदली जाती है जैसे टर्न बढ़ाओगे विद्युत तो बढ़ेगा लेकिन टर्न बढ़ाने पर धारा घटती है तो यह मामला ठीक है तो टर्न बढ़ाने पर क्या क्या चेंज हुआ तो आप कहोगे एक तो हमारे पास वोल्टेज में परिवर्तन आया एक धारा में आया ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ऑप्शन में दिया हुआ है वोल्टेज तो करेक्ट आंसर क्या डी अब आता है अगला सवाल के साहब सी आंसर शक्ति परिवर्तन होती है क्या बिल्कुल नहीं होती है क्यों नहीं होती है कि देखो P बराबर वी आई कोस फाई होता है क्या होता है पी बराबर वी आई कोस फाई जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा और लेकिन उसी समय जब ये टर्न बढ़ेगा तो I क्या होगा घटेगा यानी कि जब V बढ़ेगा तो I घटेगा कुल मिला के पावर में कोई परिवर्तन नहीं होना है ट्रांसफॉर्मर पावर में परिवर्तन नहीं करता न पावर फैक्टर में करता है न करता है आने वाला पूरा ट्रांसफॉर्मर का सेक्शन कवर होगा इस बात को ध्यान रखना क्लियर है तो दूसरे आपने देख लिया क्या हुआ भाई वोल्टेज में परिवर्तन होगा सभी साथी ध्यान दें यह स्टैटिक है बिल्कुल सही बात है मैं तो एक चीज बता दी स्टैटिक की हर एक ऑप्शन की कंडीशन भी बता दी थी अगला तीसरा सवाल बड़ा शानदार है यहां पर पूछा बूस्टर्स मुख्य तौर पर कौन से होते हैं बड़ा गजब का सवाल है कि जो बूस्टर्स होते हैं वो मुख्य तौर पर कौन से होते हैं इंडक्टर कैपेसिटर ट्रांसफॉर्मर सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर बूस्टर का मतलब क्या होता है पहली बात तो यह समझो बूस्टर का मतलब होता है जो बूस्ट करता है बूस्ट करता है बुस्ट का अर्थ आयाम बढ़ाना बुस्ट का अर्थ क्या हो गया आयाम को बढ़ाना अब आयाम को बढ़ाने का काम कौन करता है तो आप क्या आयाम को बढ़ाने का काम हमारे पास करता करता है 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 एम्पलीफायर एम्पलीफायर क्या आयाम को बढ़ाता ना तो एम्पलीफायर भी हमारे पास इस प्रकार का काम करता है और तो इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर भी हमारे पास क्या करता है आयाम को बढ़ाता है ट्रांसफॉर्मर आयाम किस किस का बढ़ाता है तो यह भी ध्यान रखना ये वोल्टेज का बढ़ाता है करंट का बढ़ाता है लेकिन इससे पावर का आयाम नहीं बढ़ाया जाता ध्यान रखना और एम्पलीफायर क्या करता है वोल्टेज का बढ़ा देता आयाम करंट का बढ़ा देता है और के और यह पावर का भी बढ़ा देता है इसे हिंदी में कहते हैं परवर्धक तो आप क्या समझे इसे ये समझे एक और नई चीज कि ट्रांसफॉर्मर परवर्धक की भांति काम करता है ट्रांसफॉर्मर की भांति काम करता है सिवाय पावर के पावर ट्रांसफॉर्मर है जो बूस्ट नहीं करेगा या एम्पलीफाई नहीं नहीं करेगा या इसको बढ़ाएगा लेकिन वोल्टेज और करंट को यह बढ़ा सकता है किसको नहीं बढ़ा सकता है तो आप कहोगे पावर को नहीं बढ़ा सकता ट्रांसफॉर्मर तो ट्रांसफॉर्मर बूस्टर के रूप में काम करता है नहीं करता बिल्कुल करता है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी बूस्टर के मुख्य तौर पर कौन सा काम लिया जाता है तो आप कहोगे ट्रांसफॉर्मर जल्दी से इसका भी स्क्रीन ले लीजिएगा और स्क्रीन ले लीजिएगा एक मैं आपको बात बताऊँ कोटिलिक क्लासेज का जो टेलीग्राम है उसके ऊपर ये सारा भाग आएगा उसके ऊपर सारा भाग आएगा ये ध्यान रखना भाई ये सारा का सारा वहां पर हम अपलोड करेंगे फिर भी आप लिखते रहना यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए टेक्निकली नहीं हो तो हम करेंगे ज़रूर जो मेरा लिखा हुआ है इसके समेत इसके सहित करेंगे सारा भाग अपलोड इस बात को भी ध्यान रखना सभी साथ स्क्रीन शॉट ले लिया इसका चलो अगला अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर एक उपकरण है जो किसके लिए उपयोग किया जाता है किसके लिए उपयोग किया जाता है भाई ट्रांसफॉर्मर क्या हमारे पास एक उपकरण है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए डीसी को एसी में परिवर्तन करने के लिए बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए तो ये आंसर हमारे पास बिल्कुल सही बात है क्योंकि बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के तो वाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी लेकिन फिर भी एक से दूसरे के अंतर्गत जाएगा और उससे ही हम क्या कहते हैं युक्ति ये हमारे पास युक्ति है जो एक परिपथ से दूसरी परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करती है उसे हम क्या कहते क्या कहते हैं युक्ति हमारे पास ए सी को डी सी में परिवर्तित करेगा नहीं करेगा क्योंकि ए सी को डी सी में परिवर्तित करने वाले को आप क्या कहते हो रेक्टिफायर कहते हो डीसी को ए सी में परिवर्तित करने वाले को आप क्या कहते हो इन्वर्टर कहते हो ये इन्वर्टर हो गया एप्लाइड एसी की आवर्ती को परिवर्तित करना आवर्ती को परिवर्तित करने को आप क्या कहते हो साइक्लोट्रोन कहते हो साइक्लोट्रोन ध्यान रखना आउटपुट के परिमाण को परिवर्तित करना आउटपुट का परिमाण अलग अलग कई कारणों से सभी के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं वो कोई भी कारण हो सकता है लेकिन हमारे पास ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार उपकरण है प्रत्यक्ष कनेक्शन में एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करना क्या इसमें डीसी अप्लाई की जाती है तो आप क्योंकि नहीं कार्य करता है केवल किस पर कार्य करता है यह केवल एस पर कार्य करता है बिल्कुल ठीक बात है यदि डीसी दी, दी जाए तो यदि डीसी अप्लाई की जाए तो क्या होगा आप बताइए ध्यान से डीसी दे दीजिए डीसी दोगे तो डीसी की आवृत्ति क्या होती है जीरो और हम जानते हैं हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर क्या होता है टू पाई एफ एल रिएक्टेंस क्या होता है टू पाई एफ एल टू पाई एफ एल होने कारण एफ आप जानते तो क्या हो गया जीरो इस कारण एक्सएल का मान क्या है? जीरो एक्सएल का मान जीरो आया तो धारा क्या आ गई अनंत आ गई और बहुत अत्यधिक धारा का परवाह होगा क्योंकि यहां पर जो बेकिएमएफ है किसी भी प्रकार का बे किएमएफ का निर्माण नहीं होगा और अत्यधिक धारा का परवाह होगा अत्यधिक धारा का परवाह के कारण प्राइमरी वाइंडिंग जल सकती है क्या हो सकता है प्राइमरी वाइंडिंग जल सकती है तो यह प्राइमरी वाइंडिंग जल सकती यह इसका मुख्य कारण रहेगा ध्यान से रखना यदि डीसी अप्लाई की जाए तो क्या होगा आपको सवाल परीक्षा में रहे तो आप आराम से कर सकते हो डीसी प्रदान करोगे तो क्या होगा क्योंकि यहां पर कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा नहीं कोई में उत्पन्न नहीं होगा तो धारा बहुत ज्यादा बहगी और जब धारा बहुत ज्यादा बहगी तो वाइंडिंग के जलने का खतरा ज्यादा हो जाएगा कौन सी वाइंडिंग तो आप कहोगे प्राथमिक क्योंकि सेकेंडरी पर तो क्री नहीं हुई है तो प्राथमिक वाइंडिंग के जलने का खतरा है तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी जल्दी से इसका स्क्रीन छोड़ लीजिएगा और जितने भी विद्यार्थी आप जुड़े हो सबके सब शेयर सब कर दीजिएगा पैंतीस छत्तीस विद्यार्थी जुड़ गए हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जिन्होंने मुझे बार बार बर्थडे डे विशेष कर रहे हैं उन सबको मैं देखो नाम तो ले नहीं पाऊंगा लेकिन सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद आप सभी समझ लेना मैं सबको ही धन्यवाद बोल रहा हूं ये देख लेना पे ठीक है भाई थैंक यू जी धन्यवाद जी धन्यवाद आज हमें पढ़ना है बहुत शानदार टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी कि हम जिस जिसके अंतर्गत अच्छे से सवालों को सोल्व करें उसको हम सोल्व कर रहे हैं और परीक्षा में जो सबसे आने वाला टॉपिक है उसको हल कर रहे हैं ताकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इसको ध्यान में रखते हुए इसको नज़र में रखते हुए इस चैप्टर को हमने चुना है वाइंडिंग जल जाएगी बिल्कुल वाइंडिंग जल डीसी में तो ये पूरा केस बता रहा हूं पूरा केस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जैसे मान लो एक कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो चाहे आप यूपीपीसी करो चाहे टेक्निकल हेल्प एक सब्जेक्ट पढ़ते हो नॉन टेक का उतने का तो केवल ट्रांसफॉर्मर है और उसको पढ़ने में आपको पांच सात दिन दस दिन लगते हैं और मैं तो पांच सात घंटे लेने वाला हूं उसमें आपको पूरा कवर करवा दूंगा तो बने रहिएगा मेरे साथ और ये आपको पूर्ण बड़ी शानदार तरीके से सीख लेंगे पांचवा सवाल आपके सामने आ गया ट्रांसफॉर्मर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है ट्रांसफॉर्मर का कार्य करने का सिद्धांत क्या यह पूछा गया है बड़ा आसान सवाल ऐसा सवाल नहीं है कि यह बहुत टिपिकल हो गया बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है सवाल आसान है उत्तर भी जानते हो मैं आपको पीछे की चीजें और बताता हूं ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में इन सवालों को आराम से सोल्व करें जैसे क्या इन्होंने पूछा किस सिद्धांत पर आप जानते हो ट्रांसफॉर्मर में कितनी कोईल होती है तो ट्रांसफॉर्मर में दो कोइल होती है

ठीक है, दोनों जुड़े हुए नहीं है तो इसके कारण दूसरे में आया तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इसे क्या कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन इसका दूसरा नाम यह भी होता है इसको आप कह सकते हो सहपरण स्व पर स्वरण यह कहलाता है यह स्वय पररण कहलाता है जबकि यह क्या कहलाता है सहपरण वो दूसरा नाम इसका और है पारस्परिक पररण पारस्परिक पररण एक इसका बहुत फेमस नाम है अन्योन्य अन्योन अन्योन्य अन्योन कोई सा भी नाम आए आप ध्यान रखना ठीक है भाई अच्छा इसमें क्या कंडीशन है आप जानते हो कि के केवल यदि एक ही कुंडली होती मेरे पास एक ही कुंडली होती तो एक ही कुंडली होती वो किसका होता है भाई स्वपर्ण का सिद्धांत होता है जैसे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास कौन सा सिद्धांत काम आता है स्वपर्ण का लेकिन यहां दो कुंडलियां हैं तो जो दो कुंडलियां होती है तो पहली कुंडली का प्रभाव दूसरी कुंडली के ऊपर जो आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है सॉरी पहली कुंडली का प्रभाव जो दूसरी के ऊपर आता है उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन तो यहां पर जब धारा बहेगी तो यहां जो इसका चुंबकीय फ्लक्स बनेगा उसका प्रभाव जो सेकंड पे आएगा वो क्या लगेगा म्यूचुअल तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसी के सिद्धांत के हिसाब से देखो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स सेकंड को काटेगा तो सेकंड में हमारे पास ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है क्लियर है कल तक है बिल्कुल भाई कल तक लागू रहेगा कोई दिक्कत नहीं है कल तक रहेगा भाई ठीक है सॉरी अगला छ नंबर क्वेश्चन सभी साथी ध्यान दें इस पर छह नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसको ध्यान से सोल्व करिएगा छह नंबर सवाल को कि एक परिणाम दो परिणित कुंडलियां होती है एक परिणाम परिणाम दो परिणित कुंडलियां कैसी होती है चुंबकीय रूप से अलग विद्युत रूप से संबंधित होती है या विद्युत रूप से अलग चुंबकीय रूप से भी अलग होती है या दोनों से संबंधित होती है या किस से अलग किस से संबंधित होती है ध्यान से पढ़िएगा दीजिएगा फिर मैं आपको इसका डिटेल करवाता हूं और एक एक पॉइंट्स बताता चलूंगा सभी जुड़ जाइएगा जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइएगा सभी सभी जुड़ जुड़ जाइए भाई जल्दी से जुड़ जाइए आज वाचिंग का रिकॉर्ड बना देंगे बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया चलो करें आगे सबका डी बिल्कुल सही करेक्ट अब डी तो आ गए लेकिन परीक्षा में इसके अलावा जो सवाल पूछते उसको कराने की जिम्मेदारी मेरी है अब देखो ध्यान से ये आपके पास आ गया है बताओ विद्युत रूप से जुड़ा हुआ है क्या विद्युत रूप से धारा देखो आप क्या दोगे ये होगा स्रोत स्रोत यानी वोल्टेज यहां दिया जाएगा जिसके कारण धारा इसमें प्रवाहित होगी और धारा के कारण यहां पर क्या बनेगा चुंबकीय फ्लक्स बनेगा और जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी को काटेगा यही कंडीशन आएगी तो वो सेकेंडरी को क्या करेगा काटेगा वो सेकेंडरी काटेगा अब यहां पर ये विद्युत रूप से जुड़ा हुआ क्या है नहीं आप क्योंकि विद्युत रूप से तो है अलग विद्युत रूप से अलग और चुंबक के रूप से जुड़ा हुआ है चुंबक के रूप से जुड़ा हुआ चुंबक के रूप से जुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब है यहां पर जो चुंबक के फ्लक्स है इस दूसरे को काटेगा का, जहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा लेकिन इसका और क्या प्रभाव है देखो ये तभी ज्यादा फ्लक्स काटता है जब फ्लक्स में बाधा कम हो और फ्लक्स की बाधा को हम कहते हैं रिलेक्टेंस फ्लक्स की बाधा को क्या कहते हैं दोस्तों रिलेक्टेंस तो क्या लिखोगे इसमें रिलेक्टेंस रिलेक्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम निम्न होता है इसमें रिलेक्टेंस क्या होता है भाई निम्न होता है यानी कि रिलेक्टेंस इसमें कम होता है क्लियर है रिलेक्टेंस हमारे पास कैसे कहते किसे हैं तो ध्यान रखना चुंबकीय फ्लक्स के पर्वा में चुंबकीय फ्लक्स के परवा में उत्पन्न बाधा ये हमारे पास क्या कह रहे थे रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस का मान क्या होना चाहिए निम्न अब पूछे दो वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध क्या होता है तो आप कहोगे दो वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध अनंत होता है क्योंकि खुला होता है तो देखो दो वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध अनंत होता है एक तो यह लाइन होती है वाइंडिंग में प्रतिरोध क्या होता है केवल सिंगल में पूछे वाइंडिंग में प्रतिरोध तो आप क्योंकि वाइंडिंग में प्रतिरोध कम होता है वाइंडिंग मतलब एक का पूछे वाइंडिंग में प्रतिरोध कम होता है लेकिन दो वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध क्या होता है अनंत होता है क्योंकि यह जुड़ी हुई नहीं है जुड़ी हुई नहीं है तो अनंत होगा लेकिन वाइंडिंग पूछे तो वाइंडिंग में प्रतिरोध निम्न होता है वाइंडिंग में प्रतिरोध क्या होता है निम्न होता है यह ध्यान रखना क्लियर है भाई ये कंडीशन आ गई आपके पास जल्दी से स्क्रीन ले लीजिएगा भाई जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीन ले लीजिएगा देखो हम चार हजार विद्यार्थियों के बहुत करीब हैं तो जल्दी से चार हजार कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए बहुत मजा आ रहा है बहुत आनंद आ रहा है शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का हर एक भाग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है भाई ले लिया स्क्रीन शॉट बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया चलो अब अगला करते हैं नेक्स्ट सातवां सवाल स्टार्ट करते हैं ये आगे सातवां सवाल सातवां सवाल क्या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है ये आपको ईएमएफ समीकरण याद करना है बड़ा शानदार सवाल है एक तो एक आपको सीधा याद है तो वो आप उत्तर दे देंगे या फिर आप इसको ज्ञात करके उत्तर देंगे तो बताइए ईएमएफ समीकरण यहां पर आपका कौन सा सही है टेक्निकल हेल्पर में एज कितनी होती तो पहले अट्ठाईस वगैरह थी लेकिन अब चालीस कर दी गई है भाई पिछला आया ना एक उन्होंने लेटर जारी किया था उनमें चालीस कर दी गई थी जय हिंद जय भारत सर जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई सबका आगे इह, सभी सही है सभी सही है नहीं मिलेगा भाई डिस्काउंट मिलेगा अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो अभी आधे घंटे में अप्लाई कर देंगे डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स पर कोई दिक्कत नहीं है अप्लाई नहीं किया तो टेंशन नहीं लेनी आधे घंटे बाद आप ट्राई कर लेना ठीक है साथियों चलें करें शुरू इसको सवाल को अब जो मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं मैं पूरा डेराविट कर रहा हूं डेरिवेशन के हिसाब से यानी कि जो गहराइयों से सवाल आता है वहां से कर रहा हूं ताकि कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा इस बात को ध्यान रखना है तो बहुत बेहतरीन तरीके से देखना रहे इसको पीडीएफ कैसे मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर क्लास खत्म होने के बाद आप देखो ध्यान से आप क्या जानते हो आप जानते ई समानुपाती डी फाइव बाई डी टी इसका मैं बहुत ही अच्छे से देख रहे बता रहा हूँ ध्यान से देख लेना भाई ई समानुपाती क्या होता है भाई डी फाइव बाई डी टी ताकि परीक्षा में इसके इर्द गिर्द सवाल आए वो भी सॉल्व हो जाए तो ई बराबर क्या होगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है आप कहोगे ये कौन से नियम के कारण परीक्षा में सवाल भी आता है तो आप कहोगे ये लेंस लो है लेंस लेंस के नियम के कारण तो लेंस के नियम के कारण क्या माइनस का साइन आ जाता के नियम के हिसाब से आ गया तो अब देखो कि यहां से सोल्व e बराबर माइनस एन डी बाई डी टी तो है लेकिन फाइव बराबर देखो क्या रख दिया गया है फाइव बराबर हो गया फाइव एम साइन ओमेगा टी क्यों रखा क्योंकि आप जानते हो कि यहां चुंबकीय फ्लक्स बनता है वो कैसा होता है प्रत्यावर्ती नेचर का मैं लाइन लिख देता हूं चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है और प्रत्यावर्ती प्रकार होगा तो ओमेगा टी आएगा इसको हमें करना है डिफ्रेंसिएशन यानी कि अवकलन करना है जब इसका अवकलन करोगे तो माइनस एन देखो फाइव एम आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा साइन ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी हो जाएगा इसका अवकलन हो गया अब देखो इसको और सोल्व करता हूं मैं माइनस एन फाइव एम ओमेगा कोस ओमेगा टी को मैं क्या लिखूंगा तो आप कहोगे भाई कोस ओमेगा टी को आप लिख दो साइन नब्बे माइनस ओमेगा टी साइन नब्बे माइनस ओमेगा टी ये नोट कर लें हो जाता कोस ओमेगा -t बनता है है बनता इसको और सोल्व करोगे तो तो क्या बन जाएगा माइनस साइन हटाना तो इधर से माइनस बाहर ले लोगे तो एन बराबर साइन एन ओमेगा माइनस फाइव ये निर्माण हो गया और हम जानते हैं कि ई हमारे पास क्या होता है साइनोसोटल नेचर का तो E बराबर मैक्सिमम साइन ओमेगा नाइनटी माइनस क्या हो गया नाइनटी ये ध्यान रखना तो ई e मैक्सिमम मैंने इसको लिखा है ये मेरे पास क्या बन गया है ई e मैक्सिमम यहां से ये डेरिवेशन निकल जाएगा यही हमें डिटेल देखनी है ध्यान से रखना भाई यही डिटेल देखनी है जो किसी भी परीक्षा में कोई सवाल को सोल्व करने की हिम्मत रखते हैं और आप बता सकते हैं चार पॉइंट चार चार कैसे चलो अब देखो सवाल तो आपको समझ में आ ही रखा है मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि इसको डिटेल करते हैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ओके okay. अब आपके पास ई मैक्सिमम बराबर क्या है एन फाइव ओमेगा या? तो ई मैक्सिमम बराबर आपको कोई दिक्कत एन फाइव एम ओमेगा ओमेगा हमारे पास क्या होता है टू पाई एफ और हमें निकालनी वैल्यू कौन सी होती है आरएमएस वैल्यू निकालनी होती है आरएमएस वैल्यू क्या होती है आप जानते हो के जो आर एम एस वैल्यू होती है ना ये मैक्सिमम में रूट दो का भाग दिया जाता है ये जानते हो बिल्कुल तो यहां पर ई आर एम एस जब ज्ञात करेंगे तो एन फाइव ओमेगा को मैं क्या लिख दू टू f अपॉन यहां पर देखो कि हमारे पास क्या आ गया भाई भाग किसका जाएगा रूट दो का भाग दिया जाएगा तो यहां पर मैंने भाग दे दिया रूट दो का तो ये हमारे पास किसका भाग दे दिया गया भाई रूट दो का भाग दे दिया गया जब अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा फोर पॉइंट फोर फोर फाइव एफ एन ई आर में बराबर फोर पॉइंट फोर फोर फाइव एफ एन यदि ई वन है तो एन वन होगा ई टू है तो एन टू होगा तो ये तो दोनों करेक्ट हो गए अब दूसरे कौन से करेक्ट हो जाते हैं मैं बता देता हूं ये जो बी एम क्या कहलाता है ये फ्लक्स का घनत्व कहलाता है फ्लक्स गनत्वे। फ्लक्स गनत्वे है बटा ए तो यहां से आप सोल्व करोगे तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा बी इंटू ए आ जाएगा बी इंटू ए तो बी इंटू ए आ जाएगा फाइव की जगह तो बी इंटू जगह लिखा तो ये भी सही है तो आपके पांचों ऑप्शन करेक्ट हैं स्क्रीन स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका तय दिल से धन्यवाद इसका ले लीजिएगा शानदार चीज आई है ये इसका जरूर ले लीजिएगा भाई ताकि आपको प्रश्न पूर्ण पूरा समझ में आया हुआ रहे हैं कि किस प्रकार हम सवाल को सोल्व करते हैं आराम से क्लियर है करें अगला सवाल चलो ठीक है अब यहां पर देखो कि न तो आप फ्लक्स घनत्व भूलेंगे न आप विद्युत वाहक बल का समीकरण भूलेंगे न आप ये बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यावर्ती नेचर का होता है न ये बोलेंगे माइनस का नियम ले माइनस का साइन लेंस लॉ के कारण आता है चार चार पांच पांच, पांच चीजें एक एक साथ सॉल्व हो रही है बस आप सावधानी से देखते जाइएगा हर एक सवाल को बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं आज तो बहुत गहराई से पूरी थ्योरी साथ में हो रही है यह समझ लो क्वेश्चनों के माध्यम से पूरी थ्योरी करवा रहा हूं मैं हाँ अगला सवाल है आठवां सवाल भाई ये ध्यान से कीजिएगा जल्दी से आठवें सवाल को आठवें सवाल में जो अपनी बुक है वहां पर पॉइंट वन लिखा हुआ था ये पॉइंट जीरो वन करना ये ध्यान रखना पॉइंट वन लिखा था पॉइंट जीरो वन होगा पॉइंट जीरो वन आएगा ये बात ध्यान रखना आपके सामने सवाल आ रखा है सवाल में देखो सबसे पहली बात तो देखो कि दिया हुआ क्या है जिनकी न्यूमेरिकल पोर्शन कमजोर होता है वो ये देखो दिया हुआ क्या है वेबर अगला देखो कि हमारे पास पक्ष बंद होता है में फेरे कितने हैं सेकेंडरी में फेरे कितने दिए हुए दस नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हुए दस अगला क्या दिया भाई आर में समय ज्ञात करना है यानी कि ई टू ली दू में यानी आरमे सोगे ज्ञात करना है सप्लाई आवर्ती कितनी है पचास सर्ज एफ कितना हो गया पचास सर्ज ये सवाल है आसान सा सवाल है ध्यान से रखना भाई आसान सा सवाल को सोल्व करो यानी एक ऐसा नहीं है कि भाई आप सवाल को डर के छोड़ दो कि सवाल नहीं होगा इतना बड़ा सवाल वो भी मुश्किल है तो सवाल कैसे सोल्व करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना देखो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है इस बात को आप ध्यान रखना तो इसलिए, इसलिए डरना नहीं है सवाल को सोल्व करना है ऐसा नहीं है कि सवाल को डर के छोड़ दें जो, डर, जो लड़ेगा वही जीतेगा तो करें सवाल को सोल्व आपके पास फॉर्मूला रखा है फॉर्मूला क्या है ई टू बराबर फोर पॉइंट फोर फोर फाइव एफ एन एन है तो ई टू है तो क्या आ जाएगा एन टू चलो वैल्यू पुट करनी है चार पॉइंट चार चार फाइव का मान कितना है तो आप क्योंकि सर जीरो पॉइंट जीरो वन है बहुत बढ़िया और एन टू का मान कितना है पचास एन टू का मान कितना है दस अब समझो पॉइंट हटाया तो कितना आया भाई सो सो आने पर क्या हुआ ये जीरो कैंसिल हो गया ये दोनों जीरो दो जीरो से कैंसिल हो गए अब इसको कर दो पांच से गुणा 520 सौ बीस लगी दो 520 सौ बीस दो बाईस हो गया और 520 सौ बीस दो बाईस ये हो गया वोल्ट बाईस पॉइंट दो कौन सा ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार सवाल का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सभी ज्ञान सुबह बहुत बढ़िया भाई थैंक यू धन्यवाद तो बहुत शानदार तरीके से सवाल सॉल्व करते चलो भाई जल्दी से तो ये आपका आठवां सवाल है जो सोल्व हो चुका है करते हैं नौवे सवाल की ओर बढ़ते हैं करें स्टार्ट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अगला सवाल बड़ा अच्छे सवाल होते हैं बड़े शानदार सवाल होते हैं सोल्व करने मजा आ जाता है अगला सवाल भी बड़ा शानदार देखो किसी दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक और हमेशा कैसे रहते हैं बड़ा गजब का सवाल है इसका आप मुझे आंसर बताइएगा जल्दी से जल्दी से बताओ सर वापस समझो देखो सप्लीमेंट्री में पास हो जाते हो क्या आप बड़ा सिंपल मैंने कहा सबसे पहले ये जो होता है दिया हुआ क्या ये लिखी हमेशा सीधा तरीका देखिए सीधा, सीधा तरीका दिया हुआ लिख दिया फिर देखो आपको पूछा है क्या विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला लिख दिया सबसे पहले जो दिया हुआ लिख दो फिर क्या पूछा वो बता दो तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो फॉर्मूला तो लिख दिया तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया अब सीधी सीधी वैल्यू पुट करो गणना करो उत्तर आएगा इतना आसान न्यूमेरिकल होता है कोई टेंशन ही नहीं है आराम से सॉल्व करते चलो ठीक है भाई अब आया नोवा सवाल किसी दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक व द्वितीयक पर ये इवन और ई टू हमेशा होते हैं इवन और ई टू हमेशा किस नेचर में होते हैं हैप्पी बर्थडे सरदी सुनील बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत होस्ट क्या होता है होस्ट एक तरीके से हमारे पास जो क्रेन की तरह मशीन होती है जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं तो बनाते हैं ना वो आप डायग्राम निकालना जो तार के तार के साथ कनेक्ट होती है वायर वायर के साथ उसके ऊपर ये मूव करती है वो होस्ट कहलाती है बड़ी बिल्डिंग बनाने में काम में ली जाती है चलो ठीक है करें अगला इस सवाल को सवाल का आंसर क्या रहा है ए आ रहा है भाई एक दूसरे के समान फेद में किसी के सी आ गया तो सी वाले तो बड़े थोड़ी सावधानी रखो करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल है ए ऑप्शन करेक्ट है अब देखो आप ध्यान से यहां पर देखो जैसे आपके पास कोई वाइंडिंग है वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स तो बन रहा है वो क्या है चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स वाइंडिंग में क्यों बना धारा के कारण ये किसके कारण आया तो आप कहोगे धारा के कारण आया धारा किसके कारण आई तो आप कहोगे एप्लाइड अप्लाइड वोल्टेज के कारण तो हमने वोल्टेज अप्लाई किया वोल्टेज अप्लाई करने के कारण धारा प्रवाहित हुई और धारा प्रवाह के कारण क्या बना है चुंबकीय फ्लक्स बना है चुंबकीय फ्लक्स यदि इस दिशा में है तो एप्लाइड वोल्टेज की दिशा क्या होगी तो आप जानते हो कि एप्लाइड वोल्टेज वोल्टेज और धारा नब्बे डिग्री का अंतराल होता है और इंडक्शन का केस हो तो वोल्टेज लीड करता है तो यहां पर धारा जिस फेज में है उसी में हमारे पास यह होता है चुंबकीय फ्लक्स और वोल्टेज लीड करता है तो अप्लाइड वोल्टेज क्या आ जाएगा वी अप्लाइड वोल्टेज वी इसको कह दो वी वन जहां पर हमने अप्लाई किया है कोई दिक्कत नहीं फ्लक्स फ्लक्स जब हमने अप्लाई किया तो वहां पर एक चुंबकीय बनेगा वो कुंडली को काटेगा कुंडली को काटने पर एक विद्युत वाहक बल बनेगा यह विद्युत वाहक बल पहले वाले जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है सॉरी अप्लाइड वोल्टेज है उसका विरोध करता है हमेशा जो नया ई बनेगा पहले वाले का क्या करता है विरोध करता है तो ये हमारे पास इसके विपरीत दिशा में आता है यदि चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास प्राइमरी में भी यही है सेकेंडरी में भी यही है तो दोनों में विद्युत वाहक बल की दिशा तो सेम ही होगी तो E2 भी क्या होगा यही होगा E2 टू यही होगा ये जो मैंने कंडीशन दे रहा हूं ये नो लोड के लिए दे रहा हूं और यदि फुल लोड होता तो भी यहां तक तो कंडीशन सेम ही होती है लेकिन इसके बाद में जो धारा होती है वो रिजल्टेंट यहां पर आई नोट आ जाता है जिसमें यह धारा हमारे पास आई सी बन जाती है ये धारा आई एम बन जाती है हमें देखना है कि यह वोल्टेज अप्लाई किया तो चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास पीछे रहेगा और इस वोल्टेज के कारण हमारे पास जो चुंबकीय फ्लक्स कारण जो ई इंड्यूस होगा जो इस वोल्टेज के विपरीत दिशा में होगा और फ्लक्स दोनों में सेम है तो दोनों जगह कंडीशने भी सेम आएगी तो इवन और ई टू दोनों सेम फेज में आ जाएगा यह बात का ध्यान रखना भाई ठीक है साथियों निमी लैंग्वेज बता दो सवाल तो सारे करा रहा हूं निमी लैंग्वेज तो सारे पढ़ रहा हूं ऑप्शन सारे पढ़ रहा हूं उसी के अनुसार तो करा रहा हूं निमी लैंग्वेज कोई अलग से थोड़ी आती है जैसे पंजाबी और उर्दू होती है उस प्रकार नहीं है अलग से लैंग्वेज कुछ शब्द होते हैं जो निमी शब्दावली के अंतर्गत माने जाते हैं बाकी हिंदी भाषा ही है पूरी क्लियर है भाई ओके अगला सवाल देखिएगा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा फिर किसी का रह जाएगा जल्दी से ए, ले लिया भाई स्क्रीन शॉट बहुत शानदार अगला देखो बड़ा मस्त सवाल है ये कोई गलत मत करना गलत कर दिया तो अच्छी बात नहीं है ये बात समझ लेना आप गलत कर दिया तो अच्छी बात नहीं है सही ही करना है गलत तो करना ही नहीं कितने बजे तक क्लास चलेगी जब तक ट्रांसफॉर्मर पूरा नहीं होगा टाइमिंग मुझे पता नहीं बारह बजे खत्म होगी कि दो बजे ये मैं नहीं जानता जब ट्रांसफॉर्मर खत्म नहीं होगा तब तक नहीं रोकेंगे ई टू बट्टा वन का क्या मतलब है ई टू बट्टा नहीं था अच्छा e2 और इवन वहां पर दोनों अलग-अलग था इवन है कि प्राथमिक वाइंडिंग में जो ईएमएफ e इंड्यूस हुआ है उत्पन्न हुआ है ये सेकेंडरी में हुआ है दोनों सेम ही हुआ क्योंकि सेम इसलिए होगा क्योंकि सेम ही चुंबक की फ्लक्स होता है इसलिए वहां सेम ही होगा दैट्स सवाल ध्यान से देखिएगा भाई सवाल का आंसर क्या गया? ए बिल्कुल आपको क्या पूछा है वोल्टेज प्रति टर्न यानी प्रति टर्न वोल्टेज पूछा है तो इसका मतलब है वोल्टेज बटा टर्न ये हो गया किसमें पूछा है प्राइमरी साइड तो वी वन बटा एन वन जो वी वन बटा एन वन होता है वही हमारे पास वी टू बटा एन टू भी होता है हमेशा प्राइमरी में प्रति टर्न वोल्टेज और सेकेंडरी में प्रति टर्न वोल्टेज तो हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा प्रति टर्न वोल्टेज क्या रहता है बराबर रहता है तो यानी टर्न घटाओगे गट तो वोल्टेज घटेगा टर्न बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा क्लियर है भाई अब देखो अगली बात क्या सर वीडियो बाद में रहेगी या बाद में रहने का पूरा चांसेस है लेकिन कुछ कारण हो जाए तो वो भाई टीम जाने मुझे नहीं पता लेकिन लगभग चांसेस है रहेगी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आज तो ये कन्फर्म है आज तो ये कहीं जाने वाली है नहीं वीडियो यही रहने वाली है ठीक है ना भाई इस बात का आप ध्यान रखें चलो ठीक है अब देखो हमारे पास आता है हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को सवाल यहां से ये तो हो, वी वन एन वन हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को मैं देख लेता हूं इसको किस से लिखा जाता है के से के बराबर क्या होता है एन टू बटा एन वन बराबर वी टू बटा वी वन बराबर करंट के केस में उल्टा होता तो आई वन बटा आई टू और रूट जेड टू बटा जेड वन है जब के का मान एक से बड़ा होता है तो इसका मतलब एन टू का मान एन वन से अधिक होता है जिसमें चक्कर ज्यादा होंगे उसमें वोल्टेज ज्यादा होगा तो एन टू में वोल्टेज ज्यादा है तो ये क्या बन जाएगा स्टेप अप। यदि के का मान एक से कम है तो एन टू एन वन से छोटा होगा इसका अर्थ यही है भाई ये एन वन बड़ा है तो बड़ी संख्या का भाग देंगे छोटी में मान एक से छोटा आएगा तो यानी एन टू छोटा होगा सेकेंडरी में चक्कर कम है सेकेंडरी में चक्कर कम है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा कम तो ये क्या हो जाएगा स्टेप डाउन और के बराबर वन है तो ये हमारे पास आइसोलेशन की कंडीशन होती है कौन सी होगी आइसोलेशन की तो ये आप एक्स्ट्रा में भी ध्यान रखना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों जल्दी से हैप्पी बर्थडे से बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा अप्रेंटिस की ड्यूटी जाने आठ बजे अच्छा हमें दो रेलवे से ओके 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 ड्यूटी ज्वाइन कीजिए वापस आके आप देख लीजिएगा लेकिन लाइव का मजा लाइव में है तो थोड़ा आनंद ले लीजिएगा आज हो गए भाई स्क्रीन ले लिया पीडीएफ मिल जाएगी मिल जाएगी और मिल जाएगी टेलीग्राम पे मिलेगी कोटिले क्लासेज वाले तो हो गया भाई पूरा क्लियर कोई टेंशन नहीं है शानदार तरीके से चलो ठीक है अब करते हम आ, अगला क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं दसो आपको पूरा सोल्व हो गया देखिए इस सवाल को सोल्व करना है कोई गड़बड़ नहीं करनी है इनपुट कितना दिया है 200 वोल्ट आउटपुट कितना दिया है 400 वोल्ट आप देखो यानी कि V2 हमारे पास जो दिया है वो है 400 वोल्ट और V1 जो दिया है वो है 200 वोल्ट पूछा ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राथमिक टर्न का अनुपात क्या प्राथमिक टर्न का सेकेंडरी के साथ अनुपात होता है भाई प्राथमिक टर्न का सेकेंडरी के साथ अनुपात क्या होगा तो आप कहोगे प्राथमिक टर्न एन वन बटा एन टू बराबरी क्या होता है भाई वी वन बटा वी टू एन वन बटा एन टू करो तो वी वन बटा वी टू करना पड़ता है ठीक है और यहां पर हमारे पास ये देखो के बराबर तो क्या होता है एन टू बटा एन वन तो ये क्या हो जाएगा वी टू बटा वी वन एन वन बटा एन टू किया तो वी वन बटा वी टू आ जाएगा क्लियर अब देखिए वी वन का मान कितना है 200 सौ बटा वी टू का मान कितना है 400 सौ काट दो बराबर क्या आ जाएगा एक बटा दो यानी कि एन वन अनुपात एन टू बराबर क्या आ जाएगा एक अनुपात दो आ, आ, आ जाएगा ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा एन वन और एन टू के अनुपात का क्लियर है भाई अनुपात दो यानी करेक्ट हो जाएगा ठीक है साथियों बड़े आराम से ध्यान रखना प्राथमिक टर्न का दूसरे के साथ अनुपात निकालना तो लिखना पड़ेगा जबकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यही होता है एन टू बटा एन वन वी टू बटा वी वन लेकिन हमें रेशियो नहीं पूछा है हमें टर्न का अनुपात पूछा है वोल्टेज के अनुपात के साथ तो यह संबंध निकालना है बहुत बढ़िया भाई सब आ गया अगला सवाल देखते हैं किसी करंट ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी टर्न और प्राइमरी टर्न का अनुपात दस अनुपात एक है सेकेंडरी टर्न क्या होता है एन टू और प्राइमरी का क्या होता है एन वन अनुपात क्या दस अनुपात एक यानी दस बटा एक हो गया यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट दो एमपियर है सेकेंडरी में जो करंट है यानी आई टू बराबर कितना एम्पियर माप लिया है दो एम्पियर तो पूछा प्राइमरी में करंट क्या होगा बहुत शानदार सवाल है आप ट्रांसफॉर्मर रेशियो जानते हो के K बराबर क्या होता है n2 टू बटा एन वन बराबर क्या होता है आई वन बटा आई टू होता है कि नहीं होता है आप क्योंकि बिल्कुल होता है तो मुझे देखो कि ये n का मान दिया i का मान पूछा तो इसी कोई काम में लेना है इतने कोई काम में लेना है ध्यान से देखते चलो आप ध्यान से n2 का मान कितना है भाई दस सॉरी दस है एन का मान एन वन का मान कितना है एक आई वन का मान ज्ञात करना है और आई टू का मान कितना है दो तो बताइए आई वन कितना हो गया दस गुणा दो वज्र गुणा किया कितना आ गया भाई बीस एमपियर यह सवाल आ गया हमारे पास सीधा उत्तर कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी है सीधा उत्तर आया है कहीं भटकने की आवश्यकता हुई क्या बिल्कुल नहीं हुई तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए एक काम कर दीजिएगा जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास अपने लगातार चलती रहे नुम्री कल सोल्व करते रहते हैं और लगातार हर एक तरीके का सवाल मैं आपको करूंगा और और एक और काम कीजिएगा स्क्रीन शॉट भी जरूर ले लीजिएगा स्क्रीन शॉट भी जरूर लीजिएगा भाई सभी साथी ध्यान दें आराम से आ रहा है सबको समझ में बहुत अच्छे से शानदार तरीके से अगला सवाल तेरवा सवाल है बड़ा शानदार है ध्यान से देखिएगा एक ट्रांसफॉर्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न और 200 सौ सेकेंडरी टर्न है उसके 120 सौ वोल्ट एसी आपूर्ति दी गई तो सेकेंडरी वोल्टेज प्रति टर्न वोल्ट की गणना कीजिए सेकेंडरी वोल्टेज और प्रति टर्न वोल्टेज दोनों की गणना करनी है सिंपल सवाल है ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं है नब्बे मिनट होने पर पाँच मिनट का रेस्ट देना है ना एम अच्छा सा सवाल दे देंगे रेस्ट रेस्ट क्या लगातार पढ़ रहे हैं मौके से मीना तुम रेस्ट की बात करते हो आज रेस्ट वेस्ट की बात नहीं करेंगे आज ट्रांसफार्मर टॉपिक पढ़ेंगे अपने काफ़ी दिनों से हम स्पीड बढ़ो स्पीड में बढ़ूंगा तो थ्योरी का मजा नहीं आएगा थ्योरी चली जाएगी मुझे थ्योरी समझानी है केवल सवाल थोड़ी करवाना था मैं स्पीड तो बढ़ा देता एक ट्रांसफार्मर जिसमें पाँच प्राइमरी टर्न है दो सेकेंडरी टर्न है प्राइमरी टर्न कितने हैं तो आप कहोगे 500 सेकेंडरी टर्न कितने हैं तो आप कहोगे 200 ठीक है और 120 वोल्ट ऐसी आपूर्ति दी गई है यानी कि V1 कितना है 120 वोल्ट तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या है तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना V2 क्या है तो आप जानते हैं कि N2 टू बटा एन बराबर V2 टू बटा वी वन क्लियर है तो n2 का मान कितना है तो आप कहोगे 200 n1 का मान कितना है 500 v2 का मान ज्ञात करना v1 का कितना है 120 तो आप कहोगे v2 अब चलो कैलकुलेट कर लेते हैं v2 तो देखो ये 200 बटा 500 लिखा हुआ है ऐसा 120 इधर जाएगा तो उधर गुणा हो जाएगा तो इनटू क्या करोगे 120 आराम से करना दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो तो अड़तालीस होते, है? होते हैं तो ये अड़तालीस वोल्ट हमारे पास आएगा तो ये तो आया वी टू का मान तो अड़तालीस वाला एक ऑप्शन है तो ऑप्शन हमारे पास यही करेक्ट हो गया लेकिन हमें दूसरा पूछा निकालना तो पड़ेगा प्रति टर्न वोल्टेज हम निकालते परीक्षा निकालने को कोई आवश्यकता नहीं है वहां पर अपने आप कोई बहुत ज्यादा सिद्ध नहीं करना आंसर आ गया बात खत्म खेल खत्म लेकिन हम सीखने के लिए कर रहे हैं तो हमें पूछा है कि प्रति टर्न वोल्टेज V1 वन N1 एन वन निकाल दो या V2 टू N2 एन वो सेम ही आएगा V1 का मान कितना है 120 n1 का मान कितना है 500 सो जीरो से जीरो भाग दिया तो भाग गया नहीं जीरो पॉइंट आ गया तो 120 हो गया भाग गया दो बार 20 दो सौ चार बार पॉइंट दो चार आ गया तो पॉइंट दो चार बिल्कुल सही है और ये भाग देकर आप चेक कर लो पॉइंट दो चार आ रहा है ले लीजिएगा स्क्रीन शॉट जल्दी से सभी विद्यार्थी ध्यान दें स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट जल्दी से सभी साथी ध्यान दें बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है तो मज़े से पढ़ो शानदार तरीके से पढ़ो ले लिया भाई स्क्रीन शॉट हो गया विश वेरी गुड डे डर थैंक यू जी थैंक यू चलो अगला सवाल चौदह नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की 12 वोल्ट 2.5 पॉइंट एम्पीयर रेटेड की गई है दो सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल क्या होगा यह तो सवाल है ही नहीं इतना आसान सवाल है तो यह तो बहुत तैयारी करता हूं वीडियो अपलोड कर देना सर पैसों की दिक्कत है नहीं वीडियो अपलोड ही है ना भाई बिल्कुल 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 वीडियो अपलोड है विवेक ऑफिशियल कोई दिक्कत नहीं वीडियो अपलोड है मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना कंप्लीट चिंता करने की क्या बात है चलो मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की 12 वोल्ट 2.5 पॉइंट पांच रेटेड की गई दो वाइंडिंग है यह भी वोल्टेज कितना है 12, यह भी वोल्टेज कितना है 12, और धारा कितनी है 2.5 पॉइंट पांच एम्पियर क्लियर है आप देखो ध्यान से तो दो सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है जोड़ दी सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल क्या होगा तो यहाँ पर आपको लेना है आउटपुट आउटपुट 12 और 12 सीरीज में होगा तो वोल्टेज तो कितना हो जाएगा V1 वन प्लस वी बराबर टोटल कितना वोल्टेज आ जाएगा चोइस वोल्टेज आ जाएगा यदि ये V1 है ये V2 है तो और करंट हमारे पास सेम की सेम रहती है करंट तो चेंज होते नहीं तो रहेगा. Choice Ampere, है तो दो पॉइंट पाँच एम पर रहेगा चोइस वोल्ट दो पॉइंट पाँच एम पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बी चौदह में ए ऑप्शन जिसने बताया गलत है बी करेक्ट आंसर है ए वालों की गलती है ध्यान से देख लेना भाई ए वाले इस प्रकार के सवाल ने गलत ने बताएं उत्तर बताएं अच्छे से आनंद के साथ शानदार तरीके वाले सवाल अगला सवाल देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपके सामने तो इसको सॉल्व कीजिएगा तीन सौ केवीए सौ वोल्ट ऑब्लिक 440 चालीस वोल्ट पचास हर्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड फेज ट्रांसफॉर्मर का प्रति टर्न वोल्टेज सेवन पॉइंट नाइन वोल्ट है, वोल्ट है निम्न वोल्टेज और तो उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्रमशः से क्या है यह सवाल करना है सिंपल सवाल ही है और अच्छा सवाल भी है दोनों ही मामला है आपको दिया हुआ क्या है भाई वी वन कितना दिया है पहले यह लिख लो छठ सौ वोल्ट V2 कितना दिया है 440 वोल्ट 50 हट और आपको ट्रांसफॉर्मर का प्रति टन वोल्टेज कितना है यानी कि V1 वन बट बट्टा एन वन यहां लिख दो आप इसको V2 टू बटा एन बराबर कितना हो गया सेवन पॉइंट नाइन वोल्ट तो पूछा है आपको के चक्रों की संख्या कितनी है निम्न वोल्टेज पर भी कितनी है और उस पर भी कितनी है दोनों पर आपको चक्रों की संख्या पूछी गई है तो ध्यान से रखना ध्यान से सावधानी से आपको इसके उत्तर देने देखो ध्यान से v1 वन बट्टा एन वन आपके पास है बराबर कितना है 7.9 पॉइंट नाइन का मान कितना है छठ सो बट्टा एन वन का मान कितना है नहीं सॉरी एन वन तो हमें ज्ञात करना है भाग किसका दे दो 7.9 का छठ सौ में सात पॉइंट नौ का भाग दो एन तो वन बराबर क्या आ जाएगा ये लगभग आठ सौ पैंतीस आएगा भाग आपको देना पड़ेगा दूसरा एक जो सवाल करवा रहा हूं इसमें वो ध्यान से देखना अब चार सौ चालीस वोल्ट तो दिया है लेकिन कनेक्शन डेल्टा स्टार दिया अगला कनेक्शन हमारे पास कौन सा आ गया? स्टार आ गया जब स्टार आ गया तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा चार सौ चालीस बटा रूट तीन आएगा चार सौ चालीस बटा रूट तीन आएगा इसके कारण हमारे पास जो हमारे पास दूसरे एन टू है चार सौ चालीस रूट तीन भाग इसका देखोगे सात पॉइंट नौ का तो यह मान आएगा हमारे पास बत्तीस आएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा बुक में करेक्शन कर लेना बुक में करेक्शन कर लेना मैं स्पष्ट बता देता हूं कि आप मेरे विद्यार्थी हैं उसमें बी ऑप्शन दिया था बी गलत है और सी ऑप्शन सही है बुक में करेक्शन कर लेना और ये सी ऑप्शन कर लेना कारण मैंने बता दिया कि 400 में रूट तीन का भाग जाएगा रूट तीन का भाग क्यों जाएगा क्योंकि कनेक्शन स्टार किया हुआ है डेल्टा का आगे स्टार है तो स्टार कनेक्शन के कारण ये होगा तो इसलिए बुक में ये करेक्शन ज़रूर कर लेना मैं आपको बता देता हूँ बताना मेरा धर्म होता है फ़र्ज भी होता है और आप इसको ध्यान रखना कि ये करेक्शन जरूर कर लें अभी बहुत शानदार शानदार सवाल आने वाले हैं और कई विद्यार्थियों की ड्यूटी का टाइम हो गया तो वो निकल गए हैं बाकी विद्यार्थी पढ़ते रहें भाई पढ़ाई में ही फायदा है चलो अगला सवाल ये सवाल समझ में आ गया है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जल्दी से दशमी की भी शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी तेजादश्मी की शुभकामना भाई साहब जल्दी से क्लियर अब करते हैं अगला सेशन स्टार्ट ध्यान से देखें अगला हमारे पास सवाल स्टार्ट हो गया है सोलो सवाल ध्यान से देखें सोलो सवाल एक पच्चीस के भी एकल फेज ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक पर ढाई सौ चक्कर वे द्वित पर चालीस चक्कर है प्राथमिक को 1500 वोल्ट 50 अर्थ की सप्लाई से जोड़ा गया तो दीते वोल्टेज और करंट क्या है बहुत शानदार सवाल है जल्दी से उत्तर दीजिएगा देखते हैं आप कितना आंसर दे देते हो अच्छे से न्यूमेरिकल पावर चेक करते हैं मैंने ये सवाल इसलिए इतने सारे कराए न्यूमेरिकल इसी पर आता है इन फॉर्मूले पर ही सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल है इसलिए मैंने ये आपको मुख्य रूप से करवाया है तो जल्दी से इस सवाल का उत्तर दीजिएगा आप सर नौ बजे ड्यूटी पर हैं बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है अब सवाल को सोल्व करते हैं पच्चीस केवी एकल फेज ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक पर ढाई सौ चक्कर द्वित पर चालीस चक्कर हैं प्राथमिक को पंद्रह सौ वोल्ट पचास सप्लाई से जोड़ा गया तो द्वितीय वोल्टेज देखो ध्यान से प्राथमिक का चक्कर कितना है मैं आपको सीधा सीधा पहले लिख देता हूं दो सौ पचास और द्वितीय का चक्कर कितना है एन टू तो आप क्योंकि 40 चालीस चक्कर प्राथमिक का वोल्टेज कितना है पंद्रह वोल्ट और द्वितीय का वोल्टेज पूछा है तो आप जानते हो एन टू बटा वी टू सॉरी एन टू बटा एन वन बराबर वी टू बटा वी वन तो वी टू बराबर क्या हो जाएगा ये एन टू बटा एन वन लिख दूं एन टू कितना है चालीस बट एन वन कितना है 250 ये वी वन वज्र गुणा में जाएगा वी वन कितना है पंद्रह सौ जीरो से जीरो कैंसिल पंद्रह चौक ये कितना आएगा भाई छ चौक चौबीस वी टू बराबर कितना आगे दो सौ वोल्ट तो 240 वाला सही है 120 वाले दोनों ऑप्शन गलत हो गए अब आपको ज्ञात करना है इसमें करंट कितनी है और किसमें करंट किसमें निकालना है सेकेंडरी में तो आपको सेकेंडरी में अब क्या ज्ञात करनी पड़ेगी अब आपको करनी पड़ेगी करंट ज्ञात तो करंट कैसे ज्ञात करोगे करंट तो बहुत आसान होती है आई टू बटा आई वन होती है एन वन बटा एन टू से वहां से ज्ञात कर लोगे तो करंट का क्या लिखते हैं भाई एन टू बटा एन वन बराबर आई वन बटा आई टू ज्ञात क्या करनी है आई टू करनी है आई टू ज्ञात करनी है आई टू बराबर क्या आ जाएगा भाई आई वन एन टू एन वन बटा एन टू आई वन क्या आई वन देखो पावर कितनी है पच्चीस हजार वोल्टेज कितनी है पंद्रह सो एन वन कितना है भाई ढाई बटा कितना आएगा चालीस दो जीरो से दो जीरो कैंसिल जीरो से एक और जीरो कैंसिल और अब देख लो कितने से कटेगा भाग पांच से काटो तो तीन बार पांच से काटो तो पांच बार और ये हो गया छः सौ पचास बटा बारह हो गया पच्चीस छः सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस बटा बारह बारह सौ पचास बारह सौ पचास बटा बारह सो से थोड़ा सा ज्यादा आएगा एक सौ चार एमपियर आ जाएगा भाई गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग सभी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते हैं तो कीजिएगा भाई जल्दी से सवाल को हल बिल्कुल ये करेक्ट आंसर आ गया भाई आपके बारह सौ पचास बटा बारह तो ये करेक्ट है बहुत शानदार रहेगा तो हो गया सवाल कोई दिक्कत नहीं है ध्यान से देख लीजिएगा पूरा सवाल सोल्यूशन हो गया और स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जिसके कोई लेट वेट हो गए तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जल्दी से ओके बिल्कुल पड़ी रहेगी आप ड्यूटी पे जाइए कोई दिक्कत नहीं है ड्यूटी जरूरी है सारे फ्रज आपको निभाने पड़ेंगे थोड़े थोड़े करके समय आपको सेट करना पड़ेगा सत्तरवा सवाल एच टी स्ट्राइक के प्रयोग वाले आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रोड क्या होते हैं जो आर्क फर्नेस होता है जो भट्टी होती उसमें इलेक्ट्रोड है तो उसमें इलेक्ट्रोड पहली बात तो ध्यान रखना हमेशा स्टेप अप के साइड में ही लगता है यानी कि इस स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में जुड़ता है इस स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में और इस स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में कौन से साइड में जुड़ेगा तो आप क्या सेकेंडरी साइड में जुड़ेगा के कौन से साइड में जुड़ेगा सेकेंडरी साइड में जुड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी साइड जो होगी वो हमारे पास हाई टेंशन होगी वोल्टेज ज्यादा होगा तो ये कंडीशन रखनी है तो ज्यादा वोल्टेज की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रो जो आर्क फर्नेस का इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ रहेगा इस बात को ध्यान रखना तो इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के एच डी तरफ से जुड़े होते हैं तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा सत्रवें सवाल का सी ऑप्शन करेक्ट होगा बुक का नाम रामबाण है इलेक्शन ट्रेड ऑब्जेक्टिव बुक है आप देख लेना यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी और मेरा नाम सर्च कर लेना राम बाण बुक इलेक्शन ट्रेड ऑब्जेक्टिव इलेक्शन ट्रेड ऑब्जेक्टिव और इसके अंदर पैंसठ सौ प्लस क्वेश्चन जो भी नए विद्यार्थी हैं उनको बता दूं। दो क्लियर है दो मिनट रेस्ट प्लीज क्या रेस्ट रेस्ट करते हो देखो कि आप वहां पे पहुंच गए हो जहां पर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और ज्यादा मेहनत करने के लिए बहुत अच्छे से आपको संघर्ष भी करना पड़ता है और आपको चाहिए होती है रेस्ट तो रेस्ट नहीं रेस्ट मत कीजिए आप मेहनत कीजिएगा तभी आप अपने आप को पार पाओगे और बहुत सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में ध्यान भी रखनी पड़ेगी तभी आप सफल होने के लिए एक मूल मंत्र मोटिवेशन का होता है मैं आपको बताता हूँ सुनना ध्यान से एक खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुँचा है एक खाक नशीनों उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुँचा है अब तख्त गिराए जाएंगे अब ताज उछाले जाएंगे अब टूट उठेगी जंजीरें अब जिंदा लोगों की खैर नहीं ये दरिया जो झूम उठा है तूफानों ने से तूफानों से ना टाले जाएंगे यह ध्यान रखना है ये जो अपना लहर उठ चुकी है जो पढ़ाई के प्रति जुनून जग चुका है यह रुकने वाला नहीं है तो इसको मूल मंत्र बना लीजिएगा और जब कभी भी आप डीमोटिवेट हो आप अपने आप को उदास महसूस करो तो छत पे जाके गुनगुनाएगा जरूर आपको पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगी एक खाक नसीनो उठ बैठो यानी कि अब ऊर्जावान हो जाओ तैयार हो जाओ जब पढ़ने के लिए आप उदास होकर क्यों बैठो आपसे कितनों की आशा है तो एक खाक नसीनो उठ बैठो वक्त करीब आप पहुंचा है परीक्षा आने वाली है नजदीक अब तख्त गिराए जाएंगे अब ताज उछाले जाएंगे इसका देखो के गीता के हिसाब से इसका सार था कि जो कौरव गद्दी पर बैठे हुए थे उनको पांडव ये पांडव हटाएंगे उनको ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अब तख्त उछाले जाएंगे अब ताज उछाले जाएंगे तख्त सॉरी एक खाक नशीनो उठ बैठो वो वक्त करीब आ पहुंचा है अब तक गिराए जाएंगे ताज उछाले जाएंगे वो टूट उठेगी जंजीरें जिंदा लोगों की खेरनी ये दरिया जो झुम उठा है तूफानों से ना टाले जाएंगे यानी कि हम जब अब दरिया के रूप में उफान ले लिया है तो अब तूफानों से घबराने की आवश्यकता नहीं है इस बात को आप ध्यान रखना तो अठारह नंबर इसको ध्यान से सवाल को सोल्व कीजिएगा और अपने आप को मोटिवेट रखिएगा ताकि ध्यान से रहे एक ट्रांसफॉर्मर में धारा में वर्दी या गिरावट के अनुरूप वोल्टेज उससे निम्न हो निम्न से उच्च हो तो उसे क्या कहते हैं ध्यान से समझ लीजिए बड़ा आसान सा सवाल है यहाँ पर देखो कि मैं इतना सा आपको सवाल बना के दे देता हूं बताओ किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है ये एन वन है ये एन टू है तो आप कहोगे एन टू इज ग्रेटर देन एन वन सर सेकेंडरी में चक्कर ज्यादा है चक्कर जिधर ज्यादा होता उधर हमारे पास वोल्टेज भी ज्यादा जनरेट होगा यानी कि ये स्टेप अप है स्टेप अप का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज बढ़ेगा और धारा घटेगी ये बात ध्यान रखना और दूसरी कंडीशन में आता है कि यदि प्राथमिक में चक्कर ज़्यादा हो जाए और सेकेंडरी में चक्कर कम हो तो हमारे पास ये एन वन रहा ये एन टू रहा तो क्या कहोगे कि ये भाई आपके पास स्टेप डाउन हो गया है स्टेप डाउन का मतलब क्या हो गया एन वन ग्रेटर देन एन टू है और एन वन ग्रेटर देन एन टू है स्टेप तो डाउन है और स्टेप डाउन का केस विशेष याद रखना कि वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी क्योंकि पावर है जो नियत रहेगी तो ये हमारे पास दो डायग्राम बना लेना या फिगर बना लेना ताकि आपको ध्यान रहे तो इस बात को पूर्णत सोल्व कर ले लिख लीजिएगा जल्दी से बहुत आसान है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा तो नहीं होगा आपको समझ में नहीं आ रहा है लंबे समय तक तो रुकना है ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक यदि आप किसी परीक्षा में आठ दस नंबर लाने चाहते हैं तो बने रहिएगा और तो सर थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिएगा मैंने हिंदी लिखी नहीं है मैंने तो जो उसमें दिक्कत आई नहीं अब सवाल जो परीक्षा में आता है उसमें इसी प्रकार लिखा होता है कि भाई आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर जब के इक्वल टू वैल्यू वन होती है स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा स्टेप अप या डाउन होगा देखो ध्यान से धारा में वृद्धि या गिरावट के अनुरूप वोल्टेज उससे निम्न या निम्न से उच्च हो सकता है तो यदि वोल्टेज बढ़ता है तो इसे कहते हैं स्टेप वोल्टेज बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं देख लीजिए ध्यान से स्टेप अप कहते हैं स्टेप डाउन नहीं कहते हैं इस स्टेप करते हैं कहां सोलह हटके बैठे हो भाई देखो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइव वाले पे क्लिक कीजिए मेरे साथ जुड़िए आप मेरे से दो तीन मिनट पीछे सर दो मिनट का रेस्ट प्लीज देखो क्या मैं रेस्ट नहीं ले रहा हूं तो आप रेस्ट क्यों ले रहे हो आपको मेरे से ज्यादा आवश्यकता है यह समझ लीजिए आपको ज्यादा पढ़ना है आपको ज्यादा मेहनत करनी है रेस्ट को भूल जाइए आराम को त्याग दीजिए आराम आराम करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आराम को त्याग दीजिए आज सब जोश के साथ आए तो जोश के साथ पढ़ना है और पूरे चैप्टर को पढ़ के जाना है इसी बात को आपको ध्यान रखना है कोई रेस्ट वेस्ट नहीं रहेगी कोई टॉयलेट वॉयलेट मैं आपके सामने जब तक पढ़ा रहा हूं तो पहले मैंने आपको कहा था रेडी होके आना है तो रेडी होकर रहो और लगातार पढ़ो शानदार तरीके से परीक्षा में पास होना है तो मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा और आपको जिंदगी में सब कुछ आराम से और जो विद्यार्थी सोए सोए पढ़ रहे हैं ना सोते सोते वीडियो देख लेते हैं सर का ऐसा नहीं है उठो बैठो पेन कॉपी लो नहीं तो काम नहीं आना है और मेहनत आप देख तो रही हो आप मेरे वीडियो सोते सोते देख रहे हो तो आप तीन घंटे चार घंटे पांच घंटे सोते सोते देख रहे हो और बैठ के देखोगे तो टाइम में तो कोई वेस्टेज आएगा नहीं टाइम तो वो वही है लेकिन फायदा आपका यह हो जाएगा कि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी समझ में तुरंत आ जाएगी तो वो समझ में तुरंत आनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा चीजें आनी चाहिए इस बात का ध्यान तभी रहेगा जब आप उठ के बैठ के पढ़ो पेन से लिखिए हाथ में पेन लीजिए कॉपी होनी चाहिए ऐसा नहीं है हम सीधे सीधे बैठे ऐसा नहीं पढ़ना है ये ध्यान रखना है अगला सवाल उन्नीसवा उन्नीस सवाल क्या ट्रांसफॉर्मर को श्रेणी बंद किया जाता है केवीए केवीआर केडब्ल्यू वाट या वोल्ट ध्यान से देखिएगा भाई इसको बंध किस प्रकार किया जाता है ट्रांसफॉर्मर को तो सब जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को हमेशा लेकिन मेरा सवाल है सर लोड अननोन है जब लोड अननोन होता है तो केवे में लिया जाता है और किसकी लिया जाता है तो आप कहोगे अल्टरनेटर होता ना अल्टरनेटर की रेटिंग भी केविय में ही होती है अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है KVM होती है ये भी ध्यान रखना अल्टरनेटर की भी सर, KVM ही होती है और हम इसके ट्रांसफॉर्मर लेते हैं है, लेकिन दूसरा टेक्निकल कारण क्या है तो टेक्निकल ध्यान रखना कि लॉस है वो किस पर निर्भर करता है यहां पर दो प्रकार का मुख्य लॉस है कॉपर लॉस है जो हमारे पास निर्भर करता है करंट पर निर्भर करता है करंट पर निर्भर करता है यानी कि कॉपर लॉस करंट रेटेड होता है और जो दूसरा होता है लोहानी या उसे आप कहते हो आयरन लॉस यह वोल्टेज पर निर्भर करता है वोल्टेज और आवर्ती पर तो आप वोल्टेज पर निर्भर करता है यह वोल्टेज पर निर्भर करता है तो यहां पर देखो कि कॉपर लॉस करंट पर करता है आयरन लॉस वोल्टेज पर करता है और कोप भाई वो, वोल्टेज और करंट दोनों अलग अलग सेक्शन में आया इसलिए वोल्ट और एम अलग लगाएगा इस कारण इसकी रेटिंग वी ए या के वी ए या एम वी ए में ली जाती है अल्टरनेटर की रेटिंग भी इसी में ली जाती है जबकि किलोवाट में रेटिंग किसकी ली जाती है मोटर की मोटर की रेटिंग किस में होती है किलोवाट में सिंपल भाषा में समझो तो आप यह समझो कि हमें आपसे रेस्ट दीजिए एक घंटा बिल्कुल बिल्कुल किलो वाट सिंपल भाषा में समझो मोटर में लोड पता होता है लोड कितना है मोटर के ऊपर लिखा हुआ भी है और वही लोड काम में लिया जाता है तो किलो वाट में होती है यह ध्यान रखना तो उन्नीसवा सवाल का आंसर आपको क्लियर हो गया है सभी भाई ध्यान से दें और ध्यान से पढ़ें पढ़ते समय मिस्टेक ना करें बड़े आनंद के साथ पढ़िएगा मजे से पढ़ो भाई सवाल को देखो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से तो शानदार तरीके से पढ़ते चलो ना आ तो मैं लंबी पहली बार क्लास लेने वाला हूं तो आप क्यों थक रहे हो आपको तो अच्छे से खुश होना चाहिए आज पहली बार लंबी क्लास ले रहे हैं पढ़ने का आनंद उठाएंगे जब डेली सुबह एक घंटे पढ़ते हैं तो आज पांच छह छह दिनों की एक सप्ताह की कसर पूरी एक दिन में पूरी कर देंगे चलो अगला बीसवा सवाल सवाल सोल्व कीजिए भाई बीसवा जल्दी से ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है शून्य होता है एक किलोवाट सौ किलोवाट या अनंत बताइए क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध बीस में डी ऑप्शन आ रहा है बीच ए ऑप्शन आ रहा है कंफ्यूज गए हो देखिए ध्यान से ये प्राइमरी है वाइंडिंग ये सेकेंडरी वाइंडिंग है क्या दोनों जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी हुई है तो मुझे आप बताइए दोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा इनफानाइट होगा मैंने बताया था ना दोनों वाइंडिंगों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा अनंत होगा इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा अनंत होगा तो आप इंसुलेशन प्रतिरोध अनंत है तो फिर आप कहोगे सर उसमें वोल्टेज किधर है धारा जा किधर है तो मैं कहता हूं कि ट्रांसफॉर्मर जो है इसमें एक बात ध्यान रखना इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता मैग्नेटिक सर्किट होता है इसमें कौन सा सर्किट होता है भाई मैग्नेटिक सर्किट होता है ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है मैग्नेटिक सर्किट होता है तो आप कहोगे यहां मैग्नेटिकली ट्रांसफर सर्किट होता है इलेक्ट्रिकली सर्किट नहीं होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है जैसे आप डीसी थ्योरी में पढ़ते हो एसी थ्योरी में पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है लेकिन ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटिकली सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता ये ध्यान रखना तो ट्रांसफॉर्मर एक मैग्नेटिकल सर्किट है तो यहां पर दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध अनंत होता है किसी एक वाइंडिंग का प्रतिरोध पूछते हैं तो आप कहते किसी भी एक वाइंडिंग प्रतिरोध होता है कम होना चाहिए कम होगा तो लॉस कम होगा इस बात को ध्यान रखना क्लियर है भाई कर लीजिएगा नोट जल्दी से हर एक बात नोट कर लीजिएगा परीक्षा के अंदर कोई सवाल मिलाओ टेंशन नहीं आएगी कभी भी क्लियर हो गया अगला सवाल लोड पर प्रतिरोध क्या होगा लोड पर प्रतिरोध तो जैसे आप यूज करोगे वैसा होगा हरिप्रसाद शर्मा लोड तो आपके कंट्रोल में ना तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा कॉपर हानि भी बढ़ेगी वो अलग कंडीशन आएगी लेकिन लोड पर प्रतिरोध तो आपके अनुसार है कि लोड कितना होगा ट्रांसफॉर्मर में तो लोड अननोन होता है लोड नॉन थोड़ी होता है आपने ट्रांसफॉर्मर से आपके घर पे सप्लाई तो आ गई आपकी मर्जी है तो आप चक्की चलाएंगे मर्जी है तो ऐसे चलाएंगे मर्जी है तो केवल बल्ब जलाएंगे मर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं जलाएंगे तो लोड तो आपके ऊपर डिपेंड किया अगला सवाल एक ट्रांसफॉर्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे क्या कहा जाता है बड़ा सिंपल सवाल है धूप बहुत ही तेज लग रहा है सर ओहो इतनी धूप कहां आ गई आपके ट्रांसफॉर्मर जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है दो वाइंडिंग होती है विद्युत ऊर्जा जिसको प्रदान की जाती है जैसे यहां से विद्युत ऊर्जा प्रदान होती है स, स्रोत होता है यहां होता है लोड और यह होती है हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग यह होती है सेकेंडरी वाइंडिंग तो जिसको विद्युत ऊर्जा प्रदान की गई है वो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है प्राथमिक वक्र है तो कौन सी वाइंडिंग होगी प्राथमिक वाइंडिंग होगी सभी साथी ध्यान दे दें और जो द्वितीय वक्र कर रहे हैं अरे सोचो लखन लाल ऐसा क्या आंसर दे रहे हो आंसर करेक्ट दीजिएगा आप बी दे रहे सेकेंद्री वर्थ कहा से आगे सेकेंद्री वर्क सेकेंद्री वर्थ होगा जो उसमें मोटरों के अंतर्गत वाइंडिंग करेंगे तो वहां काम में लेंगे सर यहाँ बारिश हो रही है अलाहाबाद में बहुत अच्छा सा बारिश का लुप्त उठाते पड़ते रहिए आग मजा लीजिएगा पढ़ेगा पूरा बारिश का साथ साथ अगला सवाल करते हैं बाईसवा सवाल ध्यान से देखिएगा बड़े सावधानी से देखिएगा ध्यान से एक ट्रांसफॉर्मर का पीक आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करेगा एक ट्रांसफॉर्मर है उसका पीक आउटपुट वोल्टेज किसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा तो आप क्योंकि देखो कि सर हमारे पास E2 होता है मतलब सेकेंडरी का आउटपुट है तो सेकेंडरी लो तो ये होता है चार पॉइंट चार चार एफ एन टू। होता है। बिल्कुल होता है। आवर्ती पर निर्भर करता है, करता है? करता है। चुंबकीय फ्लक्स पर करता है और चक्रों की संख्या पर सवाल पूछा किस पर नहीं करेगा अब पूछा आपूर्ति वोल्टेज तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपूर्ति वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है कैसे करता है कि आप आपूर्ति देंगे आपूर्ति के हिसाब से धारा आएगी और इस धारा के हिसाब से फ्लक्स का निर्माण होगा तो अल्टीमेटली ये फ्लक्स किसके कारण आया है आपूर्ति के कारण तो आपूर्ति पर निर्भर करता है द्वितीय कोयल में गुमाओं की संख्या तो मैं कहूँगा बिल्कुल इसके ऊपर भी करता है द्वितीय कोयल में गुमाओं की संख्या के ऊपर भी करता है आपूर्ति वोल्टेज की आवर्ती पर आवर्ती देखो कि प्राथमिक और द्वितीय में सेम होते है तो इसके ऊपर भी करता है बिल्कुल सही है वो सेकंड प्राथमिक कोयल में घुमाव संख्या एन वन पर निर्भर करता है क्या एन वन पर बिल्कुल नहीं करता है तो यहां करेक्ट डी आएगा बुक में तक इसका चेंज दिया हुआ था यह भी थोड़ा सा चेक कर लेना यह डी आएगा वो दूसरा शायद तक सी दिया था सी नहीं आएगा यहां पर सी ऑप्शन नहीं आएगा डी ऑप्शन आएगा ये ध्यान रखना डी ऑप्शन होगा ठीक है भाई ये आप सावधानी से देख लेना ओके okay. बाईसवा सवाल सोल हो गया तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से समझ लिया आपने इसका पूरा तात्पर्य होता क्या है चलो अगला देखते हैं तेईसवा सवाल ध्यान से देखते चलिएगा और उत्तर देते चलिएगा बड़ा मजा आ रहा है शानदार तरीके से पढ़ते चलिएगा ठीक है तेईसवा सवाल ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है बड़ा शानदार सवाल है कई विद्यार्थी इसका आंसर नहीं देते हैं तो ट्रांसफॉर्मर की आपको क्या बनानी है भाई कोर तो इसकी प्रायोरिटी तय कर लीजिए तो प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता किस प्रकार होगी तो प्राथमिकता इसकी यह होती यही ऑप्शन में सी आर जी ओ दिया हुआ तो ये होगा और ये नहीं दिया हुआ है तो सिलिकन स्टील होगा और यही नहीं दिया है तो कुछ नहीं होगा यही ध्यान रखना तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा सी आर जी ओ ज्यादा कम हानि ज्यादा वाली बहुत अच्छी होती कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सी ऑप्शन कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड हो गया भाई तो हमारे पास सी आर जी ओ सी आर जी ओ में सबसे कम हिस्ट्री सानी होती है यह बताना भाई ध्यान है सी आर जी ओ सभी को समझ में आ गया चलो ठीक है अगला सवाल मैं साथ में बताया दूसरा ऑप्शन सिलिकॉन स्टील होता है यदि ये नहीं देता तो सिलिकॉन स्टील करते हैं जैसे यही सवाल रहा आपके सामने अब आप बताओ ट्रांसफर कोर के निर्माण के लिए आम तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है कास्ट आयरन कार्बन सिलिकॉन स्टील स्टेनलेस स्टील सीधा सिलिकॉन स्टील अब मेरा सवाल है कि इसमें बताओ सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है बताइए पहले और क्यों मिलाई जाती है सिलिकन क्यों मिलाई जाती है कितनी है क्यों मिलाई जाती है जल्दी से चोईस सवाल का आंसर दीजिएगा भाई सवाल मैंने पूछ लिया आगे भाई साहब आप अभी तक उत्तर नहीं दे पा रहे हो सर क्या कर रहे हो साइड में जाके चाय पी रहा हूं सिलिकन की मात्रा सिलिकन की मात्रा है क्या भाई सिलिकन की मात्रा है तीन पॉइंट आठ से चार पॉइंट छः प्रतिशत दूसरा सवाल मैंने पूछा क्यों मिलाई जाती है तो आपको अभी तक पता नहीं चला क्या हिस्ट्रेसिस हानि को कम करने के लिए हिस्ट्रेसिस हानि का दूसरा नाम क्या है तो बी एच वक्र बी एच वक्र बी एच वक्र क्या होता है भाई ये होता है बी ये होता है एच यहां पर बनता है लूप और ये जो लूप होता है इसका जो एरिया होता है वो हानि के इक्ट होता है यदि इस बी एच वक्र का एरिया कम होगा तो हानि भी कम होगी बी एच वक्र का एरिया ज्यादा होगा तो हानि भी ज्यादा होगी यह ध्यान रखना तो बी एच वक्र का एरिया क्या होना चाहिए कम से कम होना चाहिए ताकि हिस्ट्रेसिस कम से कम हो यह ध्यान से देख लेना चलो बहुत बड़े भाई सैथिले लो सी को बिल्कुल सही बात है हिंदी में सही कहते हैं हनी बिल्कुल भाई अगला सवाल पच्चीसवा एक ट्रांसफॉर्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आम तौर पर कितनी होती है चाहे पीरो अकेले अकेले आ भी आ जाइए हम आपको भी पिला देंगे चलो ट्रांसफॉर्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आम तौर पर कितनी होती है देखिए पहली बात तो लेमिनेशन जो करते हो लेमिनेशन का दूसरा नाम जो होता है वो वार्निश होता है इसकी जो मोटाई होती है जीरो पॉइंट तीन पांच एमएम से पॉइंट पांच एमएम तक रखना कहीं पर पॉइंट छह ऑप्शन आए तो कर लेना नहीं mm. तो पॉइंट पांच एम एम तो जीरो पॉइंट तीन से पॉइंट पांच एमएम और एग्जैक्ट कहे तो पॉइंट पांच एम एम रखना बेटर है और देखो कि ये जो हमारे पास लेमिनेशन किसके ऊपर की जाती है क्रोड की पत्तियों के ऊपर क्रोड की पत्तियों के ऊपर लेमिनेशन की जाती है क्रोड की पत्तियां क्यों काम में ली जाती है ध्यान रखना तो आप कहना एडी करंट को कम करने के लिए एडी करंट लॉस को कम करने के लिए एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है एडी करंट लोस को हिंदी में हम कहते हैं भंवर धारा हानिया भंवर धारा हानिया तो भंवर धारा हानिया को कम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है ठीक है तो ये हमारे पास इसका मामला गया पॉइंट तीन पाँच पॉइंट पाँच सारा के, के, के कंडीशन समझ में आ गई केस पूरा समझ में आ गया आपको कंप्लीट आंसर आ गया चलो अगला सवाल करते हैं पच्चीसवा सवाल हो चुका है अगला सवाल हम करते हैं शुरू एक ट्रांसफॉर्मर में गुंजन की आवाज मुख्य किस कारण होती है आवाज जब ट्रांसफॉर्मर के पास से निकलते हो तो आवाज आती गूंजता है तो ये किस कारण होता है अवधेश माई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए हमेशा लेने, लेने देता ना चलो सवाल बताइए जल्दी से उत्तर बताइए छब्बीस का क्या है सी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बिल्कुल ठीक आंसर बता रहे हैं सभी साथी बहुत बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सुख के सैनिक आंसर ई आगे ए और बी दोनों ए भी गलत है बी भी, भी गलत है क्या ए और बी दोनों कर दिया आपने चलो हम देखते हैं पहली बात ध्यान रखना कि ट्रांसफॉर्मर है कोर को चुंबकित किया जाता है ट्रांसफॉर्मर को, कोर को चुंबकित तो करते ही हैं और इसके कारण यहां पर चुंबकीय प्रक्रिया हो जाती है चुंबक प्रक्रिया होती है चुंबकीय प्रक्रिया होने से क्या होगा भाई चुंबक प्रक्रिया हो जाए यहां चुंबकीयकरण हो जाता है तो चुंबकीयकरण से क्या हो जाएगा तो आप क्या हो गए चुंबकीय से करोड का तो क्रोड है उसका आयाम चेंज हो जाता है आकार चेंज होना क्रोड का आयाम व आकार परिवर्तन होता है आयाम व आकार में परिवर्तन होता है उसके आकार में और आयाम में परिवर्तन होता है और इस प्रकार परिवर्तन होने के कारण हमारे पास गुंजन की आवाज आती है यानी कि मैग्नेटिक चेंज के कारण तो गुंजन की आवाज मैग्नेटिक चेंज के कारण आती है किसके कारण आती है मैग्नेटिक चेंज के कारण आती है और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण आवाज आती है तो आप मुझे दूसरी बताइए कि आवाज जो आती है उस आवाज किस प्रकार की होती है तो आप उसे कहते हैं ये हमिंग आवाज होती है आवाज कैसी होती है हमिंग आवाज होती है तो हमिंग आवाज होती है आप जल्दी से स्क्रीन छोड़ दे लीजिएगा जल्दी से जो भी साथ स्क्रीन शोड़ देना चाहते हैं फटाफट स्क्रीन शोट ले लीजिएगा चूकेगा मत रुकेगा मत स्क्रीन शोट लीजिएगा फटाफट स्क्रीन शोट लीजिएगा तो आवाज़ कौन सी होती है भाई हमिंग आवाज़ होती है तो ट्रांसफॉर्मर कोर को हम क्या करते हैं सबसे पहले चुंबकित करते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मर कोर को यदि आप चुंबकित करोगे तो वहां पर चुंबकीयकरण की प्रक्रिया होगी चुंबकीयकरण की प्रक्रिया होगी तो वहां पर क्या होगा कि आपके गुंजन की आवाज आएगी क्योंकि मैग्नेटिक चेंजेज होगा और मैग्नेटिक जो होता है तो चुंबकीयकरण क्रोड होता है उसका आयाम और आकार में यह गुंजन की ध्वनि देता है गुंजन की ध्वनि क्या देता है वो होती है हमिंग ध्वनि गुंजन की ध्वनि हमिंग अब जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिएगा ले लिया भाई ओके चलो ठीक है अब ये आगे छब्बीस अगला देखते हैं 27वां सवाल सवाल देख लिए, किसी ट्रांसफॉर्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को नाम दिया जाता है कोई ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको क्या नाम दिया जाता अभी अभी है अभी मैंने बताया हमिंग ध्वनि और यहां पर ऑप्शन के अनुसार कौन सा आ जाएगा हम हमिंग रिंगिंग थोड़ी होती है ग आपके मोबाइल में जब फोन बजता है तो वो होती है रिंगिंग वाइब्रेट करता है तो उसे कहते हैं बजिंग जो बज होता है ना जू जू करता है तो वो वो बजिंग हो गया तो रिंगिंग बजिंग होता नहीं है गैल तो हमारे पास अलग ही होता है तो यहाँ पर हम है हम का मतलब वी नहीं होता है आप इंग्लिश में हम का मतलब वी नहीं है ये ध्यान रखना हम हम है धौनी का नाम ये होती है हमिंग धोनी होती है क्लियर रखना कौन सी होती है भाई हमिंग हमीर होती है सबको पता है बहुत बढ़िया नोट्स लिख रहा हूं मैं तो बहुत शानदार है नोट्स लिख रहे हो तो आपको कोई टेंशन है आने ही नहीं बहुत शानदार तरीके से आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है आप देखते जाओ ना सवाल कोई से पढ़ते जाओ बाद में कोई टेंशन है ही नहीं आपको लेने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं मैं पूरी थ्योरी के साथ पढ़ा रहा हूं निम्नलिखित दो नुकसानों में से एक साथ कोर लॉस कहा जाता है अब मैं कोर लॉस पूरा समझा दूंगा ध्यान से देख लीजिएगा पहले देख लीजिए कि इसका उत्तर क्या है एक साथ कोर लॉस किसे कहा जाता है जल्दी से भाई सब कहा गया भाई डी ए डी ए डी ए, ए बिल्कुल सही है अब देखो मैं आपको पूर्ण डिटेल बताता हूं आपको क्या कहा गया कोर लॉस कोर लॉस का दूसरा नाम होता है आयरन लॉस यानी कि हानि क्या होती है भाई लोह हानि होती है अब जो लोहा हानि होती है इसका एक और नाम क्या होता है जो मुख्य चर्चित नाम होता है इसे नो लोड लोस भी कहते हैं इसे और क्या कहते हैं नो लोड लोस भी कहते हैं यानी ये कोई सा भी नाम है, तो हानी एक, एक कोई चेंजेस नहीं है अब जो नो लोड लोस है ये किस पर निर्भर करती है ध्यान रखना जो नो लोड लॉस है ये वोल्टेज और आवर्ती पर फल निर्भर करती है यानी कि यह क्या होती है तो आप क्या हो गए यह लोस वोल्टेज रेटेड तथा फ्रीक्वेंसी रेटेड होता है क्या होता है भाई करंट रेटेड होता है क्या सवाल आए तो आप कहेगा बिल्कुल नहीं होता यह क्या होता है यह वोल्टेज रेटेड होता है और तथा रेटेड होता है धारा पर निर्भर करता है तो आप ये धारा पर निर्भर नहीं करता धारा पर निर्भर नहीं करता है इस कारण इसे क्या नाम दिया गया नो लोड लॉस क्योंकि लोड वाली यानी कि धारा हो गई और यह धारा के ऊपर निर्भर नहीं करता है तो एक ध्यान रखना आयरन लॉस कभी भी लोड पर निर्भर नहीं करता है यह कभी भी लोड पर निर्भर नहीं करता है पहला इतना सा लिख लीजिए ले लीजिएगा यह आंसर तो करंट और करंट है दोनों क्योंकि यह जो हमारे पास दोनों मिलकर होता है कोर लॉस कोर लॉस में कौन से कौन से शामिल होते हैं तो आप क्योंकि एक तो होता है हिस्ट्रेसिस दूसरा जो होता है वो होता है एडी करंट लोस। अभी मैं इन दोनों लोस के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा ध्यान से इसको लिख लीजिएगा फिर इन लॉस के बारे में डिटेल बताऊंगा चिंता करने की जरूरत नहीं है एक एक चीज बता दूंगा पढ़ते रहिएगा समझते रहिएगा सीखते रहिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा भाई चलो ये तो स्क्रीनशॉट दे लिया अब मैं देखो कि आगे स्टार्ट करता हूं मैं लॉस और हिस्ट्रेस के बारे में कंप्लीट बताता हूं लॉस लॉस के बारे में कंप्लीट बताता हूं देखो अब आपके पास जो आयरन लॉस है यानी कि लो हानि है वो कितने प्रकार की होती है तो आप कहोगे सर दो प्रकार की होती है कौन सी होती है एक तो होती है हिस्ट्रेसिस हानि और दूसरी कौन सी होती है तो आप क्योंकि दूसरी होती है भंवर धारा हानि चलो ठीक है तो ये जो हमारे पास हिस्ट्रेस और भंवर धारा हानि कितनी होगी भाई दो प्रकार की हानि तो ये पूछा जाता ये किसके कारण होती है चुंबकित तथा विचुंबकित के कारण चुंबकित चुंबकित तथा विचुंबकित के कारण जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं सेतिल हानि और किस में होगा कोर में होता है तो कोर में चुंबकित तथा वीत चुंबक के कारण हानि होती है वो कौन सी होती है भाई शैतिली और दूसरा कोर में आंतरिक प्रतिरोध के कारण आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो हानि होगी वो हमारे पास कौन सी होगी तो आप कहोगे वो हमारे पास होगी भंवर धारा हानि होगी अब हमारे पास आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट के हानि का फॉर्मूला क्या होता है भंवर धारा हानि का फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान रखना शैतिल हानि यानी इसको मैं डब्ल्यू एस ईटा बी की बी एम एक पॉइंट छ एफ वी और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारे पास बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर ठीक है अब देखो अगर आप ध्यान से यहां पर एक नेता के भी काम में लिया जा सकता है बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर स्क्वायर होता है अब देखिएगा ध्यान से यहां पर नीटा क्या होता है तो नीटा आपके हिस्ट्रेसिस होता है क्या होता है नियतांक जैसे जैसे आप पदार्थ चेंज करते हो ना पदार्थ तो उसके ऊपर ये नीटा का मान चेंज होता है बी एम फ्लक्स घनत्व होता है एफ हमारे पास आवर्ती होती है और वी हमारे पास होता है वॉल्यूम क्रोड का आयतन होता है टी हमारे पास लेमिनेशन की मोटाई होती है तो ये आपको ध्यान से रखना है कि भाई कौन सा किस पर निर्भर करता है देखो अब मैंने आपको बताया था शैत्य हानि है कम करना चाहते हो कम करने के लिए क्या करोगे कम करने के लिए या तो सीआर जी उपयोग करो या फिर किसका करोगे सिलिकन स्टील की कोर होनी चाहिए सिलिकन स्टील में हम सिलिकन की मात्रा कम करने के लिए मिलाते हैं दूसरा धारा हानि को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा तो यहां पर पतली का होती है ना पट्टिकाओं करोड का निर्माण पतली पट्टिकाओं से क्रोड का निर्माण करोगे तो यहां पर कौन सी हानि कम हो जाएगी भंवर तारा हानि कम हो जाएगी पतली पट्टी से करोड का निर्माण करने पर यह बात ध्यान रखना भाई क्लियर है तो पतली पट्टी से करोड़ का निर्माण करोगे तो यह हानि हमारे पास कम हो जाएगी और लेमिनेशन <स्य। या <स्याद> वार्निश तो ये लिख लीजिएगा जल्दी से जल्दी से नोट कीजिएगा सभी जन्मदिन की शुभकामनाएं सर जी शुभकामनाएं बहुत बहुत बढ़िया भाई धन्यवाद थैंक यू 1.6 वैल्यू है भाई ये इसकी पावर है 1.6 पॉइंट सिक्स यानी आठ बटा पांच होती है डेली कितने बजे पढ़ाते हैं सात बजे पढ़ाते हैं भाई डेली सुबह और आज भी सात बजे शुरू हुए हैं नौ बजने वाले हैं लेकिन हम पढ़ेंगे जब पूरा ट्रांसफॉर्मर पूरा नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे। क्लियर है तो ये आयरन लॉस का पूरा कंसेप्ट है ध्यान से आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिएगा फिर मैं अगला सवाल सॉल्व कराना शुरू करता हूं तो चलो करते हैं अगला सवाल शुरू ये आगे अगला क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर में नियत हानियां होती है ट्रांसफॉर्मर नियत हानिया कौन सी होती है वह हानि जो फिक्स होती है उसे हम क्या कहते है? कहते हैं हैं नियत हानि और नियत हानि हमारे पास दूसरा नाम हो गया स्थिर हानि हानि स्थिर का मतलब है जो लोड के ऊपर निर्भर नहीं करती है जो लोड के ऊपर निर्भर नहीं करती उसे कोर हानि कहते हैं या नो लोड हानि कहते हैं और वह हमारे पास होती है आयरन लॉस आयरन लॉस यानी एडी करंट हानि और हिस्ट्री हानि दोनों आ जाएगा तो यहां पर भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा डी ऑप्शन आएगा तो ये ध्यान रखना साथियों यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा सभी ध्यान रखना क्लियर है भाई एडिक्रंट हानि वानी दोनों है जो हमारे पास नियत हानि यानी स्थिर हानि के अंतर्गत आती है ओके अगला देखते हैं नेक्स्ट सवाल तीसवा सवाल ध्यान से देखिएगा भाई कॉपर की कमी किस पर नगण्य है कॉपर की कमी किस पर नगण्य है यह बताइए भाई जल्दी से एक बटा चार भार आधा भार नो लोड पूर्ण भार कॉपर की कमी यानी कि कॉपर लोस कोपर लोस कम है अब एक बात ध्यान रख लीजिए कॉपर लॉस में कॉपर हानि हमारे पास किस पर होगी दो प्रकार की हानि होती है यहां पर कौन सी कौन सी दो प्रकार की हानि होती है तो आपने देखा एक तो होता है आयरन लॉस दूसरा होता, जो होता है ये हमेशा लोड पर निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है भाई लोड पर निर्भर करता है लोड पर निर्भर करता है तो हमारे पास वोल्टेज रेटेड होता है कि धारा रेटेड तो ये धारा रेटेड यानी करंट रेटेड धारा रेटेड होती है ये जो हानि होती है हमारे पास क्या होती है भाई ये हानि करंट रेटेड होती है नहीं धारा रेटेड होती है और प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करती है जो आंतरिक प्रतिरोध होता है तो यहां पर किस्म होती है संट वाइंडिंग में सीरीज वाइंडिंग में संट में होती है हमारे पास संट वाइंडिंग संट या सीरीज में या आर में जो भी यहाँ पर आप काम में लेते हैं उन सब के ऊपर ये हानियाँ हमारे पास होती है यानी वाइंडिंग के अंदर ये लॉस होता है वो हमारे पास क्या होता है कि उससे लॉस को कहते हैं कॉपर लॉस कॉपर लॉस कौन से परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है तो ध्यान रखना शॉर्ट सर्किट परीक्षण विधि शॉर्ट सर्किट परीक्षण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है कौन सी विधि द्वारा किया किया ज्ञात जाता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है किस पर निर्भर करता है धारा पर अब इसकी कॉपर की कमी करनी है तो आप क्या यदि लोड कम होगा लोड कम होगा तो हानि भी कॉपर हानि भी क्या हो जाएगी कम तो यानी कि यहां पर जो कॉपर हानि है कॉपर हानि है ये हमें लोड के वर्ग के समानुपाती होती है ध्यान रखना कॉपर हानि लोड के वर्ग के समानुपाती है कॉपर हानि इसको डब्ल्यू डी पी से नोट कर लो कॉपर हानि लोड के वर्ग के समानुपाती होती है ध्यान रखना जब लोड नहीं होगा हो तो हानि क्या हो जाएगी नगणीय तो हानि नगणीय जब नो लोड पर हमारे पास कॉपर हानि नगणी होती है नो लोड पर क्या ज्ञात की जाती है आप कहोगे आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है यानी कि आनी ज्ञात की जाती है लो ज्ञात की जाती है एमपी के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए भाई इसमें बीच में आगे होंगे बाकी एमपी वाले सवाल लगा लो दुर्गेश कड़वे आपके सवाल नहीं हो तो मुझे पूछ सकते हो सारे सवाल हो जाएंगे सारे सवाल आएंगे सारे सवाल कोई भी घबराना नहीं है कोई सवाल इधर उधर नहीं जाएगा जन्मदिन की शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अभी तो ये स्क्रीन शॉट दे लीजिए फिर आप मैं आगे चल जाऊंगा स्क्रीन शॉट लिए बिना मैं नहीं मैनी कॉन्स धन्यवाद सर धन्यवाद सारे करवाऊंगा आपको चिंता आपको पढ़ना है समझो ये पढ़ाने का काम मेरा है यदि आप कहोगे ऐसे पढ़ो और वैसे पढ़ो तो ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा मुझे पढ़ना होता है मैं वैसे ही पढ़ूंगा आपके ऐसे और वैसे करने से कोई पढ़ाई का तरीका चेंज नहीं होगा क्लियर है भाई तो ये हो गया भाई अगला सवाल देखिए अगला सवाल आ गया इकतीसवा सवाल इक्तीसवा सवाल है एक ट्रांसफॉर्मर में अगर लोड आधा होता है तो तम्र हानी में कितना परिवर्तन होगा कॉपर लॉस परिवर्तित होगा तो कितना होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉपर लॉस होता है वो लोड के वर्ग के समानुपाती होता है लोड आधा कर दिया लोड आधा कर दिया तो लोड का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई एक चौथाई तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई एक चौथाई हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई पावर एक चौथाई हो जाएगी तो डी ऑप्शन करेक्ट कर दो लोड यदि आधा हो जाएगा तो जो कॉपर हानि है लोड के वर्ग के समानुपाती होता है लोड आधा किया तो लोड की जगह आधा लिखा तो ये कितना हो गया यानी पावर एक चौथाई हो जाएगी इस बात को आपको ध्यान रखना है तो पावर आपके पास कितनी हो जाएगी भाई एक चौथाई हो जाएगी भाई हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आंसर फटाफट बताते बतात रहिएगा और बिल्कुल जो भी विद्यार्थी कोर्स खरीदना चाहते थे अभी रेट अपडेट हो गई है उसके ऊपर 60 परसेंट ऑफ की रेट अपडेट हो गई है तो वहां जाके चेक कर सकते हैं टेक्निकल हेल्पर वाले या एम वाले, वाले या बी एस पी एस एल वाले या यूपी पी वाले वो वहां जाके चेक कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो ये आप पढ़ते रहेगा क्या ये जो सवाल समझ में आया नहीं है कॉपर हानि वाला बड़े मजे से पढ़ना है शानदार तरीके से हैप्पी बर्थडे सर जी थैंक यू जी थैंक यू ड्यूटी जाना है बिल्कुल बिल्कुल जाना है तो जरूर जरूर मुझे पहली क्लास आप बहुत अच्छा आज देखो रवि टाक क्या बात करते हो तुम आज आपकी पहली क्लास कैसे आप तो आते आते ही पता नहीं कितने दिन हो गए आपको मुझे नाम याद हो गया आपका तो किसी दो केविय ट्रांसफॉर्मर में 150 वाट का आयरन हाउस होता है 250 वाट का पूर्ण लोड कॉपर हाथ होता है तो ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम क्षमता तब होगी जब कुल हाथ कितना होगा एक बात ध्यान रखना आपको है दक्स्ता अधिक्तम। दक्स्ता अधिक्तम कि आपको पूछा है कि अधिकतम दक्षता कब होगी दक्षता अधिकतम दक्षता अधिकतम की मैं आपको कंडीशन बताता हूं इसको देखना पहली कंडीशन है पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए पावर फैक्टर क्या होना चाहिए यूनिटी यूनिटी का मतलब इकाई होता है तो दक्षता क्या होती है अधिकतम ये कंडीशन होती है दूसरा होता है कि मैक्सिमम तब होगा जब करंट हमारे पास क्या होगा मिनिमम आई हमारे पास मिनिमम होगा और आई मिनिमम होगा तो यहीं से एक कंडीशन बनेगी जो ये कहेगी स्थिर हानि अस्थिर हानि के बराबर हो इस धारानी किसके हानि के, के बराबर हो ए धारानी के बराबर दूसरा ये कहेगा यहाँ इसको ये नहीं दिया आएगा तो ये आएगा लोहा हानि है वो ताम्र हानि के बराबर हो जब लोहा हानि ताम्र हानि के बराबर होता है तो भी हमारे पास दक्षता अधिकतम होती है तो ये हमारे पास दक्षता अधिकतम की कंडीशन होती है अब होता है कि दो केवीए ट्रांसफार्मर 150 वाट का आयरन हैस है और 250 वाट का पूर्ण लोड कॉपर हैस है देखो स्थिर हानि कौन सी है आयरन वाली तो आयरन वाली तो हमारे पास 150 है तो कॉपर वाली भी कितनी होनी चाहिए 150 दोनों बराबर होनी चाहिए आयरन वाली चेंज होगी क्या बिल्कुल चेंज नहीं होगी क्योंकि वो लोड पर निर्भर नहीं करती है जबकि कॉपर हानि लोड पर निर्भर करती है तो लोड को कम करके दक्षता मैक्सिमम लाओ तो यहां पर हमारे पास 150 प्लस 150 बराबर कितना आएगा 300 वाट होगा तो 300 वाट करेक्ट आंसर होगा ऐसा नहीं है कि इनको डेढ़ सौ ढाई सौ जोड़ दो चार सौ वाट कर दो या घटा दो सौ वाट कर दो ऐसा मत करना तीन सौ वाट आंसर होगा और न आप इसको पांच सौ वाट करना यह भी ध्यान रखना बुक तीन सौ पीछोत्र हो रही है तो देखो वो नीचे सेलर का नाम चेंज होगा तीन सौ पीचोत्र हो सकती है लेकिन पिंडल रीडर्स यदि नीचे नाम रहेगा मतलब जो सेलर आते हैं उसमें अमेजन और फ्लिपकार्ट तो वहां दो सौ सत्तर रेट कन्फर्म होगी बाकी आपको देखना होता है बारिश आने वाली है चारा लाने जा रहा हूं आके देखूंगा वीडियो यूट्यूब पर डाल के रखना बिल्कुल 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 आइए चारा नहीं लाएंगे तो गाय या भैंस दूध नहीं देगी तो बिल्कुल मोहन सिंह कार्य कीजिएगा जरूर ओके देखो विद्यार्थियों जितने भी हो फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बड़ा आनंद के साथ पढ़ा रहे मजा आ रहा है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कहीं को किसी को लग रहा है कई विद्यार्थियों को लग रहा है सर आज ना वो मतलब सवाल कम हुए हैं टाइम ज्यादा हुआ तो ये ऑब्वियसली बात है कम हुए इसका कारण है इसका कारण है कि मैं आज पूरी डिटेल बताता चल रहा हूं पूरा ट्रांसफॉर्मर पूरा सेक्शन ला के चल रहा हूं तो ले लिया स्क्रीन या नहीं लिया जल्दी से देख लीजिए भाई अब करते हैं नेक्स्ट अगला सवाल यदि ट्रांसफॉर्मर का पूर्ण भार तांबा हानि चौसठ सौ है तो आधा भार की तांबे की कमी कितनी होगी देखो मेरी बात ध्यान से कॉपर हानि होती है वो लोड के वर्ग के समानुपाती है अब आपने लोड क्या कर दिया है आधा कर दिया है तो इसका वर्ग कर दो तो यानी कि कॉपर हानि क्या हो जाएगी भाई एक चौथाई हो जाएगी तो न्यू कोपर हनी है जो नई है वो पहले वाली की तुलना में कितनी होगी एक चौथाई चौसठ सौ का एक चौथाई करोगे तो कितना वाट आएगा सोलह सौ शो वाट तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों ई ऑप्शन तो ये ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई कौन सा आ जाएगा भाई ई ऑप्शन सर मेरे नेट नहीं चल रहा है बारिश हो रहा है हम क्या करें अब अब आप में वीडियो देख सकते हो नेट नहीं चल रहा है चल रहा है तो साथ के साथ आनंद उठाइएगा यह आपकी इच्छा भी। तो यह हमारे पास सोलह सौ वाट आ गया भाई, ठीक है इसको ध्यान रखना गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम बबलू धन्यवाद बबलू कोर्स में क्या क्या मिलेगा कंप्लीट मिलेगा पूरा सेगमेंट मिलेगा यानी कि वीडियो कोर्स मिलेगा पी मिलेगी टेस्ट क्यूज मिलेगी सब कुछ होगा जितना होता ना आपके परीक्षा में आता उतना पढ़ नहीं पाते उससे भी ज़्यादा उसके अंतर्गत होता है डिलीवरी फ्री में क्या बताऊं भाई डिलीवरी फ्री वही बताएंगे अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले वही बताएंगे आपको डिलीवरी फ्री वाली क्लियर है भाई ये हो गया आपका सवाल अगला देखो सवाल नेक्स्ट क्या है एक ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण लोड तांबा हानि 600 सौ वाट है आधे भार में तांबा हानि कितनी होगी यही सवाल है अलग अलग परीक्षा मारा देखो परीक्षा की डेट ऊपर आपके लिखी हुई आ रही है लोड के वर्ग जो सवाल ज्यादा परीक्षा में आता है इसको मैंने भी यहां पर ज्यादा देने की कोशिश की क्योंकि बार बार सवाल ये घूम रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए वहां समय नहीं लगाना चाहिए तो जो न्यू कॉपर लॉस होगा पहले वाले का एक चौथाई होगा तो 600 का एक चौथाई कितना आएगा डेढ़ सौ वाट आएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि ये मैंने कितनी बार बता दिया है कि पावर है जो कॉपर कॉपर की पावर है वो लोड के वर्ग के समानुपाती होती है मेरे साथी तो जल्दी से आप इसको देख लीजिएगा जल्दी से जल्दी से इसका देख लीजिएगा भाई तो डेढ़ सौ न्यूमेरिकल सवाल आने पर गाड़ी रुकने लग जाती है आपकी बहुत तेज गति से चलने वाली गाड़ी के ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं यह लग रहा है मुझे तो चलो चौतीसवा सवाल हो गया स्क्रीन शॉट ले लिया अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर पैंतीसवें सवाल के ऊपर ये आगे पैंतीसवा सवाल किसी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता अधिकतम होती है जब किसी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता होती है वो अधिकतम कब होगी जब क्या होगा भाई तांबे की हानि लोहे की हानि से अधिक होनी चाहिए या तांबे की हानि लोहे की हानि के बराबर हो तो यह कंडीशन वाला भी सवाल मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई जो हानि है लोहा हानि के बराबर हो इसके अलावा भी वो कंडीशन थी हानि हमारे पास क्या होती है अस्थिर हानि ए स्थिर हानि हमारे पास क्या होती है भाई स्थिर हानि के बराबर हो या आप ये भी जानते हो कि पावर फैक्टर जो है वो हमारे पास इकाई हो यूनिटी हो ये भी कंडीशन जानते हो ताम्र हानि होती है वापस याद कर लेना करंट रेटेड होती है क्या होती है भाई करंट रेटेड लोहा हानि होती है ये हमारे पास क्या होती है वोल्टेज रेटेड वोल्टेज रेटेड या फ्रिक्वेंसी रेटेड वोल्टेज रेटेड या फ्रीक्वेंसी रेटेड होती है साथ ही ये देख लेना भाई ध्यान से वोल्टेज रेटेड या फ्रीक्वेंसी रेटेड होती है लोहानी होती है current rated. कि तम किस पर निर्भर करती है लोड पर निर्भर करती है लोड पर निर्भर करती है लोहानी क्या होती है तो आप क्या लोड पर निर्भर नहीं करती लोड पर निर्भर नहीं करती है तो यह है लोहानी लोड पर निर्भर नहीं करती है इस बात का आपको ध्यान रखना है क्लियर है साथी सब देख लिए नोट कर लिए और स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर आप बहुत बढ़िया ये इसलिए मैं अच्छा पढ़ा पाता हूँ क्योंकि आप अच्छे पढ़ लेते हो यदि आपको समझ नहीं आता तो मेरा अच्छा पढ़ाई हुआ कैसे काम आएगा? अच्छा पढ़ाई मेरा तभी काम आता जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते हो चलो ठीक है साथियों अगला सवाल छत्तीसवें सवाल ध्यान से देख लीजिएगा आपके सामने हाजिर हो चुका है छत्तीसवें सवाल ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है कोर हिस्ट्रेस जानी, कोपर एडी, बी और सी दोनों बताइए ध्यान से क्या आयोजित किया जाता है जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा ओपन सर्किट परीक्षण विधि मैं बता दूंगा आपको कंप्लीट डिटेल में आप जल्दी से देखिएगा भाई ओपन सर्किट टेस्ट स्टार्ट करूं ओपन सर्किट टेस्ट ओपन सर्किट टेस्ट इसको दूसरा नाम होता है नो लोड टेस्ट इससे क्या होता है केवल स्थिर हानि ज्ञात की जाती है केवल स्थिर हानि ज्ञात की जाती है स्थिर हानि ज्ञात करने का मतलब है के यहां से हम क्या करेंगे कोर लॉस यानी कि इसे कोर लोहानी हानि ज्ञात की जाती है ज्ञात की जाती है यह हमारे पास जो ओपन सर्किट है आपने जैसे नो लोड टेस्ट में आपको यह पता हो गया कि वोल्टेज और आवर्ती के ऊपर निर्भर करती है यह किसी भी प्रकार से करंट के ऊपर निर्भर नहीं करती है तो यह भी ध्यान रखना यह वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी रेटेड होती है ये वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी रेटेड होती है आप देखो कि यहां पर जब इसका परीक्षण किया जाता है तो इसमें दो प्रकार की कंडीशन होती है एक तो होती है लो वोल्टेज साइड एक होती है हाई वोल्टेज साइड जो लो वोल्टेज साइड होगा वो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा भाई उसमें इक्विपमेंट लगेगा लो वोल्टेज साइड इसमें इक्विपमेंट लगाया जाता है और हाई वोल्टेज साइड ओपन रखी जाती है यह लाइन यदि भूल गए दोनों नीचे वाली तो आपने पूरा पड़ा हुआ नाश हो गए सत्यानाश लास्ट वाली दो ध्यान रखना इसमें देखो भाई हाई वोल्टेज साइड हमेशा क्या रखेंगे ओपन रखेंगे और हमारे पास जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो जो हमेशा लो वोल्टेज की साइड में इक्विपमेंट यूज़ करेंगे अब आता है कि इसमें सर क्या यूज़ किया जाता है वाट मीटर वो वाट मीटर यूज़ करेंगे वो कैसा होगा तो जो वाट मीटर यूज़ करेंगे वो लो पावर फैक्टर का वाट मीटर होगा वाट मीटर कैसा होगा भाई लो पावर फैक्टर का वाट मीटर होगा इसमें उपयोग होने वाला लिख लेना मैं जितना लिख रहा हूं होने वाला वाट मीटर लो पावर फैक्टर का वाट मीटर होगा इसमें उपयोग होने वाला पावर फैक्टर क्या होगा भाई

ज्ञात की जाती है कोर हर्निंग यानी कि लो हर्निंग ज्ञात की जाती है दूसरा पूछा जाता है कि यहां पर ये करंट रेटेड होता है वोल्ट है तो आपको कहोगे ये वोल्ट है तथा तो फ्रिक्वेंसी रेटेड होता है ये करंट पर निर्भर नहीं करता है यानी कि यहां पर धारा की कोई शर्त कार्य नहीं करती है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी रेटेड होता है ये ध्यान रखना चलो लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए भाई इसके शॉट छत्तीसवा सवाल आपके सामने हैं कई विद्यार्थी बढ़ते बढ़ते थकने लगे अब इतने जल्दी क्या थकते हो भाई अभी तो शुरू हुई है नौ बजिए नौ बजते ही आप थके हो इतना जल्दी मत थको अभी तो हमने सौ सवाल करने पचास ही नहीं किए हैं टोटल कितने क्वेश्चन होंगे जी सौ सवाल होंगे लेकिन उसके बाद आपको कभी भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी ए, इसमें ट्रांसफॉर्मर टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्लियर है तो ट्रांसफॉर्मर पूरा भाग साथ मारा है आप समझते जाइएगा यह कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं ये वैसा टॉपिक है आप जानते हो कि जिसके हर परीक्षा में जो सवाल का वेटेज होता है पांच से आठ परसेंट सवाल है केवल इस चैप्टर से आ जाते हैं इलेक्शन के इतना अच्छा चैप्टर होता ही है अगला सवाल आ गया सैंतीस आपके सामने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्म पूर्ण भार भारत हानि किस परीक्षण से ज्ञात की जाती है यह तो बड़ा सिंपल सा सवाल हुआ आपको क्या क्या पूछा भाई पूर्ण भार भारि पूछिए किस तरीके से पूर्ण भार हानि ज्ञात की जाती है तो वो बताइए तो बताओ कि पूर्ण भार हानि किस प्रकार ज्ञात की जाती है पूर्ण भार हानि देखो यह जो परीक्षण है शॉर्ट सर्किट परीक्षण विधि है शॉर्ट सर्किट परीक्षण विधि शॉर्ट सर्किट परीक्षण विधि है यह तो यह हमारे पास लघु पतन परीक्षण विधि कहलाएगी जो ताम्र हानि ज्ञात करेगी इसमें यह लोड पर निर्भर करती है लोड पर निर्भर करती है यह अस्थिर प्रकार की हानि है कौन सी है भाई अस्थिर प्रकार की हानि है जो ताम्र हानि होती है किस प्रकार की हानि होती है तो अस्थिर प्रकार की हानि होती है यह हमारे पास वोल्टेज रेटेड होती है करंट रेटेड होती है तो आप क्या कहोगे यह करंट रेटेड है यह बहुत इंपॉर्टेंट यह करंट रेटेड है यह वोल्टेज रेटेड नहीं है यह करंट रेटेड है अब इसमें देखो कि जो आप अमीटर लगाओगे तो वो किस साइड लगाओगे हाई वोल्टेज की साइड और लो वोल्टेज साइड को क्या रखोगे शॉर्ट सर्किट तो लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट रखा जाता है लो वोल्टेज साइड को क्या रखते हैं शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज की साइड में अमीटर लगाया जाता है क्लियर है तो हाई वोल्टेज की साइड में क्या लगाया जाता है अमीटर लगाया जाता है लो वोल्टेज साइड को क्या रखते हैं शॉर्ट सर्किट रखते हैं जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा

तो थको मत भाई करो मेहनत थकने का नाम ही नहीं आना चाहिए कई विद्यार्थी थकने लग जाते हैं कई विद्यार्थी परीक्षा से घबराने लग जाते हैं जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते हैं ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी ढूंढ लेना अंधेरों में तो तो मंजिल अपनी जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते हैं तो प्यारे साथियों अपने हौसले मत टूटने दो और मस्त शानदार तरीके से पढ़िएगा ले लिया आपने स्क्रीन शॉट इसका लैपटॉप का ऐप नहीं है गुरुजी डायग्राम बनाकर समझाइए तो डायग्राम देखो अब इतना तो है नहीं पूरा डायग्राम इसमें कहां बढ़े हाई वोल्टेज की साइड में मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है कि इक्विपमेंट लगा देना कम वोल्टेज की साइड में हाई वोल्टेज मतलब जिधर ज्यादा टर्न है चाहे प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में जिधर ज्यादा टर्न है उधर आपको क्या लगाना है हाई वोल्टेज साइड में इक्विपमेंट लो वोल्टेज को क्या कर देना शॉर्ट सर्किट प्राइमरी सेकेंडरी की कंडीशन इसमें आती नहीं है जोधपुर में ये बुक कहाँ मिलेगी जोधपुर में कोई भी बुक डिपो पे जाओगे ये तो बुक मिल ही जाएगी आपको अड़तीसवा सवाल थर्टी एट नंबर सवाल ट्रांसफॉर्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय निम्न में से कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट हो जाती है ध्यान से समझो सवाल ट्रांसफॉर्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय निम्न में से कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट हो जाती है देखो कि यहां पर शॉर्ट सर्किट मैं दोनों कंडीशन बताऊं शॉर्ट सर्किट की बता देता हूं अभी तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण अभी तो मैंने बताया था तो यहां पर आपके पास दो साइड होती है एक होती है लो वोल्टेज एक होती है हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज की साइड में क्या लगाओगे अमीटर लगाया जाता है अमीटर का मतलब होता है इक्विपमेंट लगाया हाई वोल्टेज इसको शॉर्ट करते हैं इसको शॉर्ट किया जाता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये ध्यान से रखना भाई। तो आपको पूछा ट्रांसफॉर्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट की जाती है कौन सी होती है भाई? लो वोल्टेज। तो कम वोल्टेज का पक्ष होता है उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो यहां पर ऑप्शन होगा हमारे पास अड़तीसवे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई अड़तीसवे का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ध्यान से देख लीजिएगा भाई अड़तीसवे का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दिमाग स्लो चल रहा है बादाम खाया करो भाई दिमाग ठंडा रहेगा तो क्या है कि आपका दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ेगा तो फिर आप इसमें तेज चलने लग जाएगा छत्तीस में कौन सही है छत्तीस में क्या सवाल रहेगा जो कौन ही की कंडीशन आ गई भी ओपन सर्किट परीक्षण प्राप्त करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है सारा बता दिया ओपन सर्किट परीक्षण में हमारे पास हम कौन सी हानि ज्ञात करते हैं इस तिरहानी इस तरह हानि कोर लॉस यानी लो, लो हानि ज्ञात करते हैं तो हमारे पास कोर हानि ऑप्शन है ना बी और सी तो ये थोड़ी है बी और डी तो दिया हुआ है नहीं ना तो हमारे पास कोर हानि आएगा क्या बात करते हो आप बीच में सवाल इतना सबको समझाने बाद में आपको तो गुरु जी उत्तर तो बता दो अरे सब बता दिया आपको चलो ठीक है भाई अड़तीसवा उनचालीसवा सवाल आपके सामने वापस उनचालीसवें सवाल को सोल्व कीजिएगा देखो भाई जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार शेयर कर दो सभी के साथ बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है आपको भी मजा आना चाहिए और जब परीक्षा आएगी ना तो आप पढ़ने के लिए बेताब होंगे अभी आपको परीक्षा की डेढ़ नहीं है इसलिए इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है लेकिन उस समय तो सारे फिक्र करेंगे आप कैसे आगे निकलेंगे आप अभी से पढ़ोगे तो आगे निकलोगे ना तो मेहनत कीजिएगा मेहनत से मत घबराओ ये ध्यान रखो साथ ही मेहनत करना शुरू करो एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोइल के लिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और यह जो पूछा है ये उपकरण यानी इक्विपमेंट के हिसाब से पूछा है यह सवाल इक्विपमेंट की दृष्टि से पूछा है तो देखो कि ओपन सर्किट परीक्षण विधि ओपन सर्किट परीक्षण विधि जो होती है एक तो ये होती है ओपन सर्किट और दूसरी जो होती है वो शॉर्ट सर्किट परीक्षण विधि है। शॉर्ट सर्किट में तो आपको पता चल गया है कि जो लो वोल्टेज होगा उसको क्या कर देना है शॉर्ट कर देना है हाई वोल्टेज जो होता है उधर इक्विपमेंट लगा देना है उपकरण लगा देना है, ठीक है यहां पर लो वोल्टेज होगा तो वहां क्या लगेगा इक्विपमेंट लगेगा और हाई वोल्टेज को क्या रखोगे ओपन कर दोगे हाई वोल्टेज को क्या रखोगे ओपन ये बात आपको ध्यान रखना हाई वोल्टेज को क्या करना है ओपन सर्किट परीक्षण में ओपन कर देना भाई ये ध्यान रखना क्लियर अब देख लो आंसर अभी भी आंसर नहीं बता सकते तो जबरदस्ती का आंसर आपसे कैसे निकलवाएं एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कोयल के लिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट परीक्षण हेतु कौन सा सत्य है ओपन सर्किट के लिए हमारे पास देखो क्या है कम वोल्टेज में इक्विपमेंट लगाना है शॉर्ट सर्किट के लिए हाई वोल्टेज में ओपन सर्किट परीक्षण के लिए कम वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए उच्च वोल्टेज में इक्विपमेंट लगाना तो डी ऑप्शन करेक्ट आएगा भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखना तो आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आएगा तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है साथियों सबको करंट क्या होता है जो करंट हम जिसके अनुसार दे सकते हैं दो यहां है पांच एंपेर आठ एंपेर दस यहां चेंज कर सकते हो रेटेड करंट हो जाती है अगला है चालीसवा सवाल भाई निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणाम मित्रों की आवश्यकता होगी बड़ा शानदार सवाल है समान परिणाम मित्रों की जिसमें आवश्यकता होती है कौन सा है जल्दी से आंसर दीजिएगा वेरी हैप्पी है है बर्थडे थैंक यू जी थैंक यू सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जन्मदिन तभी अच्छे से मनेगा जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे और आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपना दिल खुश है आराम से रात को नींद आ जाती है कोई दिक्कत नहीं है जितने ज्यादा विद्यार्थी कोटिले से सेलेक्ट होते हैं उतने ही ज्यादा हमें सुकून मिलता है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जितने भी विद्यार्थी हो से सब सेलेक्ट हो जाएं कोई भी पीछे नहीं बचना चाहिए इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है हमसे प्रेरित होकर तुम भी मेहनत कीजिएगा और हम आपके लिए मेहनत करें आपके सामने खड़े हैं तो आप मेहनत कीजिएगा और जो नीचे सोते सोते पढ़ रहे ना वो बैठे हो जाइए भाई मैं खड़े खड़े पढ़ा रहा हूँ कम से कम बैठे रहो उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको निम्न में से कौन से परीक्षणों को दो समान परिणाम मित्रों की आवश्यकता होती है तो उसका आंसर होता है ना आंसर है बैक टू बैक परीक्षण अब मैं आपको समझा देता हूं बैक टू बैक परीक्षण ताकि आपको दिक्कत नहीं हो इससे संबंधित कोई दूसरे सवाल आए तो उसको भी आप सोल्व कर सको सबसे पहली बात बैक टू बैक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है इससे सपनर परीक्षण भी कहते हैं क्या कहते हैं सपनर परीक्षण इसे सपनर परीक्षण भी कहते हैं कौन सा परीक्षण कहते हैं भाई इसे सपनर परीक्षण कहते हैं दूसरी कंडीशन क्या होती है दूसरी कंडीशन इसमें देखो इंपॉर्टेंट इसमें जो ट्रांसफॉर्मर बेक टू बेक का मतलब दो हो गया इसमें दो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है लिए जाते हैं दो ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं और दोनों समान होने चाहिए दोनों समान होने चाहिए अभी इसका अर्थ क्या हो गया समान का मतलब हर दृष्टिकोण से समान होने चाहिए उनका आकार समान होना चाहिए आवर्ती समान होना चाहिए वोल्टेज समान होना चाहिए केविय समान होना चाहिए हर एक तरीके से ये क्या होना चाहिए समान होना चाहिए अब दोनों की प्राइमरी जो होती है वो किस कैसे जोड़ी जाती है दोनों की प्राइमरी वाइंडिंग दोनों की प्राइमरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कौन से क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोनों की प्राइमरी को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है आपके क्योंकि दोनों की प्राइमरी को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए और यदि हम दोनों की जो द्वित होती है उनको कैसे जोड़ते हैं तो दोनों की द्वितीय को सीरीज में जोड़ते हैं लेकिन प्राइमरी को कैसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में यह ध्यान रखना भाई प्राइमरी को समांतर क्रम में और दोनों की सेकेंडरी को दोनों की द्वितीय को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और हो जाती है जोड़ा जाता है परंतु इनकी ध्रुवता ध्रुवता आपस में विपरीत होती है

तापमान वर्दी को मापने में कहा किया जाता है भाई तापमान वर्दी को मापने में और दक्षता को मापने में और दक्षता में तापमान वर्दी और दक्षता मापने में इसका उपयोग किया जाता है किस में उपयोग किया जाता है तापमान में और दक्षता मापने में इसका उपयोग किया जाता है सर मेरा नाम लीजिए गोलू बाबू आपका नाम है भाई ठीक है भाई तो बैक टू बैक परीक्षण के बारे में वापस एक बार समझ सारा रिवाइज कर देता हूं Back -back परीक्षण कौन सा होता है इसका दूसरा नाम सपनर परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है? दो का मतलब क्या होता है आकार साइज सब समान होना चाहिए और अगली कंडीशन है इसकी प्राइमरी कैसे जुड़ेगी समान क्रम में सेकेंडरी कैसे जुड़ेगी श्रेणी क्रम में लेकिन सेकेंडरी में श्रेणी क्रम द्रुता क्या होनी चाहिए विपरीत दिशा में होनी चाहिए इसका उपयोग किस लिए किया जाता है तो ध्यान रखना इसका उपयोग तापमान वृद्धि और दक्षता के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसको भूलना नहीं है शानदार तरीके से देख लो ये वीडियो youtube पर रिकॉर्ड रहेगी क्या बिल्कुल रहने के चांसेस हैं लेकिन लाइव पढ़ने का मजा लीजिए बाद में रहे नहीं रहे क्यों भरोसे रहे अभी का जो जागत है वो पावत है जो सौवत है वो खोवत है तो आप जागते रहो तो आपको प्राप्त हो जाएगा जो गए जो सोवत है वो खोवत है जो जागत है वो पावत है तो जागते रहो पढ़ते रहो प्राप्त होता जाएगा ठीक है भाई सर बड़ा तथा स्पष्ट लिखे हैं स्पष्ट है एक एक लाइन बोल बोल के लिखी है और फिर मैं ज़्यादा स्पष्ट लिखूँगा तो आराम से लिखूँगा फिर आप कहोगे, और सर आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है लेकिन वो तो लगना ही है टाइम जो लगना है ओके okay. चलो अब की बार आराम से लिखेंगे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे ठीक है भाई सर जी पढ़े मज़ा आ रहा है बहुत बढ़िया राम के नहीं जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना ऑफलाइन क्लास अभी कहाँ अभी तो हम ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिएगा चालीसवा सवाल हो गया अभी अगला करते हैं तो इसका तो बैक टू बैक प्रश्न आ गया ना उत्तर सवाल है सपनर परीक्षण में एक परिणाम मित्र की के में कुल वोल्टेज कितनी होती है सेम का सेम हो गया तो बिल्कुल ठीक बात है एक परिणाम मित्र की आप कौन सा पूछा प्राथमिक द्वितीय द्वित पूछा है तो बताओ द्वित कैसे जुड़े होते हैं तो आप क्योंकि द्वितीय साहब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो मान जुड़े मान जुड़ेगा कि घटेगा तो ये डिपेंड करेगा पॉलिटी पर तो यानी पॉलिटी का मतलब क्या हो गया दुरुता तो इनकी दुरुता क्या होती है दुरुता विपरीत होती है जब दुरुता विपरीत होती है तो कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा तो कुल वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा शून्य क्योंकि दुरुता विपरीत होगी तो कुल वोल्टेज शून्य जैसे एक यहाँ पर है पाँच तो वोल्ट ऐसे और एक है पाँच वोल्ट ऐसे कुल बताओ इसमें भी कितना आएगा जीरो वोल्ट आएगा दूरता विपरीत होगी तो ये एक दूसरे को काट देगा ये ध्यान रखना भाई वेस्ट बंगाल में वो कहां मिलेगा पता नहीं वेस्ट बंगाल में कहाँ मिलेगा ऑनलाइन मिल रही है ऑर्डर कर लीजिए आपके घर पे देने आ जाएगा वो फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न पर क्लियर है 41 नंबर सवाल आ गया समझ में पूरा 42 टू देखिए ट्रांसफॉर्मर की घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवता को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है ट्रांसफॉर्मर की घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवता को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है ध्रुवता को निर्धारित करना है तो किसके द्वारा होगा ध्रुवता होगी द्रव्यता दुरु परीक्षण के द्वारा गुमाव दर सापेक्ष दूरता किसके द्वारा निर्धारित होगी दुर्ता परीक्षण के द्वारा निर्धारित होगी ट्रांसफॉर्मर में परीक्षण कौन से कौन से होते हैं यह देख लीजिए मैं एक आराम से बता देता हूं ट्रांसफॉर्मर परीक्षण ट्रांसफॉर्मर में कौन से परीक्षण होते हैं एक तो होता है हमारे पास द्रवता परीक्षण एक कौन सा परीक्षण होता है द्रोता परीक्षण ध्रता परीक्षण होता है तो यह क्या करता है इसके द्वारा केवल ध्रुवता ज्ञात की जाती है एक हमारे पास होता है बैक टू बेक परीक्षण अभी मैंने डिटेल भी बताई थी बैक टू बैक बेक टू बैक इसके लिए होता है भाई तापमान में वर्दी तथा दक्षता इन दोनों को जांचने के लिए क्या है? कौन सा परीक्षण किया जाता है बैक टू बैक परीक्षण किया जाता है तीसरा हमार हमारे पास क्या होता है ताम्र हानि परीक्षण और चौथा हमारे पास क्या होता है भाई लोहा हानि परीक्षण ताम्र हानि परीक्षण और लोहा हानि परीक्षण जैसे लोहा हानि परीक्षण जो होता है यानी लोहा हानि परीक्षण लो ताम्र हानि परीक्षण का दूसरा नाम हम क्या कहेंगे भाई शॉर्ट सर्किट परीक्षण कहते हैं इसको शॉर्ट सर्किट परीक्षण और ये हो गया ओपन सर्किट परीक्षण ओपन सर्किट परीक्षण में हम क्या ज्ञात करते हैं लो हानि और शॉर्ट सर्किट करते हैं ताम्र हानि ज्ञात करते हैं और इन दोनों को मिलाकर हम क्या ज्ञात की जाती है दक्षता इन दोनों का उपयोग दक्षता जांचने के लिए किया जाता है यानी कि दक्षता ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता ये है ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के अंतर्गत होने वाली हानियाँ हैं क्लियर है कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार का आराम से सवाल हो रहा है और आराम से सवाल को हल करते जाइएगा हैप्पी बर्थडे गुरुदेव धन्यवाद चाय पी लीजिए गंगानगर वालों की बिल्कुल पियेंगे भाई गंगानगर वालों की जब गंगानगर वाले सफल हो जाएंगे और हमें बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे और चाय भी पी पियेंगे तो इसलिए पढ़ते रहिए पढ़ने का आनंद उठाइए नौकरी लीजिए क्योंकि नौकरी बहुत प्यारी चीज है आप जानते हो ग्रामीण परिवेश हो तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम मित्रों का नियमित परीक्षण नहीं है परिणाम मित्रों का कौन सा परीक्षण नहीं है भाई नियमित परीक्षण नहीं है ये बताइए भाई हाँ तो ट्रांसफॉर्मर की जड़ निकाल दी आज सारा निकाल देंगे पूरा बाहर निकाल देंगे ट्रांसफॉर्मर को क्रोड रोदन वोल्ड का परीक्षण ये तो होता है प्रतिबाधा परीक्षण भी करते हैं दूरता भी करते हैं कंटिन्यूटी करते हैं ये परीक्षण हम नहीं करते हैं तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है तो हमने क्या पूछा है भाई क्या पूछा कौन सा परीक्षण नहीं किया जाता तो आप क्योंकि सी रेडियो व्यतीकरण परीक्षण हमारे इसमें कोई भी परीक्षण नहीं होता है तो रेडियो व्यतीकरण परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं स्विन टेस्ट मोटर में होता है यहाँ नहीं होता है भाई कितने जने जा रहे हो भाई चारा लेने काफी देर से दो तीन भी लड़के हैं, चारा लेने जा रहे हैं ओके okay. तो ये हो गया रेडियो व्यतीकरण परीक्षण ट्रांसफॉर्म में सौर स्तर परीक्षण क्या होता है सौर स्तर परीक्षण का मतलब है कि वहाँ पर हमारे पास नोइज कितनी होती है और इसके नोइज़ के लेवल को जांचना होता है शोर स्तर का मतलब ये होता है और इस परीक्षण को हम कहते हैं नमूना परीक्षण के नाम से जानते हैं किस परीक्षण के नाम से जानते हैं नमूना परीक्षण और यहाँ पर जो शोर होता है वो आवाज़ की क्या होती है हम हम आवाज़ होती है हमिंग तो हमिंग जो होती है वो इस प्रकार की आवाज होती है तो इसकी जांचने के लिए हम करते क्या करते हैं नमूना परीक्षण विधि का काम है, लेते हैं ये हमारे पास वाइंडिंग डिली होने के कारण भी इस प्रकार का शोर होता है अगला सवाल करते हैं 45 नंबर सवाल एक ट्रांसफॉर्मर की दक्षता किनके बीच होती है बड़ा शानदार सवाल हो गया आप इसका उत्तर जानते हो लेकिन हम सारा कंडीशन बताएंगे उत्तर तो आप हर कोई बताएगा सर 90 से अंठानवे प्रतिशत होती है बिल्कुल सही बात है आप मुझे बताओ ट्रांसफॉर्मर कोई घूमने गुण, वाला भाग है क्या तो बिल्कुल नहीं है ट्रांसफॉर्मर में कोई भी कुर्णी भाग नहीं होता ट्रांसफॉर्मर में कोई भी घूर्णी भाग नहीं होता है जब घूर्णी भाग नहीं है तो इसमें घर्षण हानि नहीं है इसमें घर्षण हानि नहीं होती है जब इसमें घर्षण हानि नहीं होती तो ओनली कौन से आते हैं? दो हानि होती है एक तो कॉपर लॉस होती है दूसरे आयरन लॉस होती है तो घर्षण हानि नहीं है फ्रिक्शन लॉस नहीं है तो दक्षता क्या होगी उच्च होगी दक्षता उच्च होती है तो इसकी सामान्यतः दक्षता कितनी होती है नब्बे परसेंट से अंठानवे परसेंट होती है यदि ट्रांसफॉर्मर आदर्श है तो दक्षता बताइए तो आपके कहोगे ट्रांसफॉर्म आदर्श है तो उसकी दक्षता 100 प्रतिशत होती है आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितने परसेंट होती है 100 परसेंट बाकी इसकी क्या होगी नब्बे परसेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई ए ऑप्शन जल्दी से नोट कर लीजिए और इसको या फिर स्क्रीन ले लीजिएगा एक एक चीज आपको बता दी गई है भाई जल्दी से यह कार्य कीजिएगा मोटर और जनरेटर की भी लगा दी पहले ट्रांसफार्मर तो पूरा करो बिल्कुल शुभम कोहली चलो ठीक हो गया भाई पैंतालीस है नब्बे से अंठानवे प्रतिशत होती है अगला देखिए ध्यान से अगला आगे छियालीस नंबर सवाल इसको ध्यान से देखिएगा आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता से अधिक होनी चाहिए दिए गए ऑप्शन की हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए हंड्रेड परसेंट ऑप्शन है क्या नहीं है तो पूछा किससे अधिक होनी चाहिए तो जो ज्यादा से ज्यादा उससे अधिक होनी चाहिए अंठानवे यदि ऑप्शन में, में निन्यानवे होता तो मैं यह भी कहता निन्यानवे अधिक होनी चाहिए ऑप्शन सो होता तो सबसे पहले मैं सो ही करता सौ से ज्यादा नहीं होता लेकिन सो कितनी होनी चाहिए तो सौ परसेंट तक होनी चाहिए किससे अधिक होनी चाहिए तो जो अधिकतम ऑप्शन है उससे ज्यादा ही होनी चाहिए सौ परसेंट तक होनी चाहिए अब देखिए कि यहां पर आदर्श ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन क्या है सवाल आया हुआ यूपीपीसीएल का सवाल है ये, ये देखो वैसे हंड्रेड परसेंट होती है लेकिन इसलिए मुझे मैंने दिखा दिया ताकि आपको पता रहे <coughs> सवाल आता है सबसे पहली बात आदर्श ट्रांसफॉर्मर आदर्श ट्रांसफॉर्मर तो में क्या होता है वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है भाई हमारे पास आप बताइए जल्दी से पहली कंडीशन वाइंडिंग का प्रतिरोध तो आप कहोगे पहली बात तो यह है कि वाइंडिंग का प्रतिरोध शून्य है वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है शून्य होता है प्रतिरोध शून्य होने का मतलब यहां पर हमारे पास कॉपर लॉस है ही नहीं अब देखो कि कोर हानि होती है कि नहीं होती है कोर हानि भी क्या होनी चाहिए शून्य होनी चाहिए तो कोर हानि शून्य तभी होगी जब उसके रिलेक्टेंस का मान शून्य होगा कोर रिलेक्टेंस का मान भी क्या चाहिए शून्य हो कोर रिलेक्टेंस का मान भी क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए और कोर की पारगम्यता यानी कि चुंबकशीलता यानी कि परमियाबिलिटी क्या होनी चाहिए अनंत होनी चाहिए कोर की पार यानी परमिटी अनंत होनी चाहिए तो आपके पास ने तो आयरन लॉस हुआ ने कॉपर लॉस हुआ तो कोई लॉस नहीं है तो इसकी दक्षता क्या होगी अधिकतम होगी तो इसका पहली एक लाइन ये भी लिख देते हैं कि इसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस इसमें आयरन लॉस तथा कॉपर लॉस शून्य होता है आयरन लॉस और कॉपर लॉस क्या होता है शून्य होता है देखो ध्यान से कोर शून्य होने का मतलब है कि हमारे पास आयरन लॉस शून्य हो गया और यहां देखो वाइंडिंग का प्रतिरोध शून्य होने का मतलब कॉपर लॉस भी क्या हो गया शून्य हो गया अब एक जब वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो उसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या आएगा वो भी शून्य आएगा ध्यान रखना वोल्टेज रेगुलेशन का मान शून्य होता है और वो ध्यान ही रखना दक्षता कितने परसेंट होती है हंड्रेड परसेंट ये है पूरे आदर्श ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन इन सभी कारणों के कारण इसकी दक्षता कितने परसेंट होती है हंड्रेड हंड्रेड परसेंट होती है भाई जल्दी से कर लीजिएगा नोट इसको जल्दी जल्दी नोट करो भाई ट्रांसफर आदर्श हो ही नहीं सकता आदर्श तो कुछ भी नहीं हो सकता आदर्श तो कुछ भी नहीं होता हर एक में कोई ना कोई कमी होती है क्योंकि कोई भी आप नहीं काम लोगे प्रतिरोध शून्य हो सकता है क्या नहीं हो सकता कुछ ना कुछ, कुछ हम बिल्कुल कम हो लेकिन प्रतिरोध होगा लेकिन यदि आदर्श हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए यह होनी चाहिए आदर्श हो तो यह कंडीशन होनी चाहिए चूरू वालों की तरफ से हैप्पी बर्थडे है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई बिल्कुल सबको पता है हंड्रेड परसेंट है किसी की नहीं होती ये तो सब जानते हैं ये तो बात तो ये जाननी है इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है शून्य होता है इसमें आयरन लॉस क्या होता है शून्य कॉपर लॉस क्या होता है शून्य आयरन लॉस शून्य कैसे होगा कै? चुंबकीय का मान हमारे पास ए, क्या होना चाहिए शून्य पार्ग में अनंत होनी चाहिए और वाइंडिंग का प्रतिरोध शून्य होगा तो हमारे पास कॉपर लॉस शून्य होगा ये कंडीशन जाननी थी ताकि परीक्षा हम दूसरे आने वाले सवालों को सोल्व कर सको इसकी छोड़ दे लिया वोल्टेज रेगुलेशन सूत्र टेंशन मत लो सब आएगा अभी वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र भी आएगा चिंता मत करो भाई क्लियर हो गया चलो अब करते हैं अगला सवाल ये रहा आपके पास आपके पास सवाल रहा है सैंतालीस नंबर इसको सोल्व कीजिए एक ट्रांसफॉर्मर में नियमित दक्षता किस पर निर्भर करती है एक ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें नियमित दक्षता होती है किसके ऊपर निर्भर करती है यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन है वो हम सॉरी दक्षता वो किसके ऊपर निर्भर करती है बता सकते हो आप ध्यान से आप जानते हो कि एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है भाई आउटपुट बटा इनपुट प्रतिशत में निकालो तो अगला इनटू हंड्रेड परसेंट कर दो आउटपुट तो है ही हमारे पास इनपुट को मैं क्या लिख दूं भाई इनपुट हमारे पास क्या आ जाता है आउटपुट प्लस लोस इनपुट प्लस लॉस आ जाएगा आउटपुट हमारे पास क्या आएगा इनपुट प्लस लॉस आ जाएगा आउटपुट हमारे पास क्या आएगा भाई वी आई कोस है आया तो यहाँ पर आउटपुट क्या लिख दूँ वी आई कोस फाइव लॉस हमारे पास क्या आएगा भाई एक कॉपर लॉस आया प्लस एक आयरन लॉस आया इनटू कितना हो गया भाई सौ परसेंट दक्षता का सूत्र होगा अब आपको पूछा है ट्रांसफॉर्मर नियमित दक्षता किस पर निर्भर करती है ध्यान से रखिए आपूर्ति वोल्टेज पर निर्भर कर रही है क्या वोल्टेज पर पर बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर रही है पर बिल्कुल है भार धारा क्योंकि करंट पर निर्भर करती है तो लोड करंट पर निर्भर करती है भार धारा पर बिल्कुल सही बात है लोड के पावर फैक्टर पर आया बिल्कुल इसके ऊपर भी करती है तो क्या बी व सी दोनों तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा भाई डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगा जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत सारे विद्यार्थी आप कमेंट करते करते रुके जल्दी से कमेंट कीजिएगा और कुछ नहीं करो तो थम्स अप कर दीजिएगा बहुत शानदार पढ़ने मजा आ रहा है प्लीज प्रोवाइड द पीडीएफ संतोष पुरिया आप लेट आए मैंने बता दिया पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी जो कोटिले क्लास का टेलीग्राम चैनल होगा और जो उसके ऊपर पी पीडीएफ मिलेगी नीचे लिंक भी दिया हुआ है आप जिस प्रकार टेलीग्राम चैनल पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं वहां पर मिलेगी क्लास खत्म होने के बाद में ध्यान रखना भाई तो यह ध्यान से सॉल्व कीजिएगा भाई अब देखो अगला सवाल आपके सामने ये है इस सवाल को आपको देखना है ध्यान से कि दिए गए भार के लिए प्रेरणा मित्र की पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्य दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्य दक्षता के संबंध में आपको पूछा है कि बताइए इनमें से इनके संबंध में कौन सी बात है जो सत्य है देखो कि आपको बड़े तरीके से पढ़ना है ध्यान से रखना है ये नहीं है कि हमें जैसे मान लो कि हम तो बाद में पढ़ लेंगे या फिर हमें कोई पुलिस में नौकरी कर रहे हैं तो हम यूपीपीसील टी जी टू यूपी पी एसीएल टेक्नीशियन अब की बार तो ग्रेड पे अच्छा वाला है तो उसकी नौकरी क्यों करें तो इस प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपको पढ़ना है शानदार तरीके से मेहनत करनी है और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है तो ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ भी बन जाओ तो आपको अपने जमीन से नहीं छोड़ना छोड़ना है ज़मीन से पकड़े रहना है यानी कि आप जमीन के टच में रहें आप गांव के टच में रहें आप परिवार के टच में रहें कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर थोड़ा कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो आपने आस पड़ोसों से बात करना ही कम कर देता है यानी बात ही कम करता है तो इस प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए और न आपको कभी भी किसी भी हौसलों से हारना है तो ध्यान रखना है कि जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख सुल्तान भी बन जाए तो फकीर जिंदा रख जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख सुल्तान भी बन जाए तो फकीर जिंदा रख हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख ये बात आप ध्यान रखना इस बात को आपको नहीं भूलना है ठीक है भाई क्यों इंग्लिश में अभी तो मैं दे नहीं सकता ये तो क्वेश्चन इसी में रहेंगे वैभव चंद्र और आगे वाले क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे जब अगली कोई क्लास होगी मैराथन तब उस समय हम देखेंगे ये तो क्वेश्चन फिक्स हैं जो इसमें अपलोड हो गए हैं बोर्ड के ऊपर दिए गए भार के लिए परिणाम मित्र की पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्य दक्षता के संबंध में कौन सा विकल्प सही है पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्य दक्षता वाणिज्य दक्षता तो मैंने अभी आपको बताई थी वो है वाणिज्य दक्षता और पूर्ण दिवस दक्षता क्या होती है भाई पूर्ण दिवस दक्षता डब्ल्यू एच आउटपुट बटा के डब्लू एच इनपुट इन सो चौबीस घंटे में ली गई औसत तो हमेशा ध्यान रखना पूर्ण दिवस दक्षता का मान हमेशा कम होगा तो इसका मान हमेशा क्या होता है भाई कम होता है तो पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्य दक्षता से अधिक होती है सदैव क्या होती है कम होती है क्यों कम होती है इसका कारण ध्यान से रखना कि वाणिज्य दक्षता तो जब आप अप्लाई करो लोड चालू है तब वाणिज्य दक्षता ली जाती है जब लोड नहीं भी लगा हुआ है तो भी आप जानते हो कि कोर लॉस तो होता है लोहनित होती है चौबीस घंटे के अंदर दक्षता लोगे तो लोड नहीं भी कनेक्ट है तो भी हमारे पास लोहा हानित होगी तो यहाँ हानि ज्यादा है इस कारण इसमें दक्षता क्या रहेगी कम रहेगी तो पूर्ण दिवस दक्षता हमेशा वाणिज्य दक्षता से हमेशा क्या होती है कम होती है बात ध्यान रखना सर आपसे मिलना है तो बिल्कुल हम जोधपुर में विराजमान रहते हैं आप जरूर आइएगा मिलने अप्रेंट करता हूं सर ड्यूटी जाना बिल्कुल ड्यूटी जाइएगा अगला सवाल देखो ट्रांसफॉर्मर की का नियमन जिसने सवाल पूछा सर वोल्टेज रेगुलेशन तो वोल्टेज रेगुलेशन अगर वोल्टेज रेगुलेशन की पूरी डिटेल भी देख लेते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन ध्यान से रखना कि यहां पर हमारे पास नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू सो होता है भाई फॉर्मूला ये होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड तो ये जो फुल लोड है अपॉन में क्या है फुल लोड अब देख लो E2 टू माइनस वी टू अपॉन वी टू आएगा V2 टू माइनस इपोन ई टू देखो यहां यहां मैच नहीं हुआ गलत हो गया ये करेक्ट है बाकी देखो कोई सा भी नहीं ये भी गलत हो गया बाकी सब गलत है तो कौन सा ऑप्शन है भाई बी ऑप्शन है V2 टू माइनस ई टू अपॉन ई टू तो दिए गए पर्सन के अंतर्गत V2 हमारे पास क्या आया भाई नो लोड आया और E2 हमारे पास क्या आ गया भाई ये हमारे पास फुल लोड है तो ये इस प्रकार है तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन का वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी युक्ति जो होती है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए कम होना चाहिए पहली बात लिख लेना किसी भी युक्ति का वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जो हमारे पास आदर्श ट्रांसफॉर्मर होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है शून्य होता है जो मैंने पहले बताया भी था आदर्श ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है आदर्श ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है भाई होता है और वोल्टेज नियमन जो न्यूनतम मान है वो ट्रांसफॉर्मर के लीडिंग शक्ति गुणांक पर होगा वोल्टेज रेगुलेशन का निम्नतम मान लीडिंग ये जो निम्न निम्नतम मान होता है वो लीडिंग शक्ति गुणांक पर मिलता है भाई कहाँ मिलेगा भाई लीडिंग शक्ति गुणांक पर और वोल्टेज रेगुलेशन का अधिकतम मान है वो लेगिंग शक्ति गुणांक पर मिलता है लेगिंग शक्ति गुणांक पर मिलता है कहा मिलता है भाई? लेगिंग पर मिलता है जबकि हमारे पास वो लीडिंग शक्ति गुणा पर मिलता है तो वोल्टेज रेगुलेशन का निम्नतम मान है लीडिंग शक्ति गुणाक पर और अधिकतम मान है वो लेगिंग शक्ति गुणा पर मिलता है इस बात को आपको ध्यान रखना भाई तो ये वोल्टेज रेगुलेशन हम उत्तर प्रदेश हैं अयोध्या जिले से हैं नौकरी मिलने के बाद आपसे जरूर मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल भाई राज कपूर यादव तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में आपको पता चल गया वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में सारी डिटेल आपने देख ली है कि किसी भी युक्ति का वोल्टेज नियमन हमेशा क्या होना होना चाहिए चाहिए कम आदर्श का क्या होता है शून्य होता है जब हमारे पास का नियमन न्यूनतम मान होता है वो लीडिंग शक्ति गुणा पर प्राप्त होगा और अधिकतम तो मान होगा वो लेगिंग शक्ति गुणा पर प्राप्त होगा इस बात को भी आप ध्यान से नोट कर लेना क्लियर है साथियों अगला करें स्टार्ट नेक्स्ट आता है अगला पचास सवाल आएगा यानी कि हम फिफ्टी सर फोन पर खाता नहीं खुला हुआ है अगर कोर्स खरीदूं तो आपको पेमेंट कैसे करूं इन नंबरों पर बात कीजिए वो बताएंगे आपको भाई जो नंबर आपको नीचे दिख रहे हैं सेवन सिक्स सिक्स फाइव वाले तो आपको बता देंगे आपकी उसमें मदद कर देंगे कार्ड से किस प्रकार पेमेंट करना है वो बता देंगे आपको फोन पर खाता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना है एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज रेगुलेशन जीरो सौ परसेंट अनंत आदर्श ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन अभी अभी मैंने बता दिया है हेल्पर में तो ऑप्शन माना गया सर क्या हो पिछले पिछले में के हेल्पर क्या आ गया नहीं नहीं यही है भाई नो लोड फुल लोड सही है करेक्ट है इसमें कोई चेंजेस नहीं है आदर्श ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है भाई? अभी-अभी मैंने मैंने बताया था जीरो। पांडे आपका नाम बोल दिया भाई। लखनलाल हम अल्द जिले से मेरी टेक्निक हेल्पर में जॉब लग जाएगी तो मैं गिफ्ट लेकर जरूर आऊंगा बहुत बढ़िया भाई हमें इंतजार रहेगा जीरो परसेंट हमें इंतजार है आप सबकी जॉब लगे और हम ये आशा करते हैं चलो ठीक है भाई इक्कावन नंबर सवाल अभी देखो हमारा आ, आते सवाल हुए हमने हैं हमने सवाल कर लिए तकरीबन घंटे का समय होने वाला है और पचास सवाल ऑल करने हैं तो लगभग लगभग पांच एक घंटे की टोटल क्लास होगी पांच से छह घंटे के बीच में तो बने रहिएगा दो ढाई घंटे और पढ़ना है पढ़ते हैं हम दो ढाई घंटे और इक्कावन सवाल कोर टाइप ट्रांसफॉर्मे दो उधरा मेंबर्स क्या कहे जाते हैं जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें दो उद्राकर मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को क्या कहा जाता है लिंब कहा जाता है क्या कहा जाता है लिंब कहा जाता है अब ध्यान से करिएगा सवाल को सॉल्व सौ, ध्यान से मैं आपको देखूं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर पूरा बता रहा हूं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर के आधार पर यदि ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण करते हैं तो तीन प्रकार से होता है कोर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर क्रोड के आधार पर कितने प्रकार से होता है तीन प्रकार के एक तो कोर टाइप दूसरा सेल टाइप तीसरा बेरी टाइप तो मैं अभी आपको कौन सा बता रहा हूं पहला बता रहा हूं कोर टाइप तो कोर टाइप में क्या होता है इसमें वाइंडिंग ढकी हुई रहती है या खुल रहती है तो इसमें वाइंडिंग के ये जो कोर होती है वो वाइंडिंग के द्वारा ढकी रहती है एक मिनट कोर वाइंडिंग के द्वारा क्या रहती है भाई कोर है जो वाइंडिंग के द्वारा ढकी रहती है अब देखो कोर वाइंडिंग के द्वारा ढकी रहती है तो यहां पर लोस सेज तो होते ही है इस कारण इसमें कोर लॉस सेज क्या होता है ज्यादा होता है और आयरन लॉस क्या होता है कम होता है सॉरी इसमें जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो होता है उसमें कोर लॉस कम होता है इसमें कोर लॉस क्या होता है ज्यादा होता है क्योंकि कोर लॉस वाइंडिंग द्वारा ढकी रहती है इसमें कोर लॉस अधिक होता है अब होता है कि सब इसका आकार के तौर कैसे होता है तो देखिएगा ध्यान से एक-एक पॉइंट में थोड़ा जल्दी से लिख देता हूं इसका आकार हमारे पास एल होता है कैसे कि ये देखो कि ये एल है ये एल है अब इनको जोड़ दो ये बन गया लिंब कितने हैं दो हैं, तो ये प्राइमरी ये हमारे पास क्या हो गया सेकेंडरी हो गया और यहां पर चुंबकीय पाथ कितना होता है केवल एक होता है इसमें केवल एक चुंबकीय के पाथ होता है इसलिए लीकेज सबसे अधिक होता है लीकेज अधिक होता, होता, होता है तो हानि ज्यादा होती है ना इसमें लीकेज क्या होता है भाई ज्यादा होता है लीकेज ज्यादा क्यों होता है क्योंकि हमारे पास एक चुंबकीय के पात है एक चुंबकीय के पात है तो लीकेज हमारे पास क्या आएगा ज्यादा आएगा और इसमें अब लिंब कितने हैं? देख लो इसमें दो लिंब होते हैं कई होते हैं सर लिंब किसे कहते हैं जो वर्टिकल है ना उध्र दर जो आपको दिख रहे हैं उसे लिंब कहते हैं उध्र जो दिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं लिंब कहते हैं तो ये इसको नोट कीजिए फिर मैं आगे लाइन लिखता हूँ इसमें और पूछ से इसका प्रयोग कहां करते हैं तो आप कहोगे निम्न शक्ति के लिए यहां स्क्रीन शॉर्ट ले लीजिएगा जल्दी से मैं हट गया हूँ साइड में आप जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा निम्न शक्ति में उपयोग लिख दो भाई पाल सर फोर्टी नाइन नंबर में ए ऑप्शन माना था टेक्नी हेल्पर में लेकिन नहीं है वो वापस उसमें जब करेक्शन हुआ था तो उसमें बी माना गया है और वो उसका बी रहेगा भाई ए नहीं रहेगा आप कोई सी भी चीज को शुरू कर रहे हैं वैकेंसी खुलने दो उसके बाद सब बेस्ट शुरू हो जाएंगे भाई। 35 पैंतीस मटके हो पैंतीस आधा पौन घंटा हुआ अगला सवाल देखो बावन नंबर पे आए हो अभी त्रेपन आने वाला पैंतीस का उल्टा हो जाएगा उच्च पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया किसी किस प्रकार की कोर प्रयोग में ली जाती है उच्च आवर्ती में यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उच्च आवर्ती में जो प्रयोग की जाती है उसमें वायु प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है उसमें कौन सी प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है वायु प्रकार की यह आपको एक स्पेशल ध्यान रखना है क्यों ध्यान रखना है क्योंकि वायु प्रकार की कोर में सेचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है किसकी प्रॉब्लम नहीं आती है भाई सेचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी और यदि मान लो हमारे पास आयरन होगा तो आयरन में हमेशा सेचुरेशन की प्रॉब्लम आती है तो वायु के केस में जो बी एच वक्र बनता है एडवांस चीज देख लेना बी एच वक्र बनता है यह बी एच वक्र हमारे पास क्या है लीनियर है बी एच लीनियर होता है तो यहां पर जो बी एच वक्र बनता है वो हमारे पास किस प्रकार का बनता है भाई बी एच वक्र लीनियर होता है यह ध्यान रखना तो वायु प्रकार की कोर में सेचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है और यहां जो बी एच वक्र बनता है वो बी एच वक्र हमारे पास किस प्रकार होता है लीनियर होता है और ये हमारे पास वायु का केस हो गया क्लियर है तो उच्च आवर्तियों में वायु निम्न आवर्ती होती तो ये निम्न आवर्ती में काम ले लेते हैं आयरन होती है तो आयरन में सेचुरेशन की प्रॉब्लम आती है सेचुरेशन की प्रॉब्लम नहीं हो इस कारण ध्यान रखना क्योंकि एक बात आप जानना ध्यान से कि जो आवर्ती होती है वो चुंबकीय फ्लक्स के वितक्रमानुपाति होती है यानी कि जितनी ज्यादा हमारे पास आवर्ती बढ़ेगी चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो सेचुरेशन पॉइंट आने का खतरा रहता है ये बात ध्यान रखना भाई कर लिया भाई सभी विद्यार्थियों तो नोट आपके करते हैं। मैं कौन होता करने वाला? हमारा क्या होगा सर आप है ना आप अपना ऑफलाइन में पढ़ाओगे तो फिर हमारा क्या होगा सर आप रात में पढ़ाओगे तो हमारे दिन में पढ़ने वालों का क्या होगा ऐसी बात थोड़ी होती है आप पढ़िए आपको पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए उनको पढ़ाऊंगा वो पढ़ेंगे मैं ऐप के अंदर पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं ऑफ़लाइन पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हैं गारंटी बेच वाले वो पढ़ रहे हैं उसमें आपको इसमें दिक्कत क्या है पता नहीं है अच्छा सर आप गारंटी बेच वालों को पढ़ा दोगे तो फिर वो सीट ले जाएंगे फिर हम पीछे रह जाएंगे तो ऐसा थोड़ी होता है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हैं इस प्रकार की बात अच्छी नहीं लगती है मेरा काम पढ़ना होता है तो जिस प्रकार से विद्यार्थी आएंगे तो मैं तो पढ़ूँगा ना ये थोड़ी अब आप आप तो ये कह दो सर देखो आपने जितना पढ़ाया मुझे आ गया अब आप है ना रेस्ट कीजिए साल दो साल बैठ जाइए पढ़ाए मत ताकि मैं लग जाऊं उसके बाद आप वाक्यों को बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा ऐसा थोड़ी बातें होती है सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कितने लिंब होते हैं भाई सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हमारे पास किस आकृतिक होते हैं ई आकर्तिक होते हैं या एच आकृतिक होते हैं और ई या एच आकर्तिक होते हैं तो ये हमारे पास इस प्रकार से होते हैं भाई तो यहां पर हमारे पास ये जो प्राइमरी वाइंडिंग हो जाती है यहां पर हमारे पास क्या सेकेंडरी तो लिंब कितने तो लिंब है, है? है दो चुंबक के पात दो चुंबक के पात दो होने के कारण एक तो ये हो गया हमारे पास चुंबक दूसरे चुंबक के पात ये हो गया तो इसमें चुंबक के पात कितने हैं दो है इसमें लिंब कितने हैं तीन और इसमें जो वाइंडिंग है वो किसके द्वारा ढकी रहती है कोर के ने, कोर किसके द्वारा ढकी रहती है कोर वाइंडिंग के द्वारा कोर वाइंडिंग के द्वारा ढकी होती है ये जो उपयोग किए जाते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में उपयोग सब सब सर्वाधिक उपयोग इसी को लिया जाता है सर्वाधिक उपयोग किसका जी किया जाता है तो आप कहोगे भाई सर्वाधिक उपयोग इसी का किया जाता है इसमें हमारे पास कोर लोस क्या होता है ज्यादा होता है जबकि कोपर लोस क्या होता है कम होता है यह भी ध्यान रखना इसमें कोर लोस क्या होता है अधिक होता है कॉपर लॉस हमारे पास क्या होता है कम होता है तो ये ध्यान रखना इसमें कोर लॉस अधिक होता है कॉपर लॉस कम होता है तो ये हमारे पास सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है इसके बाद ध्यान रखना सर क्या अभी अभी यूट्यूब खोला है हैप्पी बर्थडे टू यू सर जी मैं यूपी के बरेली से हूँ बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए हमारी ब्लेसिंग हमेशा सा आपके साथ यू पी का एग्जाम करे कीजिए हम आप, आपके आशीर्वाद हमारी हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा सदैव सदैवी आशीर्वाद सभी विद्यार्थियों के साथ रहता है तो बिल्कुल लगातार अनिल कुमार जी पढ़ते रहेगा क्योंकि सफलता मेहनत के आगे सफलता प्राप्त होनी होनी है जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे सफलता मिलना उतना ही निश्चित हो जाता है चलो ठीक है भाई मजा आ रहा है पड़ने में बहुत बढ़िया चलो अगला चौपन नंबर सवाल कोर टाइप की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स क्या होता है बड़ा सिंपल सा सवाल दे दिया कोर टाइप में हमारे पास देखो कोर टाइप है और दूसरा कौन सा है सेल टाइप तो आप जानते हो कोर में हमारे पास चुंबक के पात कितना होता है एक और इसमें चुंबक के पात कितना होता है तो आप कहोगे दो चुंबक के पास दो है तो लीकेज हमारे पास क्या होगा कम होगा तो यहाँ लीकेज होगा कम और इसमें लीकेज क्या होगा अधिक होगा इसमें लीकेज हो जाएगा वो अधिक हो जाएगा ये ध्यान रखना तो यहाँ लीकेज कम हो जाएगा यहाँ लीकेज अधिक हो जाएगा पूछा कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज क्या होता है तो आपके उसकी तुलना में लीकेज हमारे पास यहाँ पर क्या होगा भाई कम होगा इस बात को आपको ध्यान रखना है क्लियर तो कोर और सेल की ये कंडीशन आपको ध्यान रखना बिल्कुल कोर द्वारा कोर ढकी रहती है भाई वाइंडिंग द्वारा कोर ढकी रहती है अगला सवाल देखते हैं दूसरों की तुलना में बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर देखो क्रोड के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो अगला ट्रांसफॉर्मर होता है बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर इसके बारे में आराम से देखना ध्यान से बहुत शानदार ट्रांसफॉर्मर जो उपयोग में तो कम लिया जाएगा लेकिन देखना इसमें इसमें आयताकार पट्टियां होती है इसके चारों ओर क्या होती है भाई ये हमारे पास देखो ये गोलाकार भाग है आयताकार घर होंगे। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह भी इसमें क्या होता है कि यहां पर पहले प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी होती है फिर इसके ऊपर क्या कर दी जाती है वार्निश मतलब वो कागज़ वगैरह इंसुलेशन लपेटा जाता है इंसुलेशन लपेट करके आप इसके ऊपर एक है ना सेकेंडरी वाइंडिंग भी लपेट दी जाती है अब यह क्या होता है दक्षता इसकी मैक्सिमम होती है दक्षता मैक्सिमम सबसे ज्यादा दक्षता इसकी होती है जहां उच्च दक्षता होती है वहीं पर इसका काम लेना चाहिए इसमें चुंबक के पात होते हैं वो अनेक होते हैं चुंबकीय पात क्या होते हैं भाई इसमें अनेक चुंबकीय पात होते हैं अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना फिर इसको हर जगह काम में क्यों नहीं लिया जाता है क्योंकि यदि एक बार वाइंडिंग खराब हो जाती है तो वाइंडिंग पुनः करना बड़ी मुश्किल होता है इस कारण इसको हर जगह काम नहीं लिया जाता है लेकिन जहां पर उच्च दक्षता के विशेष ट्रांसफॉर्मर चाहिए होते हैं वहीं पर इसका काम लगेगा उच्च दक्षता के लिए इसको काम में लिया जाएगा ठंडे में उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं गर्म गर्म ठंडा ठंडा निम्न उच्च उच्चता तो ठंडा होता है और उस क्षमता वाले ट्रांसफॉर्म होते हैं और जहां आपको दक्षता मैक्सिमम चाहिए होती है अधिकतम वहीं पर इसको काम में लिया जाता है यह महंगा तो होता ही है महंगा होता है तो यह विशिष्ट प्रकार का ट्रांसफॉर्म हो गया जिसे हम कहते हैं बेरी ट्रांसफॉर्म इसमें चुंबक के पात क्या होता है अनेक होते हैं चुंबक के पात आयताकार पट्टियों के कारण होता है बावन और त्रेपन को दोबारा करो ऐसे, ऐसे क्या नौबत आगे भाई दोबारा करा दे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर तीन लिंब आराम से पूरा बता दिया है और यहाँ पर आपको पास उच्च आवर्ती वाला तो उच्च आवर्ती में बता दिया बी एच वक्र लीनियर होता है पूरा पूरा समझे दोबारा क्या समझे ध्यान से टाइम पे देखा करो ना उसके बाद कौन सा हेलो फरमाइश कार्यक्रम चल रहा है तो चलो आज हमें यह गाना पेश किया जाए ऐसा थोड़ी है तो आप ध्यान से रखो सोनू अनिता बावन त्रेपन वापस ऐसा नहीं होगा ना बावन में कौन सा लॉस हो गया सवाल नंबर याद नहीं रहता है। तो दोनों में कोर लॉस ज़्यादा ही होता है तो दिक्कत क्या है तो तो कोर लॉस और कॉपर लॉस में कोर लॉस तो दोनों में ज्यादा होता है कोर लॉस कम होगा तो बेरी ट्रांसफर में कोर लॉस कम होगा तो कोर लॉस तो ज्यादा ही था चलो किस ट्रांसफॉर्मर में टेप चेंजर होता है बड़ा शानदार है टेप चेंजर तो देखो जो भी ट्रांसफॉर्मर आप काम में लोगे टेप चेंजर काम में लोगे पावर में भी लोगे डिस्ट्रीब्यूशन में भी लोगे ये तो सीटी और पीटी है ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गए और ट्रांसफॉर्मर रूम में पावर और डिस्ट्रीब्यूशन काम लेते हैं तो दोनों में होता है इसलिए हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा ई ऑप्शन करेक्ट आएगा टेप चेंजर का मतलब क्या हो गया टेप चेंजर का मतलब हो गया आउटपुट वोल्टेज को जो रोटरी स्विच के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है इसके लिए वाइंडिंग में अलग अलग स्थान पर टैपिंग की होती है सबसे ज्यादा जरूरत किसमें पड़ती है तो आप क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उसके बाद में है जो पावर में जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा में पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन में उसके बाद में हमारे पास किस में पड़ती है पावर ट्रांसफॉर्मर में जरूरत होती है कर लीजिएगा नोट या ले लीजिएगा स्क्रीन शॉट जल्दी से सभी विद्यार्थी ध्यान दें इसके ऊपर जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीन शॉट दे लो टाइम ज्यादा मत लगाओ भाई टाइम ज्यादा मत लगाओ क्लियर है भाई सर एक ऐप सर आप कोर्स दो फोन पर चल सकता है क्या नहीं चल सकता है भाई दो हज़ार इकट्ठे होकर मत लेना फ़ायदा नहीं मिलेगा बाद में आप अटक जाओगे एक कोर्स एक ऐप में ही चलेगा यानी एक ही फ़ोन में चलेगा यदि दूसरे फ़ोन में लॉग इन करना होगा तो हमसे संपर्क करना होगा फिर दूसरे में करेंगे तो फिर पहले हम हट जाएगा ये होता है एक ऐप जो एक बंदे ने कोर्स लिया वो एक ही मोबाइल में चलना है सुखवीर सिंह सर मैं आपकी क्लास रोज लेता था पर सवाल का आप जवाब देते नहीं नहीं देते हो अब भाई के देखो सुखीर आपके सामने कितने सारे विद्यार्थी आपका कमेंट कहाँ चला जाता है जवाब नहीं दें तो पता नहीं आपका सवाल क्या आपका सवाल आए नहीं ये थी अब इसका जवाब ही क्या दूँ मैं पचपन का स्क्रीन शॉट नहीं लिया था देखो अब मैं इसके लिए स्क्रीन शॉट के लिए वापस निकलूँ इसको बेक करके ले लो आप खुद ही आपके फोन में है ना इतनी कंट्रोलिंग किसी वितरण ट्रांसफॉर्मर में आमतौर पर प्राथमिक और द्वितीय किससे जुड़े होते हैं वितरण वितरण हमारे पास ध्यान रख रखना डेल्टा टू स्टार होता है डेल्टा स्टार कनेक्शन डेल्टा स्टार कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब आपको यहां पर देखना है ध्यान से मैं कनेक्शन के बारे में समझा रहा हूं कनेक्शन को ध्यान से समझना है यदि आपके पास स्टार स्टार संयोजन है यह क्या हो गया भाई स्टार स्टार संयोजन स्टार स्टार संयोजन का उपयोग क्या होता है भाई उच्च शक्ति देखो जो स्टार स्टार का संयोजन क्या होता है भाई उच्च शक्ति और उच्च वोल्टेज के लिए उपयोग लिया जाता है उच्च शक्ति उच्च वोल्टेज पहला दूसरा है स्टार डेल्टा संयोजन डेल्टा डेल्टा बना देते हैं तो आप क्यों गए स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर साथ साथ में लिखते चलो तीसरा डेल्टा स्टार संयोजन स्टेप डाउन पावर ट्रांसफॉर्मर चौथा डेल्टा डेल्टा न्यून वोल्टेज में उत्सक्ति और इसमें ना एक ना दोष को दूर करने तर संयोजन किया जाता है टर्सरी संयोजन किया जाता है तो आगे मैं बताऊंगा टर्सरी संयोजन क्या होता है जल्दी से जो विद्यार्थी हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई तो जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है उसमें दो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है टर्सरी संयोजन का प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं तो टर्सरी संयोजन का प्रयोग करना पड़ता है ताकि न्यूट्रल बिंदु जो खिसके तो उसको खिसकने से रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे टर्सरी संयोजन का तो अभी आ जाएगा आपके जल्दी से तो इन नंबरों पे बात कीजिए आपने अनइंस्टॉल कर दिया वापस इंस्टॉल किया तो इन नंबरों पे बात कीजिए बाकी कोटिले जैसा ऐप आप अनइंस्टॉल कर रहे हो तो कर क्यों रहे हो हैरी वर्मा आराम से रखो मोबाइल में बहुत कुछ तो उसमें फ्री डाटा मिलते हैं संडे को टेस्ट फ्री मिलते हैं डेली क्विज फ्री मिलती है आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ थोड़े दिन में ये जो वीडियो के लिंक भी वहाँ पर भी आ जाएंगे चलो ठीक है भाई तो ये हमारे पास सवाल हो गया सता नंबर अगला चलते हैं आगे बढ़ते हैं अठाव नंबर सवाल को देखिए ले लिया, लिया तो लीजिए महाराष्ट्र की चल रही है बिल्कुल चल रही है स्वप्निलोह है बिल्कुल बिल्कुल चलो ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल देखिए वितरण ट्रांसफॉर्मर का द्वितीय पक्ष जो भू योजन कर दिया जाता है क्यों कर दिया जाता है भू योजन का मतलब है अर्थिंग कई बार नाम ऐसा आ जाता है कि पता नहीं चलता है कि इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है परीक्षा लेने वाला क्या पूछना चाहता है पता नहीं चल पाता है तो क्या हो गया अर्थिंग अर्थिंग क्यों करते हो सिंगल फेज लाइनों को बचाए जा सके लाइन की जांच करने में कठिनाई होती है इसलिए कर लेते हो क्योंकि धरती मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य यही था ट्रांसफॉर्मर का असंतुलित भार बनता है? नहीं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा सी ऑप्शन है यानी कि धरती है है जो अर्थिंग मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है धरती क्या होता है अर्थिंग हो गया अर्थ हो गया ना भाई अर्थ को हिंदी ऐसे कन्वर्ट हो जाती है अर्थ को अर्थिंग हम अलग होता है इन्होंने धरती बना दिया गूगल ट्रांसलेशन है एक बार परीक्षा में सवाल आया था कि सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है तो ये इंग्लिश में सवाल था कि स्टील प्लांट जो सबसे बड़ा वो कहाँ है उसका हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार आया कि स्टील का पौधा सबसे बड़ा कहाँ है अब हिंदी मीडियम वाला विद्यार्थी बड़ा परेशान हो गया आई में आया हुआ सवाल था वो पर, परेशान हो गए स्टील का पौधा स्टील का पौधा तो कभी सुना नहीं स्टील का पौधा कौन सा होता है स्टील प्लांट तो इसको लिख लिखता क्या है गूगल ट्रांसलेट स्टील का पौधा तो अब वो कैसे आंसर करेंगे जमशेदपुर में है कि कहाँ पर है है ना तो इस प्रकार गूगल ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है कई बार परीक्षा में यह भी देखो हुई है धरती अर्थ को अर्थिंग अलग अर्थ समझते हैं हम पर लिख दिया धरती सर डाटा 90% परसेंट खत्म हो गया है देखो कि आप कीजिए पुष्ट रिचार्ज आज लीजिए पुष्ट रिचार्ज इतना जल्दी कैसे डाटा खत्म हो गया यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ओके अगला अठावन नंबर सवाल हो गया भाई उनसाठ नंबर सवाल एक आता है ना भाई चार सौ पांच सौ का बूस्ट रिचार्ज होता है बूस्टर कर लीजिएगा घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है घरों को बिजली की अपेक्षा करते कम मात्रा की आपूर्ति करनी है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन घरों में आपूर्ति करना पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होगा पावर ट्रांसफॉर्मर तो होता नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पोल टाइप है हमारे पास रेक्टीफाइड ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है करंट ट्रांसफार्मर धारा माफने के लिए काम ले गए और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होता है जब वहां पर नए स्टेप अप करता है नए स्टेप डाउन करता है सेम वैल्यू प्रोवाइड करता है तो वो हो जाएगा सर वीडियो अपलोड होगा ना यूट्यूब पर यूट्यूब पर ही चल रहा है यूट्यूब पर अपलोड ही है भाई टेंशन लेने की बात ही नहीं है चिंता ही मत करो सब कुछ रेडी है क्लियर है भाई तो ये हमारे पास आ गया पोल टाइप ट्रा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अगला सवाल देखिएगा ध्यान से सभी विद्यार्थी ध्यान से देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पावर ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है एयर ब्लास्ट कूलिंग गैस कूलिंग प्राकृतिक हवा ठंडा तेल ठंडा पावर ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया उच्च क्षमता का उच्च क्षमता का मतलब क्या हो गया जो 500 सौ से अधिक जो ट्रांसफॉर्मर कितने केवे से अधिक है पांच सौ केवे से अधिक ज्यादा क्षमता के ट्रांसफॉर्मर हम कौन सी विधि काम लेते हैं एयर ब्लास्ट कूलिंग विधि काम में ली जाती है अब अति प्राकृतिक हवा जो ठंडा करती है ये सबसे निम्न क्षमता के होते हैं इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम करते हैं कि एक जो ट्रांसफॉर्मर उसका आकार थोड़ा बड़ा कर देते हैं चारों डक्ट यानी कि छिद्र कर देते हैं तो उषमा का नेत्र होता है उषमा का नेत्र क्या होता है वो उच्च से निम्न की तरफ जाती है उच्च से निम्न की तरफ जाती है तो अंदर है उसमें ज्यादा है, बाहर कम है तो हवा क्या होगी अंदर से बाहर ले जाएगी उसकी को उससे निम्न की तरफ चली जाएगी तेल ठंडा करने की विधि देखो ऑयल के द्वारा विधि है जो ठंडा की जाती है शीतलन प्रणाली में अच्छे से उपयोग ली जाने वाली विधि होती है यह शीतलन प्रणाली की मुख्य विधि है जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है और इस विधि में जब आप साथ में एक एयर चैम्बर जोड़ देते हो एयर चैम्बर जोड़ देते हो तो आपके पास कौन सी विधि बन जाती है एयर ब्लास्ट विधि बन जाती है जब आप तेल शीतलन प्रणाली की विधि में एक जो एयर का रेडिएटर लगा देते हो एयर चैम्बर जोड़ देते हो तो आपके पास एयर ब्लास्ट कूलिंग विधि का निर्माण हो जाता है यूपी अयोध्या से साठ में ए आंसर आएगा बिल्कुल सही है भाई अयोध्या से हैप्पी बर्थडे सर वाल्मीकि चौबे धन्यवाद जी थैंक यू जी अगला सवाल करें सर थ्योरी की क्लास लीजिए अरे थ्योरी चल रही है पूरा ट्रांसफॉर्मर की एक एक रग रग से वाकिफ करवा रहा हूँ मेरा तो चार सौ हुआ सर जी देखो आपका चार सौ इसलिए हुआ क्योंकि आप 240 या 360 में देखते हो और वो जिस विद्यार्थी का 90% परसेंट डेटा हुआ है वो हमें देखता है चार में तो इस कारण वो एच में देखना चाहता है चलो ठीक है भाई अगला तो इसी का क्वालिटी का फर्क पड़ेगा ना भाई ऐप का नाम क्या है आप कोटिलिया क्लासेज के चैनल के ऊपर हैं तो ऐप का नाम कोटिलिया क्लासेज है तो प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिएगा कोटिलिया क्लासेज ऐप आ जाएगा लोगो मिलान कर लीजिएगा तो आपको ऐप मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिए इंस्टॉल कर लीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो ये जो नंबर दिए गए हैं नीचे इन पर बात कर लीजिएगा डेल्टा स्टार संयोजन में निम्न में से क्या लाभ है डेल्टा स्टार संयोजन देखो पहला क्या आपने बनाया है डेल्टा अगला क्या बनाया स्टार अगला जब भी स्टार बनाया जाता है तो आप देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन में काम लिया जाएगा पहला डेल्टा अगला स्टार है तो क्या किस में आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में काम है डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार से क्या होगा भाई स्टार से हमारे पास देखो कि एक तो क्या है कि एक्स्ट्रा तार आएगा जो न्यूट्रल हमारे पास बन जाएगा और दूसरा यह कि असंतुलित भार पर आराम से कार्य करेगा असंतुलित भार पर भी आराम से कार्य करेगा कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो क्या है कि वोल्टता का कोई विरूपण नहीं होता बिल्कुल सही बात है वोल्टता का हमारे पास कोई नहीं नहीं होता होता विरूपण मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है दीर्घ असंतुलित भार को संभालता यह तो कंफर्म है तीन फेज चार तार प्रणाली क्योंकि न्यूट्रल है तो चार तार प्रणाली भी काम आएगी प्राथमिक पक्ष से अनुप्रस्त कार्ड कम आवश्यक होता है यह भी सही बात है तो हमारे पास सभी आंसर होगा तो आंसर आएगा इसका सभी करेक्ट हो जाएंगे भाई क्लियर है तो इस सवाल में आंसर हमारे पास क्या आएगा सभी करेक्ट हो गया 61 में ध्यान से देख लिया क्लियर है भाई सभी साथी ध्यान से देखते चले और जितने भी विद्यार्थी हैं वो अब देखिए थोड़े से सवाल रहे हैं, थोड़े से सवालों के कारण अपनी तैयारी को इधर उधर हिलेगा नहीं लगातार बने रहेगा शानदार चीज है आपको बार बार पढ़ने जैसी चीज इतनी अच्छी शानदार है बार बार पढ़ोगे इतनी शानदार चीज है डेल्टा वाइंडिंग वाले स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है ध्यान से देखो यह स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर क्या होता है देखो स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर जो होता है जो यह मैं इस प्रकार बना देता हूं यह भी स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर है इसमें न्यूट्रल बिंदु है न्यूट्रल बिंदु अस्थिर होता है न्यूट्रल बिंदु अस्थिरता के कारण खिसकता है इसको रोकने के लिए एक डेल्टा संयोजन का प्रयोग किया जाता है डेल्टा संयोजन का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर हम क्या करेंगे इनके बीच में एक डेल्टा बनाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ टोटल तो तो कितनी कोयल है नौ कोइल है तो हमारे पास बासठ में छह कोयल नहीं आई नौ कोयल आई ए ऑप्शन आया भाई कहां रह गए आप नौ है, कितनी कोयल है भाई नौ है। अब इसमें एक आप ध्यान रखना इसमें इसके साथ साथ क्या ध्यान रखोगे कि यांत्रिक संतुलन के लिए इसमें एक्स्ट्रा लोड भी जोड़ सकते हो आज और कल दो ही दिन डिस्काउंट है भाई कोर्स में दो ही दिन डिस्काउंट आज और कल यांत्रिक संतुलन के क्या लिए क्या करोगे एक्स्ट्रा लोड भी आप इसमें जोड़ सकते हो तो लिख लीजिए यांत्रिक संतुलन के लिए एक्स्ट्रा लोड भी जोड़ सकते हो अभी तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से अगला करते हैं नेक्स्ट सवाल बासठ हो गया तिरसठ नंबर क्वेश्चन कोड कनेक्शन या टीटी कनेक्शन टी कनेक्शन कोड कनेक्शन या अब टी टी संयोजन क्या होता है बताओ सर स्क्रीनशॉट देना है सर तो मैंने दिया साइड हुआ तब ले लेते हैं ना आप भाई वापस उसको बेक कर लो आपके पास बड़ा है वो कनेक्शन कनेक्शन या टीटी -टी की बात करो तो मैं इंपॉर्टेंट बातें इसकी बताता हूं कि इसका तीन फेज को दो फेज में बदलने के लिए प्रयोग लिया जाता है तीन फेज को दो फेज में बदलने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है पहली बात ध्यान रखना दूसरी बात आपको ध्यान रखना कि दो फेज क्यों बदलते हैं दो फेज का उपयोग विद्युत भट्टियों में किया जाता है विद्युत भट्टियों में क्योंकि उषमा के लिए सबसे उपयुक्त होता है विद्युत भट्टियों में किया जाता है दो फेज किसके लिए उपयुक्त होता है उष्मा के लिए विद्युत भट्टियों में किया जाता है यह ध्यान रखना तीसरी बात ध्यान रखना कि यहां पर जब आप तीन फेज को दो फेज में बदलोगे तो दो फेज में से दो फेज में से एक फेज मुख्य ट्रांसफॉर्मर तथा दूसरा फेज ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा होता है जुड़ता है दो फेज में कौन से ट्रांस होते हैं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्म होते हैं तो मुख्य ट्रांसफॉर्मर जुड़ते हैं दूसरा टीजर ट्रांसफॉर्मर जुड़ते हैं अब इसमें एक दूसरी ध्यान रखना जो टीजर ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न की संख्या है वो मुख्य वाइंडिंग में टर्न की संख्या का कितना होता है छियासी पॉइंट परसेंट अब इसको कहां करें इसको करते हैं छोटा वाइंडिंग में टर्न की संख्या मुख्य वाइंडिंग के टर्न की छियासी पॉइंट रूट तीन बटा दो होती है प्रतिशत तो कितनी होती है भाई छियासी पॉइंट यानी रूट तीन बटा दो होती है जबकि मुख्य ट्रांसफॉर्मर में टेपिंग का होती है बीचों बीच मुख्य ट्रांसफॉर्मर में टेपिंग बीचों बीच होती है तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गए भाई डी ऑप्शन है ये रहा डी ऑप्शन है तो त्रेसठ नंबर का हमारे पास कौन सा सवाल लगा? आंसर करेक्ट हो गया डी एक ट्रांसफॉर्मर छियासी पॉइंट छियासी परसेंट यानी पचास परसेंट ट्रांसफॉर्म होता है दूसरा टीजर ट्रांसफॉर्मर होता है भाई चलो ये हो गया भाई क्लियर हो गया अगला सवाल देखिएगा ध्यान से भाई वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें एक ही कुंडलियां वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीय दोनों कुंडलियों का कार्य करते हैं क्या कहलाता है वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें एक ही कुंडलियां वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीय दोनों कुंडलियों का, का कार्य करती है प्राथमिक का भी कार्य करती है द्वितीय कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या कहते हैं भाई ओको ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहते हैं अब आपके पास ये आता है कि सर ऑटो ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं तो ध्यान से देखिएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कुंडली कितनी होती है तो आप कहे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कुंडली एक होती है इसको हम स्टेप इस अप तथा स्टेप डाउन दोनों प्रकार से निर्माण किया जा सकता है मैं स्टेप डाउन बनाता हूँ जैसे ये है मेरे पास स्रोत और ये प्राइमरी हो गई पूरी काम ली जाएगी लोड में आपकी आधी काम ली जाएगी तो इसमें कुंडली कितनी आई एक एक कुंडली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है आप पूछ ले कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांस कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप क्या हो गया के स्वे परेरण परे के सिद्धांत पर कार्य करता है यानी कि सेल्फ uh, इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है इसमें वाइंडिंग कितनी होती है एक वाइंडिंग है जो हमारे पास प्राइमरी का भी काम करती है और यह सेकेंडरी का भी काम करती है तो इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है एक वाइंडिंग होने के कारण इसमें हानियाँ भी क्या होती है साधारण ट्रांसफॉर्मर की तुलना में इसमें हानि कम होती है तथा इसकी दक्षता उच्च होती है और यह हमारे पास इसमें जो शक्ति होती है किस प्रकार की होती है सवाल पूछे इसमें शक्ति किस प्रकार की होती है तो ध्यान रखना इसमें शक्ति हमारे पास इंडक्टिव तथा कंडक्टिव दोनों प्रकार की शक्ति का स्थानांतरण होता है तो इसमें इंडक्टिव एवं कंडक्टिव दोनों प्रकार की शक्ति का स्थानांतरण होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको यह बात ध्यान रखनी है वाइंडिंग कितनी है कार्य करती है और इसमें हानियां क्या होती है कम होती है क्योंकि एक ही वाइंडिंग है तो हानि क्या होगी कम होगी हानि कम होगी तो दक्षता क्या होगी उच्च होगी तो इसकी दक्षता उच्च होती है इसका उपयोग कहां करते हैं मोटरों की गति नियंत्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है बूस्टर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है तो गति नियंत्रण बूस्टर रिसीवर इनके रूप में इसका उपयोग किया जाता तो है ठीक है तो यह है ऑटो ट्रांसफर बूस्टर और गति नियंत्रण इसको उपयोग क्लियर है अगला सवाल अगला ऑटो ट्रांसफॉर्मर आमतौर पर किस बिंदु पर टैप किया जाते हैं ताकि उचित प्रारंभिक टॉर्क आवश्यकताओं के लिए इन वोल्टेज पर समायोजन किया जा सकता है याद रखना यह पचास साठ और अस्सी परसेंट पर इसमें तीन टैपिंग होती है इसमें तीन टैपिंग पॉइंट होते हैं तीन टैपिंग पॉइंट होते हैं ध्यान रखना एक तो फिफ्टी परसेंट पर टैपिंग होगी एक सिक्सटी परसेंट पर होगी एक एट्टी परसेंट पर होती ये मान आपको याद रखना है तो पचास साठ और अस्सी परसेंट पर टैपिंग होगी ताकि आपको प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता हो उसके अनुसार आपको प्राप्त हो जाए जो समायोजन के लिए यह ध्यान रख लेना अब देखो बहुत कम सवाल बचे हैं पैंतीस सवाल बचे हैं और पैंतीस सवालों में आप अच्छे से ट्रांसफॉर्मर को सीख सकते हो अगला जो देखिए सवाल आपका सामने एक स्वचालित वोल्टेज नियामक रेगुलेटर एक ट्रांसफॉर्मर जिसमें मुख्य ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है और क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है देखिए वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है उसमें देखो कि आपको वोल्टेज का मान घटाना होता है वोल्टेज का मान घटाने के लिए आप किसको काम लोगे तो आप कहोगे एक तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है दूसरा कौन सा है दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जल्दी से इसको नोट कीजिएगा भाई सभी साथी और यहाँ स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी सभी सवालों को सॉल्व करते हैं शानदार तरीक तरीके से पढ़ते रहिएगा भाई परीक्षा में जो सवाल आए बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिएगा ये ध्यान रखना है बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है भाई तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारे पास और ऑटो ट्रांसफर तो हमारा ऑटो तो दे दिया तो स्टेप डाउन हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या जरूरी था कि सर एक ही दिन क्लास में विद्यार्थी को भारी क्या रोहित शर्मा क्या है क्या सवाल है क्या जरूरी था सर एक ही दिन क्लास करने विद्यार्थी को हमको बहुत भारी लगने लगता है सिलेबस रोहित शर्मा जी मेरा कहने का तो बहुत जी करता है लेकिन आज मैं कह नहीं रहा हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता हूं ये तुम कल परसों के बच्चे हैं ना ये क्या है कि घूमते फिरते आ जाते हैं शिक्षक को समझाने की शिक्षा कैसे दी जाए छोड़ो अब छोड़ो ये रोहित शर्मा कौन है बच्चा है अभी बच्चा है बातें हैं घर इनसे पढ़ाई नहीं होती इनसे कभी भी बातें इनको बहुत आती है सर आप ऐसा कीजिए आप है ना सुबह आधा घंटा पड़िए शाम को आधा घंटा पढ़े हमारे लिए कम रहेगा तो हम ऐसा करने लग जाए अरे सर या नहीं आने नहीं, नहीं मैं सर सुबह सर सा, शाम को सर मैं कहीं घूमने जाता हूँ आप दोपहर में पढ़ा दीजिएगा क्या क्या व्यक्तित्व हो तुम्हारा कहाँ रहते गिर लो ऐसा <laughs> सीटी और पीटी के पूर्ण नाम के लिए सही विकल्प चुने कोर ट्रांसफॉर्मर करंट पावर पोटेंशियल सीटी होती है और एक होता है पीटी दोनों हमारे पास होते हैं इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रकार ट्रांसफॉर्मर इंस्ट्रूमेंट प्रकार ट्रांसफॉर्मर तो दो प्रकार होते हैं सीटी और पीटी सीटी होता है करंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है भाई करंट ट्रांसफॉर्मर पीटी क्या होता है पोटेंशियल पावर नहीं होता है गलती बच्चे यही करते हैं बाकी कहीं नहीं करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर तो करंट होता है पोटेंशियल होता है तो दो और चार है ना तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई दो और चार करेक्ट होगा क्योंकि करंट ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होगा दो और चार बिल्कुल ठीक है अब देखिए ध्यान से करंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है करंट ट्रांसफॉर्मर यानी कि सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यानी कि पीटी जो सीटी है वो स्टेप अप में कार्य करती है और पीटी होता है स्टेप डाउन में कार्य करता है ये क्या करता है स्टेप अप में कार्य करता है ये स्टेप डाउन में कार्य करता है इसका कार्य क्या होता है उच्च धारा को मापना उच्च धारा को मापना इसका होता है उच्च विभव को मापना उच्च विभव को मापना इसमें क्या होता है स्टेप ऑफ होता है ना अभी तो आप इसमें लिखोगे स्टेप इस ऑफ है तो प्राइमरी में चक्रों की संख्या कम इसमें सेकेंडरी में चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी कम इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या कम होती है तो यहां पर क्या होता है कि सेकेंडरी में क्या जोड़ोगे वोल्ट मीटर सॉरी अमीटर सेकेंडरी में अमीटर जोड़ते हैं अमीटर की रेंज कितनी होती है जीरो से पांच एम्पियर अमीटर जीरो से पांच एम्पियर का होता है यहां वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है सेकेंडरी में जोड़ते हैं जीरो से सौ वोल्ट तक का होता है और ये दोनों ही आनुपातिक स्केल पर कार्य करते हैं लिख लीजिएगा जल्दी से स्क्रीन छोड़ ले लो टेस्ट सीरीज करना है किस दिन होगा संडे को टेस्ट सीरीज निःशुल्क होता है बाकी टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर पूरी पेड टेस्ट सीरीज भी पड़ी होती है तो ये हमारे पास हो गए भाई ठीक है तो तो करंट और पावर इतना ही पूछा गया था मैंने आगे डिटेल बता दी ताकि आगे वाले सवाल भी आप जल्दी से सोल्व कर लो नेक्स्ट अगला सवाल करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है मैंने अभी अभी बताया था करंट ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होता है स्टेप अप है तो प्राइमरी में चक्रों की संख्या कम सेकेंडरी में ज्यादा होती है क्लियर है ओके okay. सर से आधे हो गए तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे बिल्कुल ज्यादा मेहनत करोगे मैं तो आपको बता देता हूँ परीक्षा देते हैं ना फॉर्म भरते हैं जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं उसमें से आप गांठ बांध लेना कि केवल 10 के अंदर ही कंपटीशन लड़ता है और किसी के अंदर कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना होता है और एक सीट के ऊपर यदि कैलकुलेशन करोगे तो एक सीट के ऊपर आप कहते हो ना पचास बंदे बैठे हैं सौ बंदे बैठे हैं कुछ नहीं बैठे हैं पढ़ने वाले को पता है कि पांच से आठ बंदों के बीच कंपटीशन होता है एक सीट के लिए इतना मैक्सिमम कंपटीशन है उसे ज्यादा नहीं होता है अब क्या है कि आप तो पढ़ते ही नहीं हो परीक्षा देने चले जाते हो तो आपके आगे सारी दुनिया बैठी है और आप बहुत इंटेलिजेंट हो अच्छे से पढ़ते हो तो आपके सामने कोई नहीं है आप सबसे आगे हो क्लियर है भाई अगला है हमारे पास उनसे नंबर सवाल सिक्सटी नाइन धारा ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या बहुत कम होती है एक से पांच क्योंकि बारे में बात रखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में क्या होता है कि प्राइमरी में चक्कर क्या होते हैं कम होते हैं प्राइमरी में चक्कर कम होते हैं तो प्राइमरी में चक्कर कम होते हैं सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं सेकेंडरी में अधिक होते हैं सेकेंडरी में चक्कर ज्यादा होंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा इससे धारा घट जाएगी तो हम माप लेंगे तो ये तो प्राइमरी में चक्कर कम होगा कितना एक से पांच इंपियर जल्दी से इसके छोड़ दे दीजिए प्रमोद धक्ड सर जी आप से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आप जितना टाइम टीचिंग करोगे तब तक तो पढ़ते रहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज मैं इसको करूंगा भाई शो सवाल पूरे सॉल्व करूंगा ये आप देखते जाइएगा बिल्कुल अभी आपको ना बहुत सारे सवालों के उत्तर आने लगे हैं पढ़ने का नतीजा देखो दो चार घंटे में आपको ट्रांसफॉर्मर की बहुत सारी चीजें पता चलने लगेंगी है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है उससे अच्छी और क्या खुशी हो मैं और इस शुभ दिन पर मैं आपको पूर्णत डेडिकेटेड हूं ये तो बहुत ही मेरे लिए भी बहुत गौरव गौरव का विषय है कि आप सब विद्यार्थी पढ़ने के लिए आगे हैं और इस अच्छे शुभ दिन पर अच्छा बर्गर आ गया है किसी का चूरमा आ गया है सत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को किसके साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यानी कि पीटी पीटी में हम क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर काम लेते हैं क्या लेते हैं भाई वोल्ट मीटर काम लेते हैं वोल्ट मीटर हम किस में जोड़ते हैं भाई इसको हम जोड़ते हैं सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी के अंदर वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं सेकेंडरी में हमारे पास चक्कर क्या होते हैं कम होते हैं सेकेंडरी में चक्कर क्या होते हैं चक्कर होते हैं कम तो वोल्ट मीटर को ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वितरण पैनल के बस बार में वोल्ट मीटर को उच्च वोल्टेज लाइन में ऊर्जा मीटर को निम्न वोल्टेज लाइन में या इनमें से कोई नहीं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को किसके साथ जोड़ने के लिए वोल्ट मीटर को उच्च वोल्टेज लाइन में जोड़ने के लिए ही काम लिया जाता बिल्कुल सही बात रह गई है किसको करते हैं भाई वोल्ट मीटर क्या कार्य करता है मैंने अभी दो सवाल पहले ही यह समझाया था ये आगे सवाल वोल्ट मीटर यानी पीटी पीटी में क्या काम लेंगे वोल्ट मीटर लेंगे क्या कार्य करेगा उस विभव मापेगा तो वोल्टमीटर मीटर उच्च मापेगा क्लियर है और यह सवाल आपका मापने के लिए क्लियर बहुत सत्रवा सवाल हो गया अगला सवाल करते हैं इकहत्तर नंबर सवाल को ध्यान से देखते जाइएगा भाई इकहत्तर नंबर सवाल एक हाथ से पकड़ने वाला पोर्टेबल टाइप करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी है ये पोर्टेबल टाइप है सर्किट लोडिंग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्लैंप मीटर जिसे आप दूसरे नाम से कहते हैं टोंग टेस्टर क्या कहते हो टोंग टेस्टर उसमें हमारे पास किस प्रकार होता है कि जो तार जा रहा है जो तार हमारे पास होता है ना इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है तो चलती लाइन में धारा को मापने के लिए चलती लाइन में धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो आपके हो गया टोंग टेस्टर का प्रयोग किया जाता है यानी कि क्लैंप मीटर का प्रयोग किया जाता है क्लैंप मीटर किस प्रकार का होता है एक तार जा रहा है तो इसके आरोप यहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार है ना लो खोल के ये इस प्रकार होता है यहां पर क्या होता है कि यहां पर वाइंडिंग होती है दूसरी वर्ष अब यह क्या है कि चुंबक के फ्लक्स बनेगा इसका यह चुंबक के फ्लक्स इसको काटने के कारण इस पर के फ्लक्स कटेगा और चुंबक फ्लक्स कटने के कारण क्या हो जाएगा कि यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत धारा का पुरवा हो जाएगा और कोटिलिय का चेला बहुत बढ़िया भाई हैप्पी बर्थडे सोनू राजपूत धन्यवाद तो ये जो हमारे पास ए, सेकेंडरी वाइंडिंग में से, चुंबकीय फ्लक्स द्वारा काटा जाएगा विद्युत धारा का पर्व होगा इस विद्युत धारा का पूर्व को हम किसके द्वारा माप लेंगे अमीटर के द्वारा माप लेंगे और ये अमीटर के द्वारा जो विद्युत धारा को मापते हैं ये हमारे पास स्ट्रोंग टेस्ट कहलाता है तो ये हमारे पास स्ट्रोंग टेस्ट होगा जिसका दूसरा नाम क्लिप क्लैम्पन मीटर होता है ठीक है इसमें एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी वाइंडिंग रूम में तार काम लेते हैं फॉर्म लाखों में तो क्या करना हम उससे अब देखो फॉर्म औरम के बारे में चिंता करनी नहीं आपको अपने बारे में चिंता करनी जैसे वैकेंसी आए आप यदि पूर्ण डेडिकेटेड हो तो ध्यान रखना कि आपको ये मान के चलना एक सीट तो हमारे लिए फिक्स हो गई छह सौ आठ में से एक सीट तो गई बाकियों की सीट है छह सौ सात एक बीच में आगे सर, क्या है तुम कैसे विद्यार्थी हो होता ही नहीं वोल्ट होता है जो मल्टीमीटर होता है वो हम विद्युत मापक यंत्रों में पढ़ते हैं सुशीला कुमावत कहां सवाल आ गया बीच में कैसे कैसे तुम्हारा दिमाग चलता है जितना तेज चलता है ना उसको सैल्यूट है मेरा कहा चला लेते हो दिमाग ठीक है अब टोंग टेस्टर तो पूरा पता चले नहीं आप उससे पहले अवो में चले जाते हो तो हो गया अवो मीटर टोंग टेस्ट यानी टोंग टेस्ट कह दो क्लैम्प ऑन मीटर कह दो इसमें एक ही वाइंडिंग होती है एक वाइंडिंग प्राथमिक रूप में जो धारा प्वरित हो रही जिस तार में से वो काम में ली जाती है और इसका कार्य चलती लाइन में धारा को मापना होता है ये ध्यान रखना ठीक है, है भाई सर जी आपका नाम मेरा नाम देखो आप इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थी होके ऐसे क्या सवाल पूछ रहे हो मैं क्या बताऊं आपको थंबनेल के ऊपर भी मेरा नाम मिल जाएगा टाइटल में भी मिल जाएगा इलेक्शन में मामले में लगभग काफी जगह मिल जाएगा मेरा नाम आप पता कर लेना ठीक है भाई अगला है सवाल हमारे पास क्या है सवाल भाई न्यून में से कौन ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने का एक भाग नहीं है ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने का भाग नहीं है कंजर्वेटर बिल्कुल होता है वृद्धर वृद्धर नहीं होता वृद्धर वृद्धर बिल्कुल होता है रिले इसको बकोल रिले बकोज रिले बोलते हैं तो बकोज रिले भी होती है एक्साइटर नहीं होता है ये नहीं होता है तो एक्साइटर नहीं होता है भाई और इन्होंने पूछा भी है कि क्या नहीं होता है तो हमारे पास ये तो होता है ये होता है ये होता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई डी आंसर करेक्ट है क्योंकि ये तो सब हमारे पास होते हैं एक्साइटर कहाँ काम में लिया जाता है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता दूं अल्टरनेटर के अंदर एक्साइटर काम में लिया जाता है उत्तेजना काम ली जाती है तो उत्तेजक एक्साइटर यानी ट्रांसफॉर्मर काम नहीं आता है अब आता है कि सवाल सर ये कंजर्वेटर क्या है ये कंजर्वेटर हमारे पास एक टैंक है टैंक है टैंक हमारे पास मुख्य टैंक से जुड़ा होता है जैसे है ना ये ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफार्मर ये तो इसके ऊपर ये जो टैंक होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है कंजरवेटर कहलाता है अब यहाँ पर इसका कनेक्शन इस प्रकार किया जाता है और इधर से यहाँ पर ब्रिदर लगा दिया जाता है ये ब्रिदर वाला तो ये ब्रिदर है और बकोज रिले इन दोनों टैंक के बीच में लगती है ये बकोज रिले कंजरवेटर और मुख्य टैंक ये मुख्य टैंक के बीच में क्या लगती है बकोज रिले अब ये टैंक हमेशा क्या होता है आधा भरा होता है तेल यदि इसमें कम पड़ता है तो ये दे देता है और ये जब वाइंडिंग इसमें क्या कि सारी तेल में डूबी रहती है जब ये क्रिया करती है तो वाइंडिंग गर्म होती है जिसके कारण तेल गर्म होने लगता है तेल गर्म होता है तो वो ए, इसका आयतन बढ़ता है आयतन बढ़ने के कारण इसको पूरी जगह नहीं मिल पाती है तो इस कारण जब ये यहाँ पर जगह भर जाती है तो ये तेल यहाँ जाकर रेस्ट करता है रे और जब वापस संकुचन करता है तो यह तेल इसमें आ जाता है तो जो वायु को सोखने के लिए उसमें ब्रिदर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि खाली हो गई जगह अब आप यहां पर हमें क्या चाहिएगा वायु चाहिए तो वायु किसके द्वारा ग्रहण करेंगे स्वेसक के द्वारा आप लेते हैं ना ऐसा सांस रहता ना तो इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर सांस लेगा यानी ठंडा होगा तो आयतन घटेगा तो खाली जगह में वायु आएगी अच्छा ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा जब वो गर्म होने लगेगा आयतन बढ़ने लगेगा आयतन बढ़ता जाएगा तो वो जो जगह कम पड़ेगी यहाँ जो वायु की जगह है वहां तेल आ जाएगा तो वो वायु कहां जाएगी दाब बढ़ जाएगा दाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक्सप्लोजन वाल्व या प्रेशर रिलीज वाल्व खुल जाता है वहां से प्रेशर रिलीज हो जाता है ध्यान रखना और जब कम पड़ता है तो आपको ध्यान रखना कि जब कम है तो यह वृद्धि श्वास द्वारा सांस लेता है जब सांस लेता है तो यहां पर एक ध्यान रखना पड़ता है कि सांस लेते समय कहीं नमी तुलने तो आ जाए तो नमी को रोकने के लिए हम इसके अंतर्गत सिलिका जेल का रासायनिक कौन सी क्रिया होगी भाई सिलिका जेल का प्रयोग करेंगे और सिलिका जेल के बारे में अभी आगे बताने वाला हूं तो ब्रीदर का प्रयोग क्या करेंगे तो ब्रीदर का प्रयोग संकुचन के लिए करते हैं एक्सपेंशन और संकुचन के लिए करते हैं कंजर्वेटर का प्रयोग क्यों करते, है? करते हैं कंजर्वेटर का प्रयोग करते हैं ताकि तेल को उसके अंतर्गत आधा भरवा रख सके आपको जो तेल को संरक्षित करके रखने के लिए काम में लिया जाता है क्लियर है तो बकोज रिले क्या होता है बकोज रिले का जो प्रयोग होता है वो इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है भाई इसका प्रयोग होता है इंटरनल फॉल्ट बाहर एक्सटर्नल फॉल्ट में बकोज रिले कार्य करेगा क्या नहीं करेगा जो बकोज रिले होती है वो कैसी होती है बकोज रिले का ध्यान रखना ये गैस संचालित रिले होती है गैस संचालित रिले है भाई और यह केवल आंतरिक काम में ली जाएगी इंटरनल फॉल्ट को निकालेगी एक्सनल फॉल्ट को नहीं निकालेगी तो गैस से ऑपरेटेड होने वाली गैस संचालित रिले बक्को रिले होती है ये हो गई इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भाई नहीं नहीं अभी मेरी प्रैक्टिस की कोई भाई लैंग्वेज बुक कि नहीं है भाई मैं आपको इस भरोसे क्यों रखूं खतम हूं यहां कुछ नहीं है खाने को कैसी बात करते हम आप खेतों में हैं। इसी के तो भरोसे हम रहते हैं आपके द्वारा ही तो अन्न आप अन्न की उपज करते हैं वही पूरे देश में काम आता है सैनिक और किसान सबसे बड़ा होता है आंतरिक सुरक्षा किसान के द्वारा होती है यानि कि पेट भराई किसान के द्वारा की जाती है बाह्य ये दुश्मनों से जो हमला होने वाला का बचाव सैनिक करते हैं तो ये दोनों बहुत बड़े होते हैं मैं। सर आप 40 दिन में बो, बुक हैं। दे रहे क्या आप? कितना खर्चा रहना और तो देखो जिस, जिस में खुले, उस समय पूछ लेना कोचिंग की फीस कितनी होती है तो वो मैं बता सकता हूँ बाकी आप किसी भी शहर में रहते हो तो शहर का रहने का खर्चा रूम रेंट पे लोग में रहोगे जैसा भी है वो खर्चा सब जगह होता है वही होगा यहाँ पर यही एक शहर है आप जिस भी शहर में जाते वो रहता तो है इसमें कोटिले क्लासेज का क्या का तो एक कोचिंग फीस होती है वो आपको समय बता देंगे जब भी खुलेगी कोचिंग कॉल करके पता करना किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिक में से किसका प्रयोग किया जाता है सिलिका जेल का सिलिका जेल किसमें लगाई जाती है तो मैंने कहा था वृद्ध में लगाई जाती है सिलिका जेल है जो जाती है सिलिका जेल का रंग कैसा है सवाल तो आगे दो आएंगे इसके भी रंग के तो ये होता है कि रंग कैसा होता है जो यदि फ्रेश है सिलिका जेल तो ध्यान रखना फ्रेश सिलिका जेल का रंग नीला होता है यूज हो गई है काम में ले ली गई है तो इसका हो जाएगा हल्का गुलाबी हल्का गुलाबी अब यदि हल्का गुलाबी रंग हो गया तो क्या इसे वापस री यूज कर सकते हैं बिल्कुल इसको री यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा दो चीजें ध्यान से रखो पहली है धूप में सुखा दो धूप में सुखा देने से धूप में सुखा देने से क्या हो जाएगी भाई नमी दूर हो जाएगी नमी दूर हो जाएगी और यहाँ फिर आप क्या करोगे जो हमारे पास इसको कर दो तवे पर डालकर यानी कि जो तवे पर उसको फ्राई करते हैं क्या करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको डालकर उसमें नीचे उषमा दी जाती है उषमा देने से नमी सोख ली जाती है पचास से साठ डिग्री सेल्सियस तक उषमा दे दोगे तो पचास से साठ डिग्री सेल्सियस तक उसमा इसको प्रदान करोगे तो ये हो जाएगा भाई

क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है तब उसका रंग नीले से बदल कर किस में हो जाता है इसका मतलब पहले क्या रंग था नीला अब कौन सा रंग हो रहा है तो नीले से बदलकर हल्का गुलाबी हो रहा है नीले से बदलकर कौन सा रंग हो रहा है हल्का गुलाबी सर मेरा भी आज बर्थडे आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई और आप जिंदगी में बहुत प्रगति करें और सफलता जल्दी हासिल करें उबालना पानी में डालते हैं उसे उबालना कहते हैं ठीक है ना भुला भी हो गया अगला देखो 75 सवाल हो गए 25 सवाल बचे हैं हम सवा घंटे के अंतर्गत 25 सवाल को सॉल्व कर लेंगे एक घंटे से सवा घंटे का समय लगेगा तो पांच घंटे के सेशन के अंतर्गत पूरा हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर का कौन सा भाग सर्वाधिक तापित होता है वाइंडिंग सबसे ज्यादा वाइंडिंग वाइंडिंग सबसे ज्यादा तापित होता है उसके बाद जो तापित होता है हमारे पास क्या होता है कोर और कोर के बाद तापित क्या हो जाता है तेल हो जाता है तो ये हमारे पास तापित होते हैं इस प्रकार से तो देखो कि हम क्या करते हैं कि तेल का प्रयोग तेल का प्रयोग हम क्यों करते हैं शीतलन के लिए तेल का प्रयोग करते हैं शीतलन के लिए और वाइंडिंग में हमारे पास क्यों होगी क्योंकि वाइंडिंग इसमें धारा प्रवाहित होगी इसमें धारा प्रवाहित होगी और कोई भी हमारे पास जो इसमें धारा प्रवाहित होगी कोई भी तार काम लोगे तो प्रतिरोध होगा प्रतिरोध होगा तो उसमें आएगी क्योंकि एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी तो हमारे पास धारा प्रवाहित होगी उसका प्रतिरोध है तो उसमें आएगी तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास कहां पर आएगी वाइंडिंग में आएगी हमारे तो पास करेक्ट ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन 76 बी ऑप्शन अगला 77 नंबर सवाल देखिए 77 नंबर सवाल में अंतर संरक्षण के नियम में से किस पद्धति को इस्तेमाल किया जाता है यह अच्छा सवाल है आपके पास ट्रांसफॉर्मर में अंतर संरक्षण की प्रणाली के लिए सोनू एक चाय इधर भी बिल्कुल यूट्यूब पर कि भाई क्लास कोई दिक्कत नहीं है सर आपकी तीसरी जाए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ट्रांसफॉर्मर के अंतर संरक्षण की निम्न में से किस पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है तो ट्रांस ले और मर्ज दोनों ही प्रणाली अंतर संरक्षण के लिए काम में ली जाती है यह हमारे पास दो एम से अधिक पावर ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त होती है पावर ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त ये दोनों जो प्रणाली है ना ये दोनों रिले होते हैं क्या होते हैं भाई रिले रिले का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना मशीनों को या युक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना रिले का कार्य होता है तो ट्रांसले प्रणाली और मर्ज प्राइस प्रणाली दोनों का ही उपयोग किया जाता है भाई तो दोनों का उपयोग किया जाता है तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ई ऑप्शन ए बी दोनों बिल्कुल ई ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ई ऑप्शन क्लियर है अगला सवाल 78 एट नंबर सवाल परिणाम मित्र में स्लेजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है जो हमारे पास परिणाम मित्र है उसमें पूछा गया क्या गया स्लेजिंग का प्राथमिक कारण क्या है तेल में उपस्थित नमी टंकी के अंदर उपस्थित धूल के कण तेल का ऑक्सीकरण बिल्कुल सही है तेल के ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं स्लेजिंग है तो स्लेजिंग का कारण क्या होगा तेल का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है ऑक्सीकरण की क्रिया होती है कि जब हमारे पास धारा का प्रवाह होता है जो धारा वायुमंडलीय के साथ टकराती है तो इसे कोरोजन प्रभाव हो जाता है और ये ऑक्सीकरण के प्रभाव से रहता है वहाँ हल्की हल्की सफेद परत भी जम जाती है तो यह ऑक्सीकरण प्रभाव रह जाता है तो तेल का ऑक्सीकरण होता है जो स्लेजिंग का प्राथमिक कारण है तेल का ऑक्सीकरण तो यह सी है अगला सवाल देखिएगा शक्ति परिणामित्र में प्रयुक्त तो तेल तेल और स्नेह तो एक ही होते हैं लेकिन यही ऑप्शन आएगा तेल के लिए होता है प्रयुक्त तेल लिए होता है प्रयुक्त तेल होता है लुब्रिकेंट ऑयल होता है भाई जो प्रयुक्त तो जो ऑयल होता है वो हमारे पास क्या होता है लुब्रिकेंट ऑयल होता है हम कहते हैं लुब्रिकेंट ऑयल है तो स्नेह तेल होता है जी आई टी आई फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर कौन सा आएगा फर्स्ट ईयर का पेपर करेक्ट है भाई सेवेंटी नाइन का ए या सेवेंटी नाइन का बी पांच बजे तक कंटिन्यू रखो जल्दी से बताइए भैया सर पीयूष धन्यवाद पीयूष जन्मदिन मुबारक फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल अब देखो शक्ति परिणाम में प्रयुक्त तेल शीतन यानी कि शीतलन के लिए प्रयुक्त होता है क्या शीतलन के लिए प्रयुक्त होता है शीतल तेल शीतलन के लिए शीतलन लिए होता है शीतन लिए होता है शीतल लिए स्ने लिए होता है यानी कि जो ऑयल होता है वो लुब्रिकेंट ऑयल होता है तो स्नेहन लिए होगा भाई कूलिंग के लिए काम लेते हैं लेकिन तेल खुद लुब्रिकेंट होता है भाई बिल्कुल तेल का प्रयोग शीतलन के लिए करते हैं ये राइट बात है तेल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं शीतलन के लिए तेल के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं तेल हमारे पास दो प्रकार के काम लेते हो एक तो होता है खनिज तेल दूसरा होता है सिंथेटिक तेल एक होता है खनिज तेल दूसरा होता है सिंथेटिक तेल खनिज तेल हम सीधा प्राप्त करते हैं सिंथेटिक तेल का हम निर्माण करते हैं सिंथेटिक तेल का कैसे निर्माण करते हैं यह हाइड्रोकार्बन तथा सिलिकॉन के गुण होते हैं हाइड्रोकार्बन सिलिकॉन के गुणों के द्वारा मिलाकर से मिला सिंथेटिक तेल बनाया जाता है यह जो तेल होता है ना यह सस्ता होता है यह महंगा होता है तेल इस कारण इसका उपयोग कहां करते हैं महंगा होने कारण यह महंगा होता है इस कारण इसका उपयोग करते हैं सुरंग या भूमिगत जो भूमिगत ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है कहां किया जाता है भाई भूमिगत में इसका उपयोग किया जाता है यह ध्यान रखना तो सुरंग में उपयोग किया जाता है यह इसका उपयोग किया जाता है भूमिगत में अब आता है तो सुरंग और भूमिगत ठीक है तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझ गए तो महंगा कौन सा होता है सिंथेटिक तेल बहुत ज्यादा महंगा होता है इस कारण इसका उपयोग कहां किया जाता है सुरंग में यह भूमिगत में इसका उपयोग किया जाता है और खनिज तेल जो हमारे पास होता है वो खनिज तेल हमारे पास क्या होता है भाई सस्ता होता है अब खनिज तेल आपके घरों के बाहर जो भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं पर क्या होता है तो आप क्योंकि आपके घरों के बाहर जो भी ट्रांसफार्मर लगे हैं वहां पर यह खनिज तेल का ही प्रयोग किया जाता है अब अगला सवाल आता है कि ट्रांसफॉर्मर के तेल के मुख्य गुण क्या आता हैं मैं सब बता दूंगा आप पहले ध्यान से देखिएगा तेल के मुख्य गुण तेल के मुख्य गुण मुख्य गुण में सबसे पहला आएगा कैसा प्लेस पॉइंट क्या होगा फ्लैश पॉइंट प्लेस पॉइंट होता है 140 डिग्री सेल्सियस प्लेस पॉइंट कितना होता है 140 डिग्री सेल्सियस होता है यह ध्यान रखना यहां पर जो मिनरल ऑयल होता है वो हमारे पास किस प्रकार का होना चाहिए तो खनिज तेल है वो ग्रेड बी के प्रकार का होना चाहिए खनिज तेल किस प्रकार का होना चाहिए ग्रेड बी का खनिज तेल ग्रेड बी प्रकार का होता है बी प्रकार का होता है किस प्रकार का होता है भाई खनिज तेल ग्रेड बी प्रकार का होता है यह भी बात आपको ध्यान रखनी है तीसरी जो बात ध्यान रखनी तेल की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए उच्च होनी चाहिए तेल की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तेल की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए तेल की डायलेक्ट्रिक होने क्या होने उच्च तेल की डायलेक्ट्रिक कितनी होती है तीस के वी पर एम एम तो जो तब होती है जो फिल्टर नहीं होती है आफ्टर फिल्टर जो हम काम लेते हैं हम जो काम लेते हैं वो चालीस के वी पर से पचास के वी पर एम एम तक काम में ली जाती है और बिना फिल्ट्रेशन होती है वो थर्टी के वी पर एम एम होती है ये जो तेल होता है इस तेल का रंग कैसा होता है तो ये भी देखना है कि तेल का रंग आपने ट्रांसफॉर्मर के तेल का रंग देखा होगा पीला होना चाहिए कैसा होना चाहिए भाई पीला होना चाहिए तो तेल होता है उस ट्रांसफॉर्मर का उसका रंग भी क्या होता है पीला होना चाहिए और इसमें पूछा जाता अम्लता की मात्रा क्या होती है तो आप देखना ट्रांसफॉर्मर में अम्लता की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए अम्लता की मात्रा अम्लता की मात्रा बहुत कम होती है ट्रांसफॉर्मर में अम्लता की मात्रा क्या होती है भाई बहुत ही कम होती है यह ध्यान रखना भाई कलर बिल्कुल पीला बिल्कुल सही बता रहे हो आप तो अम्लता की मात्रा क्या होती है भाई बहुत कम होती है तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की बेसिक कंडीशन है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर के तेल की क्या कंडीशन है सवाल ये रहा कि अब रहा ट्रांसफॉर्मर का तेल है तो यहां पर देखो कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है शीतलन बी आंसर करना भाई किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है शीतलन के लिए प्रयुक्त के हटा दिया इस कारण दिक्कत है शीतलन के लिए प्रयुक्त होता है भाई ट्रांसफॉर्मर का जो तेल होता है शीतलन के लिए प्रयुक्त होता है ठीक है भाई ट्रांस शीतलन के लिए प्रयुक्त होता है तो ये ध्यान रखना भाई इसको सने, सने तो तेल खुद ही सने नहीं होता है शीतलन के लिए प्रयुक्त होता है बिल्कुल इसरो ने माना भी ओके जी ओके इसरो तेल के बारे में कंप्लीट डिटेल ये जरूर है ना स्क्रीन शॉट लीजिए भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो फ्लैश पॉइंट 140 तेल का ग्रेड कौन सा बी डायलैक्ट स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए उच्च होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए तर्टी केवी पर एमएम से कम तो होनी नहीं चाहिए ये भी अनफिल्टर्ड है फिल्टर होने के बाद में ये होनी चाहिए और इसका रंग तेल का रंग क्या होता है पीला होता है अम्लता की मात्रा क्या होती है बहुत ही कम होती है ये ध्यान रखना है तो ये पॉइंट जल्दी से नोट कीजिएगा ये पॉइंट नोट कीजिएगा भाई जल्दी से इसे वो वो इसके ले ले लीजिए पूछ ले तेल रासायनिक रूप से कैसा होना चाहिए आपके ना तेल रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए और उच्च उच्च तापमान पर यह किसी भी प्रकार के अलग से प्रतिक्रिया न करें इस बात का ध्यान रखना भाई तो इसका आंसर शीतलन बी सही है बी करेक्ट कर लीजिए इतना डिटेल तो पर भी नहीं है जो आज पढ़ाया ऐप के ऊपर बहुत चीजें और पढ़ाई हुई है यहाँ पर तो देखो के शिक्षक के लिए क्या है एप क्या बाहर जो पढ़ाते हैं आज मैराथन क्लास थी बर्थडे स्पेशल क्लास थी पूरे मन के साथ पढ़ा रहे हैं सिलेक्शन देके हम आपको गुरु दक्षिणा देंगे तो बिल्कुल हम इसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं आप सिलेक्शन दीजिए पीपीएम क्या होता है बिल्कुल सही है वो होता है ना पचास 50 पी होना चाहिए तो पीपीएम क्या होता है पीपीएम होता है हमारे पास पर मिलियन यानी कि जैसे होता है कि प्रति मिलियन हमारे पास जैसे एक प्रति मिलियन का मतलब होता है दस लाख पचास बूंद पानी की काम में ले सकते हो यदि एक लाख बूंद तेल की नहीं दस लाख बूंद तेल की है तो पचास बूंद पानी की चल सकती है पचास पीपीएम का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर एट पीम नहीं है एट से पचास आठ से पचास कोई, कोई लपड़ा नहीं है बिल्कुल पार्ट पर मिलियन है प्रति मिलियन कितना हिस्सा होता है पार्ट पर मिलियन होता है ना सही है मिलियन का मतलब होता है अच्छा वो डायलैक्ट भी छह से दस से दे रहे कहीं पर भी छह से दस नहीं होती है भाई दस छह से दस तो कभी डायलैक्ट होती नहीं है अगला वो सवाल तेल से भरे ट्रांसफॉर्मर में तेल किसके रूप में प्रयोग किया जाता है इंसुलेशन और शीतलन के लिए लुब्रिकेशन केवल इंसुलेशन केवल शीतलन इंसुलेशन और शीतलन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है भाई मेरा नाम नहीं लेता कभी भाई क्या ऊपर चला गया अभी कहा नीचे नीचे है ना कहा

तेतीस मिली तो कुछ है ही नहीं तीन पॉइंट तैतीस केवी है आसपास वही है तीस केवी पर एमएम कब काम लेते थे अनफिल्टर्ड होती है अनफिल्टर्ड होती है वो तीस केवी पर एमएम होती है आफ्टर फिल्ट्रेशन ये हो जाता मान भाई फ्लैश पॉइंट क्या था अभी अगला सवाल में बताएंगे सवाल आएगा अभी थोड़ी देर में आगे देख लो ट्रांसफॉर्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं जिस पर जलना शुरू होता है उसे फायर पॉइंट कहते हैं और फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं जिसमें जो तेल वाष्पशील अवस्था में आने लग जाता है यानी कि वो वाष्पशील अवस्था में आने लग जाता है वह फ्लैश प्ले, बिंदु आएगा फिर फायर आएगा जब वो जलने के लिए तैयार होने लग जाएगा वह बिंदु जहां पर वाष्पशील होने लगता है उसे हम क्या कहते हैं फ्लैश पॉइंट और फ्लैश के बाद में क्या होता है फायर लेकिन जब जलना शुरू होता है तो फायर होता विस्फोट होगा उसके बाद में कितनी बार चाय पी रहे हैं आप मेरा चाय बड़ी काउंटिंग करते हैं सवाल काउंटिंग नहीं कर रहे हैं सर आप बिना रुके आप यहां से सवाल तक पहुंच गए हैं चाहे तीन भी काउंटिंग ही स्टार्ट है ना चलो अगला सवाल देखते हैं हमारे सर ने तो तेल का रंग ब्लैक ब्राउन बताया था तो, तो क्या आप मुझे सर नहीं मानते हो क्या मानते हो तो मैं बता रहा हूं ना वो फाइनल है कहीं पर भी चेक कर लेना आपके सर ने बताया ब्लैक ब्राउन नहीं है आप ट्रांसफॉर्मर का तेल देखा नहीं कभी ट्रांसफॉर्मर का तेल आप देख लो ना इसमें कौन सा बताने की बात है ट्रांसफॉर्मर हर जगह लगे होते हैं रियल फैक्ट पूछ रहे चालीस केवी चार सौ तैतीस वोल्ट के कार्यकारी ट्रांसफॉर्मर तेल की न्यूनतम बी डीवी ब्रेक डाउन वोल्टेज थर्टी केवी से अधिक होना चाहिए किससे ज्यादा होना चाहिए थर्टी केवी से अधिक होना चाहिए अब देखो बाकी ऑप्शन है सौ केवी से अधिक वाला तो होता ही नहीं है और ये तो ग्यारह केवी से कम ये तो हो रहा नहीं तो तीस केवी से मतलब वही तेल का ही पूछा है तेल का तो वही मैंने बता दिया ना चालीस से पचास के होता तो थर्टी केवी से अधिक ही आएगा थर्टी केवी से कम तो हो ही नहीं सकता हल्का पीला होता है बिल्कुल बात है भाई हल्का पीला ही होता है प्योर पीला तो कैसे होता है हल्का पीला ही होता है प्योर पीले तो कपड़े होते हैं तेल का रंग तो हल्का ही होता है अगला सवाल ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल क्षमता के ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रयोग की जाती है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग होती है जो अधिक क्षमता के होते हैं अधिक क्षमता वाला कौन सा है पांच सौ केवी एयर ब्लास्ट भी है ये। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग है यह पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए काम में ली जाती है पांच सौ केवी से अधिक के लिए होती है 84 में हमारे पास सवाल कौन सा आ गया भाई

अलार्म बजने के बावजूद जैसे आप जागते नहीं हो तो बजती जाती है तो इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर की अलार्म बजनी शुरू होती है लेकिन यदि उसको बंद नहीं किया जाए को तो वो चलता जाता है और जब वो गर्म होता होता 140 डिग्री पर पहुंच जाता है तो उसके बाद वो विस्फोट हो जाता है और विस्फोट होने पर ये भयंकर विस्फोट होता है तो उस विस्फोट होने से पहले मरकरी पॉइंट बी है जो रिले इसको डिसकनेक्ट कर देती है काट देती है बकोज रिले केवल आंतरिक फॉल्ट के लिए काम में ली जाती है एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए काम में नहीं ली जाती ध्यान रखना। 85 नंबर सवाल। रिले रखा जाता है कहां रखा जाता है मैंने बताया था टैंक और कंजरवेटर के बीच में होता है कहां रखा जाता है टैंक और कंजरवेटर के बीच में अच्छा जो बकोज रिले होता है यह किस प्रकार का होता है आप तो यह पहले ही बता दिया गैस ऑपरेटेड होता है इन दोनों के बीच में रखा जाता है इसमें दो मरकरी पॉइंट होते हैं यह सवाल मरकरी पॉइंट वाला भी सवाल आता है दो मरकरी पॉइंट होते हैं कितने मरकरी पॉइंट होते हैं भाई इसमें दो मरकरी पॉइंट होते हैं ठीक है थी? तो इसमें दो मरकरी पॉइंट होते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है और गैस ऑपरेटेड रिले होता है यहां पर फ्लोटिंग पॉइंट ए और बी होता है ए केवल सूचना देता है बी डिस्कनेक्ट करने के लिए काम लिया जाता है यह रिले केवल आंतरिक फॉल्ट में काम आता है आंतरिक फॉल्ट में काम करता है तो टैंक और कंट्रिब्यूटर के बीच में बकोज रिले होता है ट्रांसफार्मर में एक रिले होता है ये बकोज रिले क्लियर है ओके अगला सवाल देखते हैं एटी सिक्स नंबर ये सवाल कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो जल्दी से ले लीजिएगा भाई फिर हम देखते हैं अगला सवाल बकोज रिले मतलब नेक्स्ट 86 नंबर सवाल ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान क्या है बड़ा आसान सा सवाल है जो बहुत कम होता है दो परसेंट से पांच परसेंट नो लोड करंट का मान क्या होता है दो परसेंट से पांच परसेंट अब नो लोड करंट का नाम क्या क्या होता है ये भी देख लेना नो लोड करंट इसका दूसरा नाम मैग्नेटाइज करंट भी होता है मैग्नेटाइजिंग करंट और जो तीसरा नाम होता है वो उत्तेजित करंट यानी एक्साइट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है इसे उत्तेजित करंट करंट भी इसे कहते हैं अब देखो एक बात इसमें ध्यान जो हमारे पास ये करंट होता है आई नोट से डिनोट होता है आई नोट हमारे पास क्या होता है मैंने आज फेजर डायग्राम बनाया था तो ये आई नोट आया था ना आई म्यू प्लस आई एम के हमारे पास जो बीच में इनका योग जो होता है वो हमारे पास क्या होता है आई नोट होता है आई म्यू कौन सा करंट होता है आई म्यू हमारे पास होता है एडी करंट कौन सा करंट होता है एडी करंट। और आई एम कौन सा होता है आई एम होता है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट एडी डी करंट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बहुत ही कम होता है तो इसलिए आई नोट लगभग लगभग आई एम के बराबर होता है आई नोट लगभग लगभग किसके बराबर होता है आई एम के लगभग लगभग लग हमारे लग पास बराबर होता है ये ध्यान रखना और जब आपके पास आई का मान कब बढ़ेगा जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो आई एम का मान बढ़े फाई एम का बढ़ेगा तो आई एम का मान बढ़ेगा तो ये दो परसेंट से पाँच परसेंट के बीच में होता है ये आपको ध्यान रखना भाई चौरासी वापस बताओ पांच सौ से कम थोड़ी होगा ऑयल ब्लास्ट विधि क्या बताए पांच सौ से अधिक पर लोगे ना काम है पांच सौ केवी से कम क्यों लोग ऑयल ब्लास्ट विधि पांच सौ केवी से अधिक पर के पर काम है लोगे पांच सौ तक तो आप सीधा ऑयल विधि काम लोगे ऑयल ब्लास्ट ऑयल ब्लास्ट कूलिंग है ऑयल कूलिंग डायरेक्ट थोड़ी है 500 सौ के बाद एस एफ सिक्स गैस यूज होता है एस एफ सिक्स होता है जो एस एफ टू और एस एफ फोर को मिलाकर बनाया जाता है जो रिले के प्रयोग के लिए बनाया जाता है यहां नहीं लेते हैं काम है वो साठ केवी केवी तक लेते हैं भाई फिर मैं और उसका बता देता हूं सात साठ केवी से अधिक क्या नाम उसका एस एफ सिक्स का ये हो गया भाई दो ट्रांसफॉर्मर की तुल्यकालिकता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है ट्रांसफॉर्मर में सिंक्रोनाइजेशन कब होगा ट्रांसफॉर्मर में सिंक्रोनाइजेशन कब होगा ये बताइए कि इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन के लिए मुख्य शर्त क्या है ध्यान रखना कौन से सिंक्रोनाइजेशन करना है आप देखिए समांतर संयोजन होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए मेन संयोजन हमारे पास कौन सा होता है समांतर यानी दो ट्रांसफॉर्मर को समांतर करते हैं तो समांतर करते समय कंडीशन क्या रखनी होती है पहली आप कहोगे ध्रुवता समान होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है दूसरा आप कहोगे वोल्टता भी समान होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है तीसरा क्या आवृत्ति आवर्ती भी समान होनी चाहिए वो ऑब्वियसली बात है आवर्ती भी समान ही होनी चाहिए आवर्ती भी समान होनी चाहिए चौथा बात है कि प्रति का इंपीडेंस भी समान होनी चाहिए प्रति का प्रति बाधा भी समान होनी चाहिए यह भी सही बात है तो ये हमारे पास कंडीशन तो आपको मुख्य ध्यान रखना प्रति का इंपीडेंस ये भी यदि थ्री फेज का ट्रांसफॉर्मर है तो फेज क्रम भी समान होना चाहिए थ्री फेज का तो फेज क्रम भी फेज क्रम भी समान फेज क्रम भी हमारे पास क्या होना चाहिए समान होना चाहिए तो ये आपको पहली बात तो ध्यान रखना पड़ेगा समान दूरता होनी चाहिए वोल्टता समान होनी चाहिए आवृत्ति समान होनी चाहिए प्रति समान होनी चाहिए फेज क्रम भी समान होना चाहिए और ये हमारे पास जो दोनों ट्रांसफॉर्मर है उसका शक्ति गुणांक है वो भी बराबर ही होना चाहिए आवर्तीगत भले मत लिखो कोई दिक्कत नहीं आती ऑप्शन में है इसलिए लिख दिया शक्ति गुणांक भी क्या होते हैं बराबर सारे दे कंडीशन लिख लो आवर्ती वोल्टेज फेज अनुक्रम समान होना चाहिए गति हमारे पास आएगी कहाँ से गति है ही नहीं सारे डिलीट कर दो वैसे आंसर तो सीधा आता है गति जब है ही नहीं तो गति आएगी कहां से डीसी मोटर की क्लास लगो इसको पूरा तो होने दो भाई अब क्या हो गया छियासी बीच में कहा से दिक्कत आ गई बुरा बताए ना छियासी में नो लोड का चलो ये बाकी नोट करो तब तो नो लोड का बोल देता हूँ मैं जो नो no लोड होता है उसको मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं उसे उत्तेजित करंट भी बोलते हैं नो लोड करंट यानी कि लोड नहीं है तब करंट क्या होता है तो बहुत ही नगनी करंट होती है जो से दो से पांच परसेंट होती है उत्तेजना प्रदान करने के लिए काम में ली जाती है इस कंडीशन में जो तांबे के द्वारा हानि होती है उसको नेग्लिजेबल माना जाता है यह ध्यान रखना पांच सौ केवीए को एमवीए में बदलोगे तो कितना आएगा देखो पाँच सौ के वी ए के वी ए बराबर जीरो पॉइंट पाँच एम वी ए सर दिल्ली में बुक कहाँ मिलेगी पता नहीं काजल आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिएगा ऑनलाइन ज़रूर है बाकी बुक स्टॉल का पता नहीं कौन से कहाँ पर मिलती है कौन से कहाँ से लेते हैं हम तो कोई दो चार डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा देते हैं फिर वो आगे भेजते रहते हैं ट्रांसफॉर्मर के समांतर परिचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है ट्रांसफॉर्मर के समांतर परिचालन के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है ट्रांसफॉर्मर की समान दूरता समान वोल्टेज अनुपात समान प्रतिबद्ध दूरता भी आपको क्या चाहिए होती है भाई समान होनी चाहिए दूरता क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए और वोल्ट अनुपात भी समान चाहिए प्रतिशत प्रतिबाधा भी समान प्राइमरी वाइंडिंग में वर्त समान होना चाहिए यह हमारे पास कंडीशन नहीं रहती है ना भाई बताइए कौन सी शर्त नहीं है बिल्कुल सबका सही आंसर है यह तो समान होना ही चाहिए तो नहीं है तो कौन सा आ जाएगा भाई नहीं है तो डी हमारे पास आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ गया डी बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हो बहुत आनंद आ रहा है मजा ले रहे हो हाथों पढ़ने का बहुत और हमें भी बहुत मजे आ रहे हैं भाई एटी नाइन नंबर सवाल आ गया है दो ट्रांसफॉर्मर समांतर में चल रहे हैं ये दोनों निम्नलिखित आधार पर लोड का से भजन करेंगे दो ट्रांसफार्मर किस में चल रहे हैं समांतर में तो समांतर चल रहे तो लोड बंटेगा बन, जरूर तो किस आधार पर होगा दक्षता रेटिंग प्रति कई प्रतिबाधा लीकेज प्रतिगत इसका ध्यान रखना है जब भी लोड हमारे पास बंटेगा तो हमेशा प्रति इकाई प्रतिबाधा के अनुसार लोड का वर्गीकरण किया जाएगा तो लोड हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में प्रति इकाई प्रतिबाधा के अनुसार वर्गीकरण करना यह ध्यान रखना तो करेक्ट ऑप्शन सी है ठीक है तो आप ऐसे लिख भी सकते हो ट्रांसफॉर्मर का प्रतिबाधा है इस प्रकार है। ठीक है अगला सवाल देखिए अब देखिए समांतर प्रचलन संभव तीन से तीन फेज ट्रांसफॉर्मर संबंधन है तीन से तीन फेज यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है अलग तरह का सवाल है थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पर जो समान है ना

स्टार स्टार है डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा से स्टार स्टार कनेक्शन करोगे तो फेज अंतराल हमारे पास आएगा जीरो डिग्री क्लियर है यदि आप डेल्टा डेल्टा से स्टार स्टार कनेक्शन करोगे तो फेज अंतराल आएगा 180 डिग्री अब इन दोनों में फर्क है अब इन दोनों में फर्क हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास याद रखना जीरो जीरो देखो बारह बजती है ना बारह बजती है तो जीरो जीरो पर आता है तो दोनों अंतर जीरो डिग्री होता है लेकिन छः बजती है ना छः बजती है तो एक सौ अस्सी डिग्री अंतर होता है बारह से छः बजते अंतर कितना आता है एक सौ अस्सी डिग्री का तो यहां पर आप क्या हो गया भाई जो छ छः हो गया छः बजती है तो छः होता है तो छः छः होता है तो कितना डिग्री अंतर होता है एक सौ अस्सी डिग्री अंतर होता है अब यहां पर एक होता है ग्यारह ग्यारह और एक होता है वन वन एक होता है ग्यारह ग्यारह एक होता है वन वन ग्यारह ग्यारह होता था ये जो हमारे पास स्टार डेल्टा और स्टार डेल्टा कह दो या डेल्टा स्टार डेल्टा स्टार कह दो तो भी हमारे पास सेम ही चलेगा कोई दिक्कत है नहीं डेल्टा स्टार से डेल्टा स्टार तो यहाँ पर जो होता है थर्टी डिग्री होगा और यहां पर भी सेम की सेम यही कंडीशन लगेगी यहां पर भी 30 डिग्री होगा लेकिन आपको याद रखना है कि जो 11-11 वाली आधी कंडीशन इसमें 30 डिग्री लेगिंग होगा यानी कि पीछे जाएगा इसमें 30 डिग्री लीडिंग होगा तो 30 डिग्री लेगिंग और लीडिंग का ध्यान रखना है सॉरी थर्टी डिग्री ये ग्यारह ग्यारह पर लीडिंग है भाई एल ई ए डी आई एन जी ये है थर्टी डिग्री लेगिंग ये एक ट्रांसफॉर्मर की अलग से कंडीशन है जो थोड़ी नोट कर लेना यदि आपको आगे गहरे पूछे डेल्टा डेल्टा से स्टार स्टार संयोजन होगा जय करण जी धन्यवाद जी जो डेल्टा डेल्टा से स्टार स्टार कनेक्शन होगा वो जीरो डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार जो होगा 180 डिग्री पर होगा तो छे, -छे में होगा तो 180 डिग्री पर होता है जीरो जीरो पर होगा तो ये चार तरह के फेज क्रम होते हैं भाई जो आप नहीं जानते मैं बता दू ये चार तरह के फेज क्रम होते हैं एक खंड कितना होता है घड़ी में तीस डिग्री का होता है तो खंड कितने डिग्री होंगे एक सौ अस्सी डिग्री होंगे तो छंड एक सौ अस्सी डिग्री होंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मैराथन क्लास ले लो मजा आ रहा है आज शानदार ले लेंगे भाई उसकी भी कभी सर जी मैं वैकेंसी को डंपर में भरा के ला रहा हूं आप तैयारी कराते रहो आप पढ़ते रहिए मैं पढ़ाता रहूंगा किले रवि और आप जानते हो कि पसीने से लिखी दास्ता जो कोई बंदा मेहनत करता है तो पसीने से लिखी दास्ता हमेशा रहती है मेहनत से खिली मुस्कान भी हमेशा रहती है पहचान से मिला काम हमेशा नहीं रहता ध्यान रखना ये आपने किसी को जानकारी कहोगे भाई देखो मेरा आदमी है आप उसको काम पे लगा दोगे वो काम हमेशा रहना जरूरी है क्या तो पहचान से मिला काम हमेशा नहीं रहता लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा रहती है ये आप बात ध्यान रखना कि मेहनत से लिखी दस दास्ता हमेशा रहती है मेहनत से पसीने से लिखी दास्त हमेशा रहती है मेहनत से खिली मुस्कान हमेशा रहती है पहचान से मिला काम हमेशा नहीं रहता लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा रहती है तो आप काम कीजिए काम से जो पहचान मिलेगी वो हमेशा रहेगी तो काम से मिली पहचान आपको हमेशा रहेगी इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है साथियों अगला 91 नंबर सवाल बोर मत होइएगा थोड़ा सा गैप है इसमें बोर होने की कोई आवश्यकता नहीं अंडर फ्रिक्वेंसी सप्लाई में ट्रांसफॉर्मर के कोर में क्या होता है अंडर फ्रिक्वेंसी सप्लाई में ट्रांसफॉर्मर के कोर में फ्लक्स के कारण सेचुरेशन होता है अंडर फ्रिक्वेंसी में क्या होता है फ्लक्स के कारण सेचुरेशन होता है बिल्कुल करेक्ट है भाई तो क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी आवर्ती हमारे पास घटती है चुंब के फ्लक्स का मान बढ़ता है आवर्ती घटती है चुंब के फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाएगा तो हमारे पास अंडर फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी घटेगी तो सेचुरेशन जाएगा तो फ्लक्स के कारण सेचुरेट हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे आवृत्ति घटोगे फ्लक्स बढ़ेगा और फ्लक्स बढ़ने के कारण सेचुरेशन की कंडीशन जाएगा तो अंडर फ्रिक्वेंसी सप्लाई में ट्रांसफॉर्मर में कोर क्या आएगी सेचुरेशन कंडीशन के अंतर्गत जाएगी तो फ्लक्स बढ़ने के कारण क्या हो जाता है सेचुरेशन की होने की संभावना रहती है ये ध्यान रखना भाई सेचुरेशन की संभावना रहती है 91 नंबर सवाल ध्यान से देखो भाई ट्रांसफॉर्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ट्रांसफॉर्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है चुंबकीय फ्लक्स निरंतर चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यावर्ती विद्युत फ्लक्स ये तो मैंने आते ही आज बताया था कि ट्रांसफॉर्मर हमेशा जो चुंबकीय होता है वो प्रत्यावर्ती नेचर का होता है तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स होता है भाई ओवर फ्रिक्वेंसी होता है तो वहां पर हम आयरन को काम नहीं लेके वायु को काम लेते हैं बताए था ना भाई सवाल चलो अगला सवाल देखिए 93 में कौन सा ट्रांसफॉर्मर आकार में छोटा होता है कौन सा ट्रांसफॉर्मर आकार में छोटा होता है तो ध्यान रखना कि जो ट्रांसफॉर्मर में जो आवर्ती होती है ये कोर के आकार के विक्रम होती है कोर के आकार या कोर का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जिसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं से है। इसके क्या होती है विक्रम होती है तो अब आप देखो कि यदि आप आवर्ती बढ़ाओगे तो आकार क्या होगा घटेगा आवर्ती घटाओगे तो आकार बढ़ेगा तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर आकार में सबसे छोटा होता है आप बताइए तो जिसकी आकार में छोटा वो होगा जिसकी आवर्ती ज्यादा होगी साठ पच्चीस सौ पचास सो वाला लिख लीजिए लेस एरिया हाई फ्रिक्वेंसी लेस एरिया हाई फ्रिक्वेंसी इस बात को आपको ध्यान रखना भाई लेस एरिया हाई फ्रिक्वेंसी क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है बी को लो कर दो बी गलत है आकार में बड़ा लो की करे तो गलत करे आकार में क्या होता है भाई बड़ा होता है क्लियर है अगला सवाल ट्रांसफॉर्मर की प्रतिबाधा अनुपात किसके समान होती है से भाई अगला 94 की किसके समानुपात अनुपात में होती है ट्रांसफर अनुपात ट्रांसफर अनुपात के प्रतिलोम या वर्ग देखो आप क्या जानते हो के बराबर एन टू बटा एन वन वी टू बटा वी वन I1 बटा जेड टू बटा जेड वन क्या रूट तो यहां से आपके पास ये मिला के बराबर रूट जेड टू बटा जेड वन तो K क्या आ गया भाई जेड टू बटा जेड वन के स्क्वायर ये आया ये ट्रांसफॉर्मर का अनुपात कहलाता के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो प्रतिबादक अनुपात जेड टू बटा जेड वन किसके बराबर है भाई K के स्क्वायर के के इसको ट्रांसफॉर्मर अनुपात के वर्ग ट्रांसफॉर्मर अनुपात के वर्ग होगा भाई तो ये ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मर वर्ग के ट्रांसफॉर्मर अनुपात के वर्ग होगा उसके बराबर होगा भाई 94 फोर में डी हो रहा है आप बहुत अच्छा पढ़ा सर मजा आ गया बहुत बढ़िया भाई आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो तो इसलिए मजा आता रहेगा हो गया आगे लें अगला सवाल लें ले, नेक्स्ट निम्न में से विद्युत ट्रांसफॉर्मर के प्लेट पर नहीं दिखता है विद्युत ट्रांसफॉर्मर की प्लेट पर इनमें से क्या नहीं दिखता है सदिश ग्रुप ड्यूटी रोदन वर्ग फ्रेम साइज देखो इंसुलेशन कौन सा वो तो दिया होता है फ्रेम की साइज भी होती है ड्यूटी भी होती है सदीश ग्रुप नहीं होता है तो कौन सा नहीं होता है तो आप कहोगे ये नहीं होता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ए तो वहां पर सदीश ग्रुप नहीं होता है ध्यान रखना भाई क्लियर है तो सदीश ग्रुप नहीं होता है आगे सबका करेक्ट है भाई सबका करेक्ट आंसर है अगला एक ट्रांसफॉर्मर का वोल्ट का नियमन अधिक अधिकतम कब होता है वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब होगा इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब होगा लीडिंग पावर फैक्टर पर होगा कि लेडिंग पावर फैक्टर पर होगा जल्दी से आप बताइए आंसर लीडिंग पावर फैक्टर होगा होगा लेगिंग पर होगा मैंने बताया था ऑलरेडी और इसके बावजूद आंसर नहीं दे हमारा आशीर्वाद आपके साथ है जल्दी से ड्यूटी साइकिल होती है भाई जो, जो होता है ना चक्र जो टाइम और फ्रिक्वेंसी का संबंध होता है ड्यूटी साइकिल आवर्ती से संबंधित यूनिटी लेगिंग लेगिंग करेक्ट आंसर लेगिंग में नियमन अधिकतम होता है लीडिंग में मिनिमम होता है मिनिमम पूछता तो आप क्या कहते हैं? लीडिंग कहते हैं। गारंटी कोर्स गारंटी कोर्स ए पर कोर्स नहीं ए पर कोर्स मिलता है गारंटी कोर्स क्या होता है एक इकई ट्रांसफॉर्मर के लिए उच्च वोल्टता क्या होनी चाहिए देखो ये ना अलग से सवाल है उच्च वोल्टता पूछिए तो उच्च वोल्टता हमारे पास 33 केवी तक होती है तो ये हमारे पास देखो 22 के भी, 33 के भी, तो यहां पर चोईस केवी ऑप्शन है तो ये आंसर करोगे और आगे वाले अति उच्च में चले जाएंगे आगे वाले किस में चले जाएंगे अति उच्च के अंतर्गत चले जाएंगे तो उच्च में आपको पूछा तो आप क्या कहोगे चोईस वोल्ट आपके पास आंसर आएगा उच्च वोल्ट तक ले तो इकाई ट्रांसफॉर्मर उच्च वोल्ट तक क्योंकि होगी चोईस केवी जूनियर इंस्ट्रक्टर का सवाल है आर एस एसवी बोर्ड का अगला सवाल देखिएगा ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को किससे बढ़ाया जा सकता है ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग चुंबकीय कपलिंग को कैसे बढ़ोगे ये सवाल है भाई ध्यान से देखिए चुंबकीय कपलिंग कैसे बढ़ेगी? चुंबकीय कपलिंग प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट में जो अच्छी क्वालिटी होती है उसमें कोर का प्रयोग लेकर इसको बढ़ाया जाता है तो यहां कोर का उपयोग करके बढ़ोगे तो क्या करोगे निम्न रिलेक्टेंस सामग्री का कोर कौन सी निम्न रिलेक्टेंस का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करना तो चुंबकीय फ्लक्स में कम बाधा होगी हो तो हमारे पास पारगम्यता क्या होगी अच्छी होगी पारगम्यता यानी परमिबिलिटी अच्छी होती है और परमिबिलिटी अच्छी, हो अच्छी होने परमिबिलिटी हमारे पास अच्छी होगी जिसके कारण इसका मतलब क्या हो गया रिलेक्टेंस का मान क्या हो गया कम हो गया रिलेक्टेंस हमारे पास क्या होता है प्रतिष्ठम होता है यह मैंने बता भी दिया था रिलेक्टेंस का मान कम होगा और पार्ग हो में तो अच्छी होगी तो यानी कि चुंबक फ्लक्स का जो लिंकिंग है लीकेज नहीं है जितना ज्यादा फ्लक्स लिंकिंग होगा उतनी ही गुड कपलिंग होगी फ्लक्स लिंकिंग समानुपाती गुड कपलिंग जितनी अच्छी कपलिंग फ्लक्स लिकिंग होगी उतना ही कपलिंग जो तो निम्न सामग्री के कोर का प्रयोग करके ताकि चुंबक के फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा जाए तो फ्लक्स ज्यादा ज्यादा से काटेगा तो फ्लक्स का लिंक पहली प्राइमरी से दूसरे में ज्यादा होगा और फ्लक्स का लिंकिंग अच्छा होता है तो कपलिंग गुड होगी और कपलिंग फैक्टर के होता है वो एम बटा रूट एल वन एल टू होता है ये जो होता है मात्रकहीन होता है भाई कपलिंग फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है कपलिंग फैक्टर का कोई भी मात्रक नहीं होता इस बात का भी आप ध्यान रखना क्लियर है अगला करते हैं 99 नंबर दो सवाल बचे हैं फिर करेंगे इंपॉर्टेंट बात ठीक है अगला सवाल देखिए 99 नंबर सवाल एक विशिष्ट परिणाम मित्र जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है एक विशिष्ट परिणाम मित्र जिसका प्रयोग अ संतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने के लिए होता है उसका नाम होता है बेलूम याद रख लेना नाम क्या होता है बेलूम ये अपने पास इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये केवल आपके यूपी आर में पूछा गया सवाल है जो बाहर से है आपकी किताबों में कहीं नहीं होता तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बेलूम आप ध्यान रखना अगला सवाल है हंड्रेड नंबर सवाल देखिए एक ध्यान से यदि एक खोखले एयर कोर इंडक्टर कोयल में तांबे के तार के 500 टर्न है जो कि 10 एम्पियर का डीसी करंट गुजारने पर 10 मिली का चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है तो स्व परण कितना होगा यह आपसे पूछा है कि स्व परण का मान क्या होगा स्व परण एल बराबर क्या होता है ध्यान से देखना भाई एल बराबर क्या होता है n phi i l n phi i ध्यान से देखो l n नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 500 phi चुंबकीय फ्लक्स 10 मिलीवेबर है तो 10 मिली लिख देता हूं मिली लिखता हूं मैं ठीक है ना अपॉन दस i करंट कितना है 10 एंपियर है 10 10 कैंसिल आ जाएगा l बराबर क्या आ जाएगा 500 मिली और हेनरी में है तो सौ मिली हेनरी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी ले लीजिए स्क्रीनशॉट या इसको देख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो करना है जल्दी से कीजिएगा जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा भाई तो सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिए कैसा लगा फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं एक और मोटिवेशन साथ के साथ क्लास के बाद में जिसको कोर्स चाहिए वो इन नंबरों पे बात कर लेना भाई जो तेजपाल नाम है क्या आपका अब देखिए आप ध्यान से कि आपको कोर्स कैसा लगा वो बताइए फिर मैं आपको मोटिवेशन देता हूं कभी हारना नहीं है आपको जिंदगी में लगातार मेहनत करते हो लगातार पढ़ना है मिशन सक्सेसफुल बहुत मजा आ गया ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखो कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है जैसे देखो कि आप है ना पढ़ते हो कि साहब मैं तैयारी कर रहा हूं आप है ना गांव से शहर के अंतर्गत आगे हो कमरा किराए पे ले लिया है कि साहब मैं ना चार घंटे पढ़ता हूँ अरे चार घंटे क्यों पढ़ते हो पांच घंटे क्यों नहीं पढ़ते हो सात घंटे क्यों नहीं पढ़ते हो बाकी टाइम करते क्यों जब घर से आ ही गए हो पढ़ने तो पढ़ो ना तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको जब पढ़ने आई गए तो वापस पीछे क्यों रखना है या फिर कम क्यों पढ़ना है ये क्यों करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमने मेहनत करनी प्रारंभ कर ही दी है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है जब नाव जल में छोड़ दी तूफा में ही मोड़ दी दी दे चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या ध्यान समझ में आया कि नहीं आया कि भाई आपने जब नाव जल में छोड़ दी है तो अब वापस देखने का क्या तात्पर्य है कि जब आप तैयारी करने लगी गए हो तो वापस पीछे मुड़ के क्यों देखते हो जब नाव जल में छोड़ दी तूफा में ही मोड़ दी दे दी चुनौती सिंधु को आपने सबको चुनौती दे दी मैं परीक्षा निकालूंगा तो फिर धार क्या मझधार क्या क्या मृत्यु को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही फिर जीत क्या फिर हार क्या जब छोड़ सुख की कामना आरंभ कर दी साधना सुख की कामना हमने छोड़ दी है हम नहीं चाहते हैं कि आ है। मतलब ऐसे रात सुबह नौ नौ बजे दस दस, दस बजे तक सोए रहे हम सुख की कामना छोड़ दी हमें मेहनत करनी है कठोर परिश्रम करना है जब छोड़ सुख की कामना आरंभ करनी आरंभ कर दी, दी साधना संघर्ष पथ पर बढ़ चले फिर फूल क्या अंगार क्या क्या फर्क पड़ता है कि आपके रास्ते में फूल आ रहे हैं कि अंगार आ रहे हैं आपका लक्ष्य यूपीबीसी तो वही होगा और आपका लक्ष्य टेक्निकल हेल्पर है तो वही होना चाहिए बीच में क्या हो रहा है बीच में कोई पटवारी की तरफ जा रहा है कोई पुलिस की तरफ जा रहा है ये क्यों जा रहा है तो संघर्ष पथ पर बढ़ चले फिर फूल क्या फिर अंगार क्या संसार का पीपी घरल जब मन को कर लिया सरल भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या क्या श्रृंगार तो ये आप ध्यान रखना है कि अब आपको किसी दूसरी चीजों की परवाह नहीं करनी पूरा सार यही है कि जब आप इस चीज में लगी गए हो बहुत शानदार तरीके से लगे हो तो पीछे के नहीं देखना है यह बात ध्यान से गांठ बांध लेना है और इसमें सफलता हासिल करनी है यही आपका कर्तव्य है और यही आपका धर्म है धर्म और कर्तव्य आपका कॉमन है इसमें तो लगातार मेहनत कीजिएगा और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मुझे विश किया है सभी विद्यार्थी विश कर रहे हैं बार बार तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मैं आपको धन्यवाद एक दूसरे इस कारण देता हूं आप लगातार बने रहे जो पिछले साढ़े चार पांच घंटे से लगातार आप मेरी क्लास के अंतर्गत बने रहे आपको पढ़ने का कैसा आनंद महसूस हुआ कितना मजा आया आप जरूर कमेंट में भी शेयर कीजिएगा दूसरा है कि इस जो चैनल जो नए विद्यार्थी जितने भी है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा सभी ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा और हम आगे आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासे लेके आते रहेंगे जो मॉर्निंग में जो लगातार क्लास चलती है वो लगातार ही चलेगी उसमें आपको सुबह सात बजे वाली राम बुक का सोल्यूशन उसमें कोई दिक्कत नहीं है जो भी विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं और अभी सिक्सटी परसेंट का ऑफ है आज और कल दो दिन तो वो कोर्स ले सकते हैं कोटिले क्लासेस का एप डाउनलोड करके ठीक है साथियों धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच